Hey guys, good morning. What's up? How are you all doing today? Welcome to another session of Modern History. I hope my voice is clear to you guys and you can see me on your screens. A few of you are already online. Good morning, Jenny. Good morning, Abhijit. I'm sure few of the other students would join me as soon. I'll take just a minute more. Maybe I should wait for the students to join me and then I can begin with the session. Okay, I'm not sure if you guys can hear me or you can see me on your screens. Are you there, guys? Shall I begin with the session? Please let me know. I'm just making sure there is no technical glitch. If you are there, guys, just let me know so that I can take up the session. Jenny, Abhijit, okay. But Ram says all clear. Good morning, hi. Abhijit says all clear, okay. So good morning, guys. Welcome to Unacademy, India's largest online learning platform. And this is the B2M channel for UPSC CSE, Beginner to Master series, where our objective is to transform you from a beginner to a master level. Basics se shuru karke cheezon ko hum मास्टर्स लेवल तक लेकर के जाते हैं. फॉर दोज ऑफ यू हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू एन अकेडमी येट, आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू सब्सक्राइब टू एन अकेडमी एज सून एज पॉसिबल सो दैट यू कैन अनलॉक द बेनिफिट एंड यू कैन लर्न ऑन द गो. यू कैन गेट एक्सेस टू लाइव अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कंटेंट फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स. फॉर दिस यू हैव टू फर्स्ट डाउनलोड द ऐप. जितने भी लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं और आप अभी डाउनलोड नहीं किया है, आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू डाउनलोड दिस ऐप एज सून एज पॉसिबल सो दैट यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ ओवर देयर. यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द कंटेंट विच इज अवेलेबल ऑन द ऐप. अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो अनअकैडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. यू कैन लर्न ऑन द गो. देन दीज ऐप्स आर अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर एज वेल. समथिंग अबाउट मी बिफोर बिगनिंग द सेशन. 7+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्वड अंडर मेनी रेप्यूटेड IAS institutions of Delhi as well as all over India. I have mentored students for various central and state level examinations. I have appeared myself for UPSC CSE interview thrice. You can read more about me from this section. For those of you who have not joined the Telegram group, guys, I would recommend you to join this group as soon as possible so that it can fulfill the twin objective. First is the notifications. जब कभी मैं ऑनलाइन आता हूँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगी. यू नो, व्हेनेवर आई एम ऑनलाइन ऑन आइदर B2M चैनल जो आप देख रहे हो या फिर क्वेस्ट चैनल या फिर स्पेशल क्लास जो कि अनअकैडमी ऐप पे मैं लेता हूँ, है ना. तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है जब कभी मैं ऑनलाइन आता हूँ. कुछ चेंजेस होते हैं टाइम शेड्यूल में तो वो भी चीज आपको पता चल जाती है. साथ ही साथ पूरे सेशन की PDF भी मैं आपको दे देता हूँ जिससे आपका रिविजन आसान हो जाता है और आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. आप इसमें खाली एड ऑन कर सकते हो बुक्स को पढ़ करके इन स्लाइड्स में, लेकिन जो मोटा मोटा जो मेहनत है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. इफ यू वॉन्ट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी यू कैन डू सच बाय using this username Karthike3107. अगर आप इसको अपने वेबसाइट पे या ऐप पे ढूंढते हो, अगर मुझे सब्सक्राइब वहां फॉलो नहीं किया है तो आप इसको यूज करके मेरी प्रोफाइल पे जा सकते हो. कुछ इस तरह की प्रोफाइल खुल जाएगी.
मेरे नाम से भी चलो तो आप मुझे सर्च कर सकते हो और फिर मेरे बारे में पढ़ सकते हो, और जितना भी मेरा फ्री कंटेंट है, इफ यू आर अ फ्री लर्नर, जितना भी मेरा फ्री कंटेंट है वो आप देख सकते हो। इफ यू आर अ प्लस लर्नर यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर माई प्लस क्लासेस एज वेल। फ्री क्लासेस स्पेशल क्लास के टैब में आ जाएगी, ये सी वाला बटन दबा करके आप जितने भी स्क्रोल कर लेना, जितने भी वीडियोज है वो सारे के सारे देख सकते हो। तो नॉट ओनली मी, इंडियाज टॉप एजुकेटर्स आर वेटिंग फॉर यू ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म सो दैट यू कैन बेनिफिट द मोस्ट, और आपकी जो तैयारी है वो रॉक सॉलिड हो जाए। हम लोग जो बात कर रहे थे मेडिवल हिस्ट्री कहानी हम लोग देख रहे थे, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, मैंने ऑलरेडी कई सारे लेसन ले रखे हैं। जिन्होंने मुझे नहीं देखा है या पहली बार मेरे सेशन में आए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट दोज गाइस टू वॉच दीज सेशंस एज वेल। ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है मैं उसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में, एक तरह से स्ट्रक्चर्ड मैनर में अप्रोच कर रहा हूँ। टाइमलाइन के साथ हम लोग चल रहे हैं, तो अभी आज का जो सेशन है, टुडे इज द 11th सेशन ऑफ दिस सीरीज ऑफ मॉडर्न इंडिया। और अगर आपको ये लेसन्स पुराने भी देखने हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ कुमार कार्तिक कोर्स करके लिखा होगा, उसके नीचे प्लेलिस्ट लिंक दी होगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे ये जितने भी 10 और लेसन्स हैं उसको भी देख सकते हैं गाइस। जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे रहे हैं उनको मैं ये बुक रेकमेंड करूंगा, और जो स्टूडेंट्स 2-3 साल बाद एग्जाम देने जा रहे हैं उनको मैं ये वाली बुक रेकमेंड करूंगा, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया फॉर दोज ऑफ यू हु आर टारगेटिंग 2021 प्रीलिम्स एंड मेंस। और जो आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी कॉलेज में है या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर में है और 2-3 साल बाद प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये बुक ज्यादा सही रहेगी, क्योंकि आपके पास टाइम है और अगर आप चाहें तो ये बुक से पढ़ के फिर कुछ चैप्टर इससे पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम के साथ खास बात क्या है, इससे आपकी एनालॉजी जो है वो स्ट्रांग होगी, आपका एनालिसिस सोचने का जो तरीका है, दिमाग खुल जाता है, सोचने का जो तरीका है वो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि किताब इस तरीके से लिखी गई है ताकि आप चीजों को जोड़ते चलो। तो ये बुक आपको बहुत हेल्प कर सकती है मेंस में। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो इस किताब को पढ़ें और समझ जाएंगे कि आंसर लिखना कैसे होता है स्ट्रक्चर्ड मैनर में। तो ये बुक राजीव अहिर की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, और ये वाली बुक विपिन चंद्रा की क्लास 12 की एनसीईआरटी, जो आजकल बुक के फॉर्मेट में मिल रही है ऑन द स्टोर्स। ठीक है, तो आज का मैराथन सेशन शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉर्ड लिट्टन और लॉर्ड रिपन के बारे में, और द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और क्या चीज थी उस टाइम जब इनिशियली कांग्रेस फॉर्म हुई थी, और किस तरह से मॉडरेट्स आए, किस तरह से एक्सट्रीमिस्ट आए, वो चीज हम देखेंगे। इनमें स्प्लिट जो होगा वो आगे होगा, लेकिन जो इनिशियल बैकग्राउंड फेज था कांग्रेस का, उसके बारे में आज हमें चर्चा करनी है। ये जो चार्ट मैंने आपको दिया था, वी आर हियर समवेयर इवेंट्स आफ्टर 1857 एंड बिफोर द बर्थ ऑफ कांग्रेस। तो ये जो दौर था, दिस वॉज अ फेज वेयर एजुकेटेड मिडिल क्लास रोज अप एंड देन दे स्टार्टेड डिमांडिंग थिंग्स फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि उनको बिलीफ था कि नो दे हैड बिलीफ इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस इंस्टेंस विद राजा राम मोहन रॉय व्हेन ही वेंट बैक टू इंग्लैंड इन 1930 एंड डिमांडेड राइट्स फॉर द इंडियंस, लेकिन उनको वो राइट्स मिले नहीं थे बिकॉज पार्लियामेंट ने उनको कहा था कि यू आर रूल्ड बाई अ कंपनी इन दिस वे एंड वी कांट इंटरवीन। तो जब ब्रिटिश क्राउन टेक ओवर कर लेता है तो देखते हैं कि चीजें बदलती रहती हैं। कल का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट था, रिवोल्ट ऑफ 1857 का, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना, ये मेंस में बहुत बार पूछा गया और हम लोगों ने काफी डिटेल में इसको एनालाइज किया। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है लॉर्ड लिट्टन के साथ, जो बैकग्राउंड मैंने आपको बता रखा था, जब ये रिवोल्ट हुआ था इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा पॉलिटी की तरफ भी गए थे, हम लोगों ने एक्ट ऑफ 1858 भी देखा था और एक्ट ऑफ 1861 भी देखा था, हमको समझ में आया था ये जो दोनों एक्ट थे, दीज टू एक्ट्स फेल्ड टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट एज वेल एज द इंडियन पीपल। उनको बेवकूफ एक तरीके से बनाया जा रहा था, क्योंकि जब कंपनी थी तो सप्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन करती ही थी, और ब्रिटिश क्राउन भी हमेशा सप्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन की फिलोसफी को लेके आगे बढ़ेगा, क्योंकि दे वुड ट्राई एंड फुलफिल देयर इंटरेस्ट ऑलवेज, दे वोंट बॉदर अबाउट द इंडियंस, दे वोंट बॉदर अबाउट देयर राइट्स, वो हमेशा अपने हिसाब से चीजें करते थे। और इन दोनों एक्ट्स में हमने देखा था कि चीजें उन्होंने दी भी और नहीं भी, क्योंकि जो चीजें दी, जिस तरह से दिया गया उसका कोई फायदा नहीं हुआ इंडियंस को,
इसी वजह से आप देखोगे एक्ट ऑफ 1858 जब रोल आउट हुआ था तो उसके बाद एजिटेशन थी, जिसकी वजह से आपको जमींदार लैंड होल्डर सोसाइटी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेंगी। और 1861 का जो एक्ट था दैट एक्चुअली शैटर्ड द ड्रीम्स ऑफ दीज नेशनलिस्ट, क्योंकि उनको एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी कि शायद हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। ऑल्दो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इंडिया में आ चुके थे, पार्लियामेंट, पोर्टफोलियो सिस्टम, ऑर्डिनेंस वगैरह खोला गया, लेकिन उसमें कहीं पर भी इंडियंस को नहीं बैठाया गया, उनको कुछ भी डिपार्टमेंट नहीं दिया गया। इसकी वजह से इनकी जो एस्पिरेशंस थी वो हर्ट हुई थी, और इसकी वजह से आप देखोगे कि दो नई ऑर्गेनाइजेशन आती है ना, इंडियन एसोसिएशन एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी और एस एन बनर्जी की, और ये लोग फिर गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना शुरू करते हैं। तो लॉर्ड लिट्टन के आने के पहले ये कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड बन रहा था। द ब्रिटिश क्राउन वॉज फेसिंग ट्विन चैलेंजेस, दो चैलेंज उनके सामने आ रहे थे। पहला चैलेंज राइजिंग नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया में राष्ट्रवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ यू सी दी बर्थ ऑफ नो मॉडर्न नेशंस, जर्मनी, इटली, जापान आफ्टर द 1870s। तो ब्रिटिश क्राउन वॉज इन अ रेस विद दीज गाइज एज वेल, क्योंकि रिसोर्स ये छीनेंगे तो ब्रिटिश कॉलोनीज को भी छीनने की कोशिश करेंगे, और इसी वजह से आप देखोगे कि ब्रिटिश क्राउन इन नए एस्पिरेंट्स की वजह से भी परेशान रहेगा, वो फंसा रहेगा कि इंडिया को संभाले या अपने देश ब्रिटेन को संभाले। और इसी कंफ्यूजन में, इस चैलेंज को हैंडल करने के लिए इंडिया में लॉर्ड लिट्टन को भेजा गया था। तो ये आदमी जो है इसकी प्रायोरिटी क्या थी, बैकग्राउंड को समझिए। पहला ऑब्जेक्टिव जो है इसका, वो जो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म जो इंडिया में बढ़ रहा है उसे कंट्रोल करना, है ना, जो लोग डिमांड कर रहे हैं, जो नेशनलिज्म धीरे धीरे राइज हो रहा है उसे कंट्रोल करना, और दूसरी चीज रिवोल्ट ऑफ 1857 की जो आग थी, आग देश जल रहा था उस टाइम आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो लोगों को पैसिफाई करना, लिमिट में रहते हुए लोगों को पैसिफाई करना, समझाना, और इनके अंदर जो गुस्सा है उसे धीरे धीरे ड्रेन आउट करना, नेशनलिज्म को कंट्रोल करना और लोगों को पैसिफाई करना, ये ट्विन ऑब्जेक्टिव से इस आदमी को इंडिया भेजा गया था। हालांकि लॉर्ड लिट्टन बहुत पढ़े लिखे अलीम आदमी थे, ही हैड वन मेनी अवार्ड्स इन लिटरेचर, और बहुत ज्यादा समझदार आदमी था, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि पढ़ने से कुछ नहीं होता है गाइस, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। राजा ऐसा नहीं कि अगर राजा पढ़ा लिखा हो तभी अच्छा राजा बन सकता है। नॉलेज इज वेस्ट अनलेस इट इज अप्लाइड विद मैच्योरिटी, एप्लीकेशन वाली जो चीज है वो होनी बहुत जरूरी है। मोहम्मद बिन तुगलक भी पीएचडी थे पर्शियन पोएट्री में, लेकिन आपने उनकी पॉलिसीज देखी, इट वाज अ डिजास्टर। अकबर अनपढ़, हाफ लिटरेट, अलाउद्दीन खिलजी कंप्लीटली इलिटरेट। तो कोई अच्छा बैकग्राउंड होना या पढ़ा लिखा होना दैट डजंट मीन कि आप एक अच्छे राजा भी साबित हो सकते हो। यू सी पीपल फ्रॉम आईआईटीज, आईआईएम्स, बड़े जबरदस्त बैकग्राउंड रहे, टॉपर इन 10th, टॉपर इन 12th, टॉपर इन कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम में बैठे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका सिविल सर्विसेज में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी अलग होती है, और इसीलिए ये एग्जाम भी बहुत स्पेशल होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप नो जितने भी पढ़े लिखे हो, डजंट मैटर फॉर यूपीएससी, कोई जरूरी नहीं है कि आपका नो अचीवमेंट्स बहुत बड़े बड़े हो। एक 40% लाया हुआ स्टूडेंट भी कम्पीट कर सकता है, जो चीज है वो मैच्योरिटी की होती है, क्योंकि यूपीएससी को पता है कि जो चीज उन्हें चाहिए आपको पूरा शहर आपके हाथ में दिया जाएगा, तो उसको संभालने के लिए आपकी डिग्री काम नहीं आएगी, आपकी मैच्योरिटी काम आएगी, और वो जो चीज है या तो आपके अंदर होती है या आप उसे समय के साथ डेवलप करते हो।
लॉर्ड लिट्टन के जो एक्सपीरियंसेस थे इंडिया में, अगर आप देखो तो इसने उस आग को जिसे शांत करना था, रिवोल्ट हुआ था उस आग को, इसे शांत करना था उस आग को, ये भाई साहब और भड़का देते हैं। इंस्टेड ऑफ ओपनिंग सिलेंडर ऑफ CO2, ही ओपन द सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। हम इनकी पॉलिसीज देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इन्होंने लोगों को पैसिफाई करने की बजाय और ज्यादा भड़का दिया था, जिसकी वजह से जो लोग थे उनका डिस्कंटेंट और ज्यादा हो जाएगा। लॉर्ड लिट्टन डेप्यूटेड इन इंडिया टू हैंडल द क्राइसिस, बट हिज रिएक्शनरी पॉलिसीज प्रूव टू बी डेंजरस टू हिम एंड फॉर द ब्रिटिश एम्पायर एज वेल। तो दोनों के लिए खतरनाक था, इनके लिए भी और ब्रिटिश एम्पायर के लिए भी। समझदारी गिफ्ट है, समझदारी गिफ्ट है। और जिस तरह से मैं कहता हूं कि ह्यूमन माइंड जो है ना, इट कैन अचीव एनीथिंग, कैन अचीव एनीथिंग, बट दिमाग खुलता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से। अकबर को देखो, दुनिया ये नहीं देखती कि आप क्या क्या बैकग्राउंड है, क्या मेहनत कर रहे हो, दुनिया ये देखती है कि आपने अचीव क्या किया है। तो दुनिया में अच्छा बनना इज नॉट द थिंग, दुनिया में लोग रिजल्ट देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो तैयारी करते हैं, टेंथ में भी पढ़ाई की, ट्वेल्थ में भी पढ़ाई की, ग्रेजुएशन में भी रगड़ के पढ़ाई की, कभी किसी लड़की से बात नहीं किया, कभी कोई अपनी कोई शराब सिगरेट नहीं पीते, कुछ नहीं, हमेशा पढ़ते रहते, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। और सोसाइटी की नजर में रिजल्ट नहीं देना इज अ क्राइम। आप चाहे जितने अच्छे हो, जितने सीधे हो, डजंट मैटर, सोसाइटी वॉन्ट रिजल्ट, पेरेंट वॉन्ट रिजल्ट। सिचुएशन जो थी मेडिवल इंडिया की, उसको अकबर ने संभाली थी। उसका यह मतलब नहीं कि क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। हालांकि औरंगजेब उससे ज्यादा मेहनती था, हाइपर डिसिप्लिन्ड पर्सन, ज्यादा मेहनती था, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, इस्लाम में लगे रहना, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग बट अनसक्सेसफुल। ऑन वन हैंड यू सी, अकबर ने अपनी सिचुएशन को संभाला और जीतना जरूरी है, यू हैव टू बी विक्टोरियस, विक्ट्री इज इंपॉर्टेंट, चीजों को संभालना जरूरी है। डजंट मैटर कि आप क्या करते हो और क्या आपका पर्सनल बिलीफ है। यू सी, दीज आर द टू कंटेम्प्रेरीज, वन इज द विक्टोरियस ग्रुप एंड अनदर वन इज द डिफीटेड ग्रुप, नॉट डिफीटेड बट इमेच्योर ग्रुप। ये मैच्योर पीपल, कंटेम्प्रेरी है दोनों। अगर इस ग्रुप को देखो तो दीज आर गाइज आर सक्सेसफुल एंड दीज गाइज आर फेलियर। ये आपस अगर देखो तो एक ही टाइम के हैं, ये कंटेम्प्रेरीज, समकालीन। ग्रुप ए सक्सेसफुल, ग्रुप बी फेलियर्स। बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़कर के आए, राणा सांगा से बैटल ऑफ खानवा लड़ रहे थे। बाबर वन द वॉर, ही यूज्ड जिहाद एज अ स्लोगन, यूज्ड रिलीजन एज अ टूल फॉर हिज पर्सनल एम्बिशन। और ये राणा सांगा, ही गॉट डिफीटेड बिकॉज ही डिडंट हैड द पर्सनालिटी। ऑल्दो बाबर ने इस आदमी की बहुत तारीफ की थी, लेकिन इन अ बैटल विक्ट्री इज इंपॉर्टेंट, जो जीतता है उसी का नाम होता है। राणा सांगा कि खुद के लोगों ने इन्हें जहर देके मारा था। ऑल्दो ही वॉज वेरी ब्रेव, और बाबर खुद अपनी किताब तुजू के बाबरी में इनकी पढ़ाई करता है कि मैंने इसके जैसा बहादुर आदमी नहीं देखा कभी। दो आदमी की तारीफ करेगा बाबर, एक राणा सांगा की और कृष्णदेव राय की, साउथ इंडिया के जो रूलर था, कि मैंने इसके जैसा बहादुर आदमी कभी नहीं देखा। Although getting 80 wounds, पूरे शरीर से खून निकल रहा है, तब भी ये आदमी चिल्ला रहा है, बाबर कहाँ है, बाबर को लाओ। But then he was killed by his own people just because of
दया आ गई थी लोगों को कि अब मर ही जाने दो इसको, तड़पता रहेगा नहीं तो। फेलियर्स, सक्सेसफुल, अचीवमेंट, रिजल्ट। यू सी एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, फॉलोइंग इस्लाम, बट अ वेरी रैशनल एंड अ प्रैक्टिकल मैन, पढ़ा लिखा आदमी। और दूसरी तरफ इन्हीं के कंटेम्प्रेरी मौलाना बुखारी, ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देते थे, इनके बारे में तो खैर बोलना ही कुछ गलत है। तो अब्दुल कलाम सक्सेसफुल, मौलाना बुखारी हिज कंटेम्प्रेरी नॉट सक्सेसफुल, ऑल्दो डिस्पाइट दे फॉलोड द सेम रिलीजन। लॉर्ड कृष्णा एंड द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य अ पर्सन जिन्होंने प्रोफेसर, मास्टर, टीचर द्रोणाचार्य, पूरी जिंदगी पांडव और कौरव को लड़ना सिखाया, पूरी जिंदगी, लेकिन लड़ाई के बैटल में क्या करना चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी, थ्योरेटिकल थी ना कि तीर ऐसे चलाते हैं, ये करते हैं। एंड यू सी हाउ ही बिहेव्स इन द बैटल फील्ड ऑफ महाभारत, सामने वाले ऑपोजिशन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट टू फ्रॉम धर्मराज, अरे तुम्हारा काम है लड़ना, क्वेश्चन क्या कर रहे हो तुम। एलिमिनेटेड, सक्सेसफुल इन गाइडिंग अर्जुन, सक्सेसफुल इन विनिंग द बैटल, गेव अप हिज लाइफ एंड लॉस्ट द वॉर। उसी तरह से आप देखो कि ये जो लॉर्ड लिट्टन थे, ये भाई साहब बागड़ बिल्ले, ही वॉज डेप्यूटेड इन इंडिया टू हैंडल द क्राइसिस, लेकिन भाई साहब ये सिचुएशन और बदतर कर देते। और इसके बाद आप देखोगे 1880 में जब ये सारी चीज बर्बाद करेंगे तो ब्रिटिश एम्पायर लॉर्ड रिपन को भेजेंगे इसके बाद, और लॉर्ड रिपन जो होंगे वो चीजों को संभालेंगे। जिस जिसको इसने परेशान किया, जिस तबके को लॉर्ड लिट्टन ने परेशान किया, सबको ये खुश करेगा बाद में आके। सेंसिबिलिटी, विक्ट्री इज इंपॉर्टेंट गाइस, एज सेड बाय चाणक्य, नो मैटर द मीन्स, जीतना जरूरी है, कैसे हो, क्या हो, डजंट मैटर, सोसाइटी नीड्स रिजल्ट। दुनिया भर की अय्याशी करो, सब करो, जितने कुकर्म है सब, जितने आए सब टाइट, है ना। पढ़ाई लिखाई कुछ मत करो, दिन भर डांस करो, है ना, एक बड़ा सा रूम ले लो, एक में बैठो, एक में पार्टी करो, एक में सो, एक में डांस करो, है ना, लेकिन IAS रैंक 1 निकाल दो। तो दुनिया क्या कहेगी, हाँ कि अरे ऐब है, वो तो सबके होते हैं, हर आदमी होता है, कुछ ना कुछ शौक होते हैं हर आदमी के, लेकिन IAS बन गया लड़का, बहुत बढ़िया। लेकिन आप सीधे साधे बने रहो, बैठे रहो, तो सीधा बच्चा IAS नहीं निकल रहा है, अरे कुछ नहीं कर सकता ये जिंदगी में, कुछ नहीं होगा इसका रिजल्ट, इस रिजल्ट इन्होंने दिया नहीं, इसलिए ही इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ गुड वाइसराय ऑफ इंडिया। वाइसराय शुरू हो गए थे, याद है ना, 1857 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वाइसराय कहा जा रहा है। ठीक, आई होप ये कंपैरिजन आपको समझ में आया। लॉर्ड लिट्टन की जो पॉलिसीज थी वो थी क्या, क्या गलत चीज की थी इसने, व्हाट मिस्टेक्स डिड ही मेक, ये कुछ पांच पॉलिसीज हैं जो इसने अपनाई थी, एंड वी वुड एनालाइज कि क्या गड़बड़ हुआ यहां पर। पहली चीज थी वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, वर्नैकुलर मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, तो लोकल लैंग्वेज का कुछ इन्होंने प्रेस अधिनियम निकाला था, प्रेस एक्ट निकाला था। देन द डिक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटी, देन द दिल्ली दरबार आयोजन किया था, क्वीन को बुलाया था इंडिया में, पार्टी कर रहे थे ये। दूसरा फिर सिविल सर्विस एपिसोड, वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंस, और फिर आर्म्स एक्ट 1882, है ना। तो ये पांच चीजों पे इसने हाथ रखा, और हम देखेंगे कि एक एक करके उसने सारे तबकों को नाराज किया था। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, इंटेलेक्ट जितने थे उनको नाराज किया, यहां इंडस्ट्रियलिस्ट को नाराज किया, यहां आम जनता को नाराज किया, यहां पर एजुकेटेड मिडिल क्लास को नाराज किया, और यहां रॉयल पैसे वाले लोग, रिच पीपल, उनको नाराज किया।
तो ये हर तबके को नाराज करेंगे और बाद में लॉर्ड रिपन आकर के सबको खुश कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा. तो व्हाट डिड ही डू, व्हाट वाज हिज इनिशियल पॉलिसी, शुरू करते हैं वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के साथ. अब वर्नाक्युलर मतलब मैंने आपको समझाया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, क्योंकि उस टाइम अगर आप देखिए प्रेस है क्या, अभी भी आप देखो तो प्रेस इज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. और मैंने आपको ये चीज बताई थी कि प्रेस इज कॉल्ड एज अ सेफ्टी वॉल्व बाय विलियम बेंटिक. क्यों? क्योंकि प्रेस एक इंपॉर्टेंट लिंक होता है भड़ास निकालने का. और अगर आप देखो तो गवर्नमेंट और लोगों के बीच में, पीपल लोगों के बीच में, ये एक माध्यम है जस्ट फॉर कम्युनिकेशन. दिस इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन. गवर्नमेंट कोई पॉलिसी निकालती है तो लोगों का रिएक्शन क्या है वो गवर्नमेंट को पता चलता है. इफ गवर्नमेंट शोज रोल्स एनी पॉलिसी तो क्या पॉलिसी बनी वो अखबार में छपेगी, लोगों को पता चलेगा. उस पॉलिसी पे क्या रिएक्शन है लोगों का वो गवर्नमेंट को पता चलेगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रेस. और उस टाइम की जो प्रेस थी उनको उसको इतनी लिबर्टी नहीं मिलती थी ना. द प्रेस बैक देन वॉज नॉट हैविंग सच लिबर्टी एज टूडे. उस टाइम बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे और आप देखोगे कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस आएंगे. और एक टाइम पे विलियम बेंटिक ने भी प्रेस को काफी राहत दी थी, लोगों को तो खुश किया ही था उसने. कहा था ही ऑल्सो जो काफी सारे रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज किए हुए थे उसको हटा दिया. रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होंगे क्यों? क्योंकि पीपल जो भरे बैठे हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखेंगे जरूर. और अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ लिख रहा है तो गवर्नमेंट उस बात को सप्रेस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर इज समथिंग जो हर आदमी पढ़ता है. तो गांव गांव तक बात फैल जाती है, लोगों को भड़काना आसान हो जाता है गवर्नमेंट के खिलाफ. इसलिए आप देखो जब ये सब चीज हो रही थी, रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हुआ, तो उसका सिनेरियो समझो कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया क्यों. 1857 में रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट क्रश किया गया, लोगों को एस्पिरेशंस दी गई कि हम आपके लिए कुछ अच्छा लेके आने वाले. एक्ट ऑफ 1858 आया, कुछ नहीं मिला. एक्ट ऑफ 1861 आया, कुछ नहीं मिला. बट ऑब्वियस द पीपल वुड बी इरिटेटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन और वो गवर्नमेंट के खिलाफ लिखना शुरू कर दिए. लोगों को एडिटर्स भड़काने लगे इनके खिलाफ, ये हमारे लिए कुछ नहीं करते. अंग्रेजी हुकूमत अखबार पढ़ रही थी and they would get to know कि भाई अगर ऐसे काम चलता रहता तो हम तो ज्यादा टाइम तक रह नहीं पाएंगे. और इसीलिए रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करना शुरू कर दिया गया. एंड देन यू सी द रोल आउट ऑफ द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878. वर्नाक्युलर मतलब लोकल लैंग्वेज. द प्रेस वॉज कॉल्ड एज अ सेफ्टी वाल्व बाय विलियम बेंटिक बिकॉज इट इन्फॉर्म्स द पीपल अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन टर्न It informs the government about the reaction of the people. It acts as a critique of the government. जो भी काम government कर रही है तो उसको left wing, right wing को खर्च छोड़ा अलग बात है, लेकिन it acts as a critique to the government. और एक तरह से देखो तो जो अखबार है, newspaper, ये एक तरह से माध्यम है. This is a way कि लोग अपनी भड़ास निकाल पाए. अब आपके साथ ज्यादती हो रही है तो कोई तो तरीका हो गुस्सा निकालने का, नहीं तो होगा क्या, प्रेशर कुकर में स्टीम बढ़ती जाएगी और प्रेशर कुकर एक टाइम पे फट जाएगा, है ना. तो यही सिचुएशन उस टाइम बन रही थी. इंडिया में लोग भड़क रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ. और इनके लिए बहुत जरूरी था कि ये किसी तरीके से इसको कंट्रोल करें. तो लॉर्ड लिट्टन ने किया क्या, इसने रूल निकाला, है ना. उसने ये जितने भी वर्नाक्युलर पेपर्स थे इनको बंद कर दिया,
मतलब सिर्फ इंग्लिश में पेपर छपेंगे, बाकी जितनी लोकल लैंग्वेज है तमिल, तेलुगु, उर्दू, हिंदी सब बंद कर दिए गए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और सिर्फ इंग्लिश में छापने की इजाजत थी, मतलब जितने भी गांव गांव में जो लोकल लैंग्वेज में न्यूज पेपर पढ़ते थे अब नहीं छपेंगे। बट ऑब्वियस पीपल वुड गेट इरिटेटेड। प्रेस वॉज अ मीडियम टू ब्रिंग आउट द पेन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड लॉर्ड लिटन थ्रू वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इम्पोज्ड अ बैन एट प्रिंटिंग न्यूज इन लोकल लैंग्वेजेस। इंग्लिश को छोड़ के सारी लैंग्वेज में अखबार छपना बंद हो गया। और इंग्लिश कुछ ही लोगों को आती थी, 98% वर इलिटरेट। थोड़े बहुत थे जो लोकल लैंग्वेज में पढ़ते थे, अब वो भी चीज खत्म। इन दिस वे ही प्लेस्ड अ स्टोन स्लैब ओवर अ बर्निंग चिमनी। जैसे होता है ना पुराने जमाने में घर होते थे, चिमनी जल रही है नीचे, आग लकड़ी जल रही है, चिमनी के ऊपर अगर पत्थर रख दोगे तो जो धुआं है वो बाहर निकलेगा नहीं, वो अंदर ही घर में घुसता जाएगा। He placed a stone slab over the chimney of the house which was on fire, which was opposed by the intellectual class. SN Banerjee ने एक कमेंट किया कि it is a bolt from the blue, क्योंकि ये खुद ही परेशान थे। Nationalists पहले से ही परेशान है और उनको परेशान करने के लिए आपने अखबार बंद कर दिए। Bolt from the blue, बिजली कड़कती है ना जब बारिश होती है, वही चीज when it is raining, thunderbolt from the blue, मगर एकदम से कुछ होना। Because of this, several newspaper turned into English to protect themselves. अब भैया अखबार वालों को तो काम करना ही है ना, छापने तो है ही है, इसलिए कई सारे न्यूज़पेपर अब क्योंकि लोकल लैंग्वेज में छप नहीं सकते तो कईयों ने अपने आप को इंग्लिश में टर्न कर लिया, क्योंकि इंग्लिश में छाप सकते थे, जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ दे टर्न्ड इनटू इंग्लिश। एग्जाम्पल अमृत बाजार पत्रिका, ये वाला देखिए, ये बंगाली में छपता था अमृत बाजार पत्रिका और ये इंग्लिश में छपना शुरू हो गया, है ना। हिंदू जो आप पढ़ते हैं, द हिंदू टर्न्ड फ्रॉम तमिल टू इंग्लिश 1878 में, द हिंदू तमिल में छपता था, बाद में इंग्लिश में छपने लगा, जो आज आप पढ़ रहे होंगे। कभी द हिंदू खोलना अगर आपके पास हो कॉपी वाली, कभी भी द हिंदू खोलना ना, तो उसमें ना ऊपर की तरफ वो कुछ ऐसे बना रहता है शेयर टाइप ऐसे, तो यहाँ पे डेट वेट लिखी रहती, यहाँ नीचे देखना क्या लिखा है, एस्टेटेड 1878 लिखा होगा, कब से शुरू हुआ, जो ऊपर की तरफ होता है ना फर्स्ट पेज पे सबसे ऊपर कॉलम जो होता है, वहां देखना लिखा होगा एस्टेटेड 1878 बिकॉज ऑफ दिस वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, और तब से हिंदू इंग्लिश में छप रहा है, अदरवाइज तमिल में छपता। ठीक, समझ में आया? तो इसकी पहली हरकत देखो, लोकल लैंग्वेज में अखबार छापने को बैन कर दिए, ही बैन द न्यूज टू बी प्रिंटेड इन लोकल लैंग्वेज। अब अगर किसी बच्चे को मारते हो तो रोने का मौका तो दो। आपके घर में कोई कजन है, कोई छोटा बच्चा है घर में, एक दिन आपने उसे खींच के लगा दिया, शैतानी कर रहा था कुछ, है ना, और वो बच्चा रो रहा है, और फिर आप बोलते हो कि नहीं रोगे तो और मारेंगे, और फिर एक खींच के लगा दिया, माँ बाप क्या करते हैं देखते हैं घर में, रो नहीं तुम चुप रहो, रोगे तो और मारेंगे, और जैसे ही बच्चा रोया एक और जड़ दिया। बच्चा करे क्या, क्योंकि बच्चे को पता है कि आपको मारेंगे आपको चोट लगेगी नहीं, तो फिर वो सीधे दिल पे अटैक करता है, ऐसी जगह पे अटैक करता है जिससे आपको फर्क पड़े। एक दिन आप बैठे होंगे, बाल्टी में पानी भरेगा, बकेट में, बाथरूम में बकेट में पानी भरेगा, आपका फोन उठाएगा बाल्टी में डाल देगा, जा ले लिया बदला, क्योंकि बदला लेना बच्चे भी जानते हैं। आपका लैपटॉप उठाएगा दसवीं मंजिल से नीचे फेंक देगा, जा, और खड़े होके कोने में मुस्कुराता रहेगा। तो लोगों को बदला लेना आता है, और इंडियंस ने भी लिया, गुजरातियां ये करते थे, इंडियंस ने भी बदला लिया। आई होप आपको वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट समझ में आया।
मोटा मोटा ये समझ लीजिए, लोकल लैंग्वेज जो थी उसमें अखबार को छापना बैन किया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नाराज हुए। कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे थे जो कि अलग वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज में छापते थे, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए इंग्लिश में न्यूज छापनी शुरू कर दी। अब चलते हैं दूसरी तरफ, दैट इज द रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी। अब अगर इम्पोर्ट ड्यूटी आप घटा रहे हो, इफ यू आर रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी, देन यू वुड सी कि इम्पोर्ट ड्यूटी घटने की वजह से इम्पोर्ट बढ़ जाएगा इंडिया में, और अगर इम्पोर्ट बढ़ेगा तो इंडिया का जो मार्केट है दैट वुड बी फ्लडेड विद फॉरेन गुड्स। बाहर के जो गुड्स हैं वो इंडिया के पोर्ट्स पे आ करके भरते चले जाएंगे, वेयरहाउसेस में भरते जाएंगे। इस आदमी ने अपने ब्रिटिश इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी थी। इट वॉज एन अटैक ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट जो बहुत ही छोटी इन्फेंट कंडीशन में थे। ये चीज मैंने डलहौजी में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है गाइस, इफ यू रिमेम्बर, है ना, ये चार्ट याद है आपको, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड रेलवे रेवोल्यूशन टुगेदर दे गेव राइज टू पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इन इंडिया, ये वाला चार्ट याद है आई होप। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ रेलवे वगैरह की वजह से, मार्केट बने, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बन गई। ये लिट्टन भाई साहब आए 1876 में, इन्होंने रिडक्शन इम्पोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनको लगता था कि भाई हमें हेल्प करेंगे, लेकिन इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम दे दिस गाय रिड्यूस द इम्पोर्ट ड्यूटी टू मिनिमम। इसकी वजह से हुआ क्या, फॉरेन गुड्स जितने भी थे वो इंडिया में भर भर के आने लगे, तो फॉरेन गुड की डिमांड ज्यादा है ना, इंडियन गुड्स की डिमांड खत्म होने लगी। अगर इंडियन गुड्स बिकेंगे नहीं तो फैक्ट्रियां बनेंगे नहीं, और इसकी वजह से ये इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान होंगे। दिस वाज द अटैक ऑन द इंटरेस्ट ऑफ इमर्जिंग इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्शन। तो इन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि मार के भगाओ अंग्रेजों को, ऐसे लोगों को। दे स्टार्टेड बैकिंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रोवाइडेड फाइनेंशियल बैकिंग, एंड दैट इज व्हाई यू सी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इन इंडिया, जिसका एक एग्जांपल आगे चल के हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। आई होप ये वाला चार्ट आपको याद है गाइस, है ना। तो इसने इंपोर्ट ड्यूटी मिनिमम कर दी थी ताकि ब्रिटिश गुड्स यहां पे बिके, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि इसकी वजह से ये वाला जो दिस वाज द रिप्रकशन, ये जो तबका है ये इससे नाराज हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इस आदमी ने जो काम किया, दिल्ली दरबार 1877, तीन दिल्ली दरबार होंगे, ये पहला दिल्ली दरबार है ना। अब आप देखिए ये आदमी सोच वो वाला, अगर आपने मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास की है तो आपको ये वर्ड याद होगा एमडी। इसके दिमाग में कुछ डिफेक्ट था, ये ऊपर वाला माला जो था ना इसका खाली था। इसको बोला जा रहा है कि लोगों को खुश करना है, उनको पैसिफाई करना है, और एक के बाद एक ऐसी हरकत कर रहा है जिसकी वजह से लोग और ज्यादा भड़क जाए। ऑलरेडी इस आदमी ने अगर आप देखिए तो इंटेलेक्चुअल क्लास को नाराज कर दिया था और इंडस्ट्रियलिस्ट को नाराज कर दिया था, और उसके बाद आम आदमी को भी नहीं छोड़ा। उस टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मोनोपोली खत्म, जो ब्रिटिश एम्पायर है वो पूरा का पूरा चीज कंट्रोल कर रही है। जब ये रूल कर रहा था, लॉर्ड लिट्टन वाज रूलिंग, इसके टाइम पर अकाल पड़ गया, फेमाइन, एल नीनो, लानिना, उसकी वजह से आप देखोगे कि इसके टाइम पे अकाल पड़ गया। और जब अकाल पड़ता है तो फार्मर परेशान, क्या करे क्या करे, अंग्रेजी हुकूमत हमारे लिए कुछ करेगी, उस उम्मीद में फार्मर्स बैठे रहते। ये आदमी ही हिमसेल्फ अपॉइंटेड द स्ट्रैची कमीशन। स्ट्रैची वाज द नेम ऑफ पर्सन, स्ट्रैची कमीशन, जैसे नरसिम्हन कमेटी होती है ना वैसी स्ट्रैची कमीशन।
इसने खुद स्ट्राची कमीशन अपॉइंट किया, जिसका पर्पस क्या था कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर की सिचुएशन है, जो फार्मर की सिचुएशन है, उसको ये देखें, है ना। स्ट्राची कमीशन की रिपोर्ट ने कहा कि इंडियन फार्मर जो है दे आर इन डिस्ट्रिक्ट एंड दे नीड इमीडिएट स्टेट हेल्प, उनको तुरंत हेल्प करिए आप। तो इस आदमी ने बोला अरे नहीं 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 हमारे पास पैसा नहीं है। तो लोगों ने कहा ठीक है गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं कोई बात नहीं, लेकिन एक तरफ आप कह रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है और दूसरी तरफ आप महारानी को बुला रहे हो, क्वीन विक्टोरिया को बुला रहे हो और बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हो जिसमें लाखों रुपए आप फूंक रहे हो, यहां देश का किसान मर रहा है भूखे, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप क्वीन विक्टोरिया को इंप्रेस करने के लिए कर रहे हो। अब ठीक है क्वीन विक्टोरिया को बुलाया उसने, दिखाया लोगों को, दिखाया कि ये देखिए आपकी महारानी है, ये मेरे से भी ऊपर। देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन कॉलिंग क्वीन विक्टोरिया टू इंडिया, है ना। क्वीन विक्टोरिया को बुलाना और क्वीन विक्टोरिया को दिखाना कि ये देखिए इंडिया ये है लोग जिसपे हम रूल कर रहे हैं, और लोगों को दिखाना कि ये महारानी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत क्या था? टाइमिंग। क्योंकि फार्मर डिस्ट्रेस में फेमाइन का टाइम है, आपके पास आप बोलते हो कि पैसा नहीं है और दूसरी तरफ आप ये चीज करके लोगों के सामने ये दिखाते हो कि देखो हम कितने अय्याश हैं, है ना। इसकी वजह से आम आदमी नाराज हो गया इससे कि तुम झूठे हो। देखिए दिल्ली दरबार, आफ्टर 1857 ब्रिटिश क्राउन वॉज द रियल बॉस ऑफ द नेशन एंड टू हैव अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ इट ही ऑर्गेनाइज्ड द दिल्ली दरबार। इसने दिल्ली दरबार आयोजित किया। He invited the Queen Victoria to India and she was given the title of Kaiserin by the Royal Title Act of 1857। Excuse me। तो Queen Victoria was given the title कैसा है, महारानी को बुला के दिखा रहा है ये देखिए। दिस वॉज नॉट अ रॉन्ग स्टेप गाइस, दिस वॉज नॉट अ रॉन्ग स्टेप, बट दैट टाइमिंग वॉज रॉन्ग बिकॉज इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम वॉज सफरिंग फ्रॉम फेमाइन, अकाल पड़ा हुआ था एंड ही हिमसेल्फ हैड अपॉइंटेड द स्ट्राची कमीशन टू रिव्यू द कंडीशन ऑफ फेमाइन इन इंडिया। द कमीशन रिकमेंडेड इमीडिएट स्टेट हेल्प to the people, but Lytton made an excuse कि भैया पैसा नहीं है, lack of fund, and on the other hand he spent a lot of money in the pomp and show of the Delhi Darbar and this became the reason for the pain of common man in India। Timing is very important। सही time पे चीजें करनी जरूरी है और अगर गलत टाइम पे सही चीज करोगे तो भी गलत ही होगी। गांधी शाउट्स क्विट इंडिया इन 1942। अगर गांधी जी ने 1942 की जगह 1920 में नारा लगाया होता क्विट इंडिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, 1920 में तो गांधी जी की धोती खींच लेते अंग्रेज। क्योंकि गांधी जी को पता था दिस इज नॉट द टाइम, आई हैव टू प्रिपेयर माय मासेस, आई हैव टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिशर्स, दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम। जब टाइम आया, जब लोग रेडी थे 1942 में, तब उन्होंने नारा लगाया क्विट इंडिया एंड देन यू सी द रिजल्ट। मौका, टाइमिंग गलत थी बेचारी की, करता सब ठीक है लेकिन फेमाइन के टाइम पे नहीं करना चाहिए था। लोग पैसा मांग रहे हैं, आप बोल रहे हो पैसा नहीं, और इस तरह से अय्याशी कर रहे हो। तो यहां आप देख रहे हो इंटेलेक्ट्स को नाराज किया, यहां इंडस्ट्रियलिस्ट को और यहां पे आम आदमी को। एंड देन यू सी द आर्म्स एक्ट। इस आदमी के दिमाग में चल क्या रहा था पता नहीं। इसने लोगों को कंट्रोल करने के लिए ना उस टाइम कई सारे लोग बंदूक लेके घूमते थे, जब अंग्रेज दिखा उड़ा दिया। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस आदमी ने आर्म्स एक्ट निकाला।
1878 में, और उस टाइम क्लॉज क्या था इस आर्म्स एक्ट में, क्लॉज क्या था कि जितने भी यूरोपियंस है, ध्यान से सुनो गाइस, जितने भी यूरोपियन है दे आर एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कीपिंग अ लाइसेंस। अगर आप यूरोपियन है तो आपको बंदूक का लाइसेंस रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इंडियन है तो आपको बंदूक का लाइसेंस चाहिए। एक बात बताओ, गब्बर सिंह को तो आपने मना कर दिया, जिसको बंदूक नहीं देनी चाहिए उसको तो आपने एग्जेम्प्ट कर दिया, और जिसे जरूरत थी जो जाती सहरा है उसे आप बोलते हो कि लाइसेंस चाहिए। मतलब डाकू के हाथ में बंदूक थमा दी और इंडियंस को और परेशान किया। आर्म्स एक्ट 1878, अकॉर्डिंग टू विच इंडियंस रिक्वायर्ड अ लाइसेंस टू कीप द आर्म्स, बट यूरोपियंस वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट, एंड दिस बिकेम द कॉज ऑफ पेन फॉर द इन्फ्लुएंशियल क्लास। पेन फॉर द इन्फ्लुएंशियल क्लास, उनके पास पैसा है जो बंदूक रख सकते थे, वो नाराज हो गए। सो रिच पीपल दे गॉट एंग्री, एंड देन हिज बिगेस्ट ब्लंडर, सिविल सर्विसेज एपिसोड। सिविल सर्विसेज जिसका मैंने बैकग्राउंड आपको दिया था, कल मैंने बताया आपको, राइट फ्रॉम मौर्यंस टू मुगल्स, सिविल सर्विसेज हमेशा इंपॉर्टेंट रही है। जहां जहां एडमिनिस्ट्रेशन होगा वहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और सिविल सर्विसेज के नाम अलग अलग टाइम पे अलग अलग थे। अशोका के टाइम पे उपाध्याय एग्जाम होता था, आज के टाइम पे यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, है ना। अशोका के टाइम पे अमात्य महामात्य, दीज यूज टू बी दी आईएएस ऑफिसर्स, है ना। और अकबर के टाइम पे मनसबदार, दे यूज टू बी दी आईएएस ऑफिसर्स। और सिविल सर्विसेज ऐसी फील्ड है जहां पे हर आदमी, हर मिडिल क्लास का आदमी एस्पायर करता है आईएएस बनने के लिए, क्योंकि स्पेशली यू सी इन द रीजन ऑफ यूपी एंड बिहार, हर आदमी भागा चला जा रहा है, क्योंकि सिविल सर्विसेज एक मीडियम है जहां मिडिल क्लास आदमी कुछ अच्छा कर सकता है, अपने आप को उस लेवल से उठा सकता है। इट कैन बी अ मीडियम टू रेज देयर क्लास, और इसीलिए आप देखोगे कि भीड़ बढ़ रही है दिल्ली में, हर आदमी बोरा उठा के भाग रहा है। क्या कर रहे हो भैया? सिविल सर्विसेज तैयारी करनी है, आम आदमी भैया। हर मिडिल क्लास आदमी का सपना रहेगा, स्पेशली इन यूपी एंड बिहार, है ना। यहां तो नेशनल हॉबी है सिविल सर्विसेज की तैयारी करना, इट्स लाइक अ हॉबी। बच्चा पैदा हुआ नहीं, माँ बाप पहले से ही डिक्लेयर कर देते इसको आप आईएएस बनाएंगे, क्योंकि रुतबा देखा है लोगों ने, देखते ही हैं हर बार, है ना। और आईएएस क्रैक करना बहुत बड़ी चीज होती है, स्पेशली इस वर्ल्ड में, यूपी बिहार के वर्ल्ड में। और दो चीजों ने आईएएस की भीड़ बहुत बढ़ाई है, टू थिंग्स, दो चीजों ने आईएएस की भीड़ बहुत बढ़ाई है इंडिया में सिविल सर्विसेज के लिए। पहला, मैरिज प्रॉब्लम, मैरिज प्रॉब्लम, शादी नहीं हो रही और दूसरा, इकोनॉमिक रिसेशन 2008। यू सी, दो चीजों ने बहुत भीड़ बढ़ाई है सर्विस में। हर आदमी चाहता है कि भाई शादी अच्छी हो, बढ़िया, और सुंदर बीवी हो, सब बढ़िया मिले। एंड यू सी, स्पेशली मैरिज इज अ थिंग विच इज वेरी, यू नो, सैक्रोसेंट इन दिस वर्ल्ड ऑफ नॉर्थ यूपी, नॉर्थ इंडिया, यूपी बिहार। अब कोई एमपी है या एमएलए है, वो कभी भी अपनी बेटी की शादी किसी, यू नो, इंजीनियर से या एमबीए से नहीं करेगा ना। एमपी एमएलए कभी भी अपनी बेटी की शादी एमबीए या इंजीनियर से नहीं करेगा,
he would look for IAS officers. जहां 10 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जहां 10 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, तो he would be looking for a good groom. Minimum 10 करोड़. You see the dowry slab in UP. Dowry चल रही है अभी भी अलग अलग तरीकों से. Dowry. You see the dowry slab in UP and Bihar. अगर आदमी MBA है, इफ यू आर एन MBA और आपकी शादी की जा रही है, तो डाउरी 10 लाख कैश, बजाज पल्सर बाइक, टाइटन वॉच. और ये बहुत अच्छा है क्योंकि अगर आप इंजीनियर हैं तो 5,000 रुपए कैश, साइकिल, हीरो साइकिल और रेडियो. तो MBA वालों के लिए तो तब भी बहुत कुछ है, इंजीनियर के लिए क्या है. और अगर आप IAS हैं, डाउरी 20 करोड़ मिनिमम, बढ़िया इंपोर्टेड गाड़ी. क्रेज है लोगों का. एक मेरा फ्रेंड है, उसने IAS क्रैक किया, तो उसके मतलब ही बिलोंग टू अ रूरल क्लास, रूरल फैमिली. गांव में उनके उसकी शादी जब हो रही थी, तो मैं ऐसे गया उसके फादर से बात किया. मैं बोला, बाबू जी क्या मिल रहा है शादी में. ही बिलोंग्स टू अ रूरल बैकग्राउंड, तो गांव की शादी थी. तो मैंने उनसे, उनके फादर से पूछा, तो उसके फादर कहे कि बेटा कुछ नहीं, वो 4 चूड़ी वाली गाड़ी दे रहे हैं, 4 चूड़ी वाली. ही डजंट इवन नो द नेम ऑडी. 4 चूड़ी वाली गाड़ी दे रहे हैं. मैंने बोला, ताऊ 4 चूड़ी वाली गाड़ी सबको नहीं मिलती है. सिविल सर्विसेज एस्पिरेशन of the people of India, youth today, because it is the medium to transform yourself from middle class to upper middle class. तो हमने तो देखा था कि CCS appointment Robert Clive के टाइम पे हुई थी, ICS appointment हुई थी, और 1853 में इन्होंने बोला था ब्रिटिश ने कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, और 1864 में आप देखोगे कि पहला IAS assistant ever बन भी जाते हैं. लेकिन हम ये भी चीज देखते हैं कि ब्रिटिशर्स बैकडोर पॉलिसी की वजह से हमेशा इंडियंस को सिविल सर्विसेज से बाहर रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पावर नहीं देंगे. बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लॉइट समवन, यू कैन नॉट गिव हिम और हर द पावर. तो इंडियंस को हमेशा अलग रखेंगे. अब जितना भी इंटेलेक्चुअल तबका है, जितने भी एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग हैं, ये चिल्ला रहे हैं कि अंग्रेज हमारे लिए कुछ नहीं करते. जो चीजों को समझते हैं, एक ग्रुप होता है ना जिसको बहकाना बड़ा आसान होता है, मुद्दा दे दो, वो अपना अलग है साइड में, आपस ही में लड़ा रहे हैं, आपस ही में चिल्ला रहे हैं. एक होते हैं क्लास जो समझता है, एजुकेटेड मिडिल क्लास, कि हाँ ये क्या गेम खेल रहे हैं हमारे साथ. पीपल लाइक दादा भाई अरू जी, एसएन बनर्जी, तो इनको खुश करना बड़ा जरूरी था इस तबके को, क्योंकि ये फिर मास को जाकर के भड़काते थे अंग्रेजों के खिलाफ. इसलिए लॉर्ड लिट्टन ने सोचा कि इनका ना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कराते, कोई एग्जाम नहीं, कोई कुछ नहीं. अंडर दिस सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, लॉर्ड लिट्टन ने बोला कि नो, यू द अपर क्लास ऑफ इंडिया कम, कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, सीधे हम आपको सबॉर्डिनेट सेक्शन में बैठा देंगे. यू वुड बी प्लेस्ड इन दी सबॉर्डिनेट सेक्शन. अब देखो, एक ग्रुप ए होता है, एक ग्रुप बी होता है, ये दोनों IAS में आता है, UPSC, है ना. फिर ग्रुप सी होता है, फिर डी होता है, जो SSC में आता है, सबॉर्डिनेट स्टाफ. ए बी सी और डी, इन्होंने क्या किया, दे डिड नॉट give them the chance
टू एंटर इनटू दिस ए एंड बी, उन्होंने आज का जो एसएससी है वो ऑफर करी कि आओ और फ्री में ये सीट ले लो. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पीपल वर एस्पायरिंग फॉर दिस, उन्हें आईएएस बनना था, उन्हें बाबू चपरासी नहीं बनना. आई एम नॉट सेइंग कि एसएससी खराब है, वो भी अपने हिसाब से ठीक है, मतलब सबॉर्डिनेट टू डीएम वो पोस्ट होती है. तो जो आदमी ये इस चीज को एस्पायर कर रहा है वो इसको क्यों ज्वाइन करेगा, है ना? तो लिट्टन को लगा कि लोगों को लालच देते आप, टॉप पोस्ट तो दे नहीं सकते क्योंकि ये सारी यूरोपियनाइज्ड है. तो लिट्टन को लगा कि इनको ये ऑफर करते हैं और फ्री में बैठा देते हैं तो लोग खुश हो जाएंगे, मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास खुश हो जाएगा, है ना? क्योंकि अगर आप देखिए तो एरिस्टोक्रेसी जो है वो हमेशा से ही चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है. और पहले भी एंशिएंट इंडिया में, मिडिवल इंडिया में भी देखो तो अपर क्लास लोअर क्लास होता था. ब्राह्मण्स और क्षत्रिय यूज टू डोमिनेट द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. ब्राह्मण और क्षत्रिय हमेशा डोमिनेट करते थे अफेयर्स को अपर क्लास इन एंशिएंट इंडिया स्पेशली. तो जो आदमी ग्रुप ए और ग्रुप बी को एस्पायर कर रहा है वो ग्रुप सी और डी को कभी ज्वाइन ही नहीं करेगा. तो ऑल्दो ही गिव देम अ वेरी गुड चांस कि आओ इसे ज्वाइन कर लो, लेकिन दिस डिड नॉट मूव द पीपल, ही डिड नॉट गेट गुड रिस्पॉन्स. तो इसको गुस्सा है, रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ लेटर. बोला यार हम तुम्हें बैठा रहे हैं फ्री में, यू नो सबॉर्डिनेट्स पोस्ट दे रहे हैं, तुमसे कोई इंटरव्यू कोई एग्जाम नहीं मांग रहे और तुम्हारे नाटक खत्म नहीं होते, इस पर तो जा नहीं सकते, तुम्हारे नाटक खत्म नहीं होते. तो इसने गुस्से में आके क्या किया, इसकी एज घटा करके 19 साल कर दी, मैक्सिमम 19 इयर्स. पहले 21 ईयर थी इंडियंस के लिए, उसको घटा करके 19 साल कर दी, है ना? अरे वेटिंग द पॉइंट, ये तुम लिए नहीं तो हम ये भी लेने नहीं देंगे तुमको, चाहे जितना आईएएस आईएएस चिंता चिल्लाते रहो, ये तुम लिए नहीं हम ये भी नहीं लेने देंगे. तो 21 साल मैक्सिमम एज थी, उसको घटा करके 19 साल कर दिया. और जब ये चीज की इसने, दिस अनॉयड द एजुकेटेड मिडिल क्लास. जैसे आज मैक्सिमम एज 32 साल है तो आप प्रिपेयर कर सकते हो, कॉलेज पास करते हो, टाइम होता है आपके पास. अब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 6 अटेम्प्ट है अगर, तो 12 साल से आप प्रिपेयर करोगे, तब 19 इयर्स, 13 इयर्स से लेके 19 इयर्स, 6 अटेम्प्ट एग्जांपल ले रहा हूं. तो मतलब जब आपको यू नो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए तब आप आईएएस लेवल का एग्जाम के बारे में सोचोगे, सोशल स्टडीज एसएससी एसएसटी पढ़ रहे हो आप, और तब ऑप्शनल पढ़ोगे. ये उम्र नहीं होती आज की डेट में. तो चलो ठीक है, आपके पास गूगल है तो आप चीजें फटाफट ढूंढ लेते हो, इंटरनेट का दौर है तो चीजें बड़ी आसान है आपके लिए. इस जमाने में क्या था, और कैसे आप एक्सपेक्ट करते थे कि 19 साल मैक्सिमम 19 इयर्स में कोई आईएएस बन जाएगा? अरे इस आदमी, इस टाइम आदमी का दिमाग खुला नहीं होता है, मैच्योरिटी नहीं होती है, जेजे होता है इनके अंदर, जेजे, रिमेंबर जेजे. दिस अनॉयड द पीपल. दिस अंडर दिस एपिसोड डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द अपर क्लास, ये सबके लिए नहीं खुला था, ये ओनली अपर क्लास इन्फ्लुएंशियल लोग, अपर क्लास एजुकेटेड मिडिल, नो, इन द सबॉर्डिनेट सेक्शन ऑफ द सिविल सर्विसेज वर ऑफर्ड. अब आइए एसएससी वाली पोस्ट ग्रुप सी डी ज्वाइन करिए, बट इट फेल्ड टू गेट पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम द इंडिया, कोई आया ही नहीं. सो इन रिएक्शन ही रिड्यूस द एज लिमिट फ्रॉम मैक्सिमम 21 इयर्स टू 19 इयर्स. तुम ये नहीं करोगे तो हम तुम्हें आईएएस बनने भी नहीं देंगे. दिस रिडक्शन इन एज लिमिट अनॉयड द एजुकेटेड मिडिल क्लास व्हिच लेड टू अ न्यू पॉलिटिकल डेवलपमेंट. एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था ऑल इंडिया प्रोपोगंडा, और इस ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई, एस एन बनर्जी ने, विच वॉज एविडेंस ऑफ इमर्जिंग नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल.
ये लगातार गलती करता जा रहा है तो बट ऑब्वियस पीपल वुड गेट इरिटेटेड। एस एम बनर्जी ने सबको बैठाया और बोला बताया कि देख ये बागड़ बिल्ला क्या कर रहा है। एंड देन एस एम बनर्जी स्टार्टेड नो डिस्कसिंग द एक्सप्लोइटेटिव नेचर ऑफ द ब्रिटिश एंड देन नो जितने भी लोग थे उनको समझ में आने लगा कि हाँ ये हो रहा है। दिस इज द वे हाउ यू सी दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द एविडेंस ऑफ द इमर्जिंग नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग द इंडियंस। ठीक, तो ये पांच गलती तो कर ही चुका था है ना। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, डिक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटी, दिल्ली दरबार टाइमिंग गलत थी, सिविल सर्विसेज एपिसोड रिएक्शनरी, एज लिमिट 19, आर्म्स एक्ट डाकुओं को हथियार पकड़ा दिए है ना। तो इतनी गलती करने के बाद भी इसने सबसे बड़ा ब्लंडर किया जब ये अफगानिस्तान में घुस जाता है। अब आप देखो ये कंट्री एक ऐसी है, अफगानिस्तान इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री है जहां का टेरेन वॉरफेयर के लिए सूटेबल नहीं है। एंड आई टोल्ड यू हरी सिंह नलवा इज द ओनली पर्सन हु एंटर्ड इनटू अफगानिस्तान एंड वन अगेंस्ट द अफगानीज क्योंकि यहां के लोग लड़ाकू होते हैं, लड़ाकू गांव है अफगानिस्तान, नॉट बिकॉज ऑफ इस्लाम, कम ऑन, नॉट बिकॉज ऑफ इस्लाम। यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशनिंग ऐसी है कि आदमी लड़ाकू वॉरियर बनता है। यू सी कई बार ना जो इंस्टिंक्ट होता है आदमी का वो ज्योग्राफिकल कंडीशन उस एरिया की बनाती है। अब देखिए राजस्थान का जो आदमी होगा ही वुड बी स्ट्रॉन्ग बिल्ट, क्यों 10-10 किलोमीटर तक जा करके पानी लेकर के आ रहे हो, ढूंढ रहे, खेती कर रहे, संघर्ष कर रहे हैं मतलब एनवायरनमेंट के साथ। तो कुदरत ने उनको वो सब कुछ नहीं दिया, इस वजह से वो लड़ते हैं चीजों के लिए। लेकिन वही यूपी बिहार का जो आदमी है वो आराम तलब होगा, आराम से लेटेगा है ना, बैठा रहेगा, कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि खाने के लिए हर चीज है उसके पास अवेलेबल, जद्दोजहद ज्यादा करनी नहीं है, पीने के लिए मीठा पानी भी है, तुम कहीं दूर 25 किलोमीटर जाना नहीं है। तो आप देखोगे कि आदमी जो यूपी बिहार का होगा ना वो दिमाग ज्यादा लगाएगा, शरीर से नहीं दिमाग से तेज होगा। क्यों? क्योंकि जब शरीर को ठंडक मिलेगी, भूख लग रही है, अब राजस्थान का आदमी खाना ढूंढ रहा है, ज्वार बाजरा वागी उगा रहा है ना, जद्दोजहद चल रही है, लेकिन यूपी का आदमी 30 रोटी खा ली, 2 किलो घी पी गए है ना, 4 लीटर मट्ठा पी गए और बैठे हैं आराम से, आध्यात्म चल रहा है उनके दिमाग में। तो अफगानी भी जो है, अफगानीज आर ऑल्सो लाइक यू नो द पीपल, अफगानी जितने हैं ये भी वॉरियर्स हैं क्योंकि पठार है, वो लड़ते हैं, वो उन्होंने बचपन से लड़ना ही सीखा है, पहले कुदरत से फिर रिसोर्सेस के लिए। क्योंकि उस टाइम रशिया एक्टिव था अफगानिस्तान में, रशिया एंड रशिया वॉज द एनिमी, तो रशियन इंट्रूजन को रोकने के लिए इसने अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश की। कुछ इस तरह से समझो कि रशिया को कंट्रोल करने के लिए इंडिया यहां है, रशिया इधर है और ये अफगानिस्तान। ही ट्राइड टू कैप्चर अफगानिस्तान, ध्यान से सुनना, ही ट्राइड टू कैप्चर अफगानिस्तान टू टर्न इट एज अ बफर जोन अगेंस्ट रशिया द एनिमी। तो अफगानिस्तान को ये बफर जोन बनाने की कोशिश में अफगानिस्तान पे अटैक करते हैं, दैट लीड्स टू सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, एंड दिस प्रूव टू बी अ डिजास्टर। बहुत मारा था अफगानियों ने इसको, गुरिल्ला वॉरफेयर। The last blunder of Lytton was the Second Afghan War during the end of 19th century, as Russia was interfering into Central Asian politics. So, as a precautionary step, Lytton wanted Afghanistan as a buffer state, but he failed to convince the Afghanis peacefully. This led to the Second Anglo-Afghan War
and this war proved to be disastrous for Lecter and the British government as well. अब हालांकि इसने चीजें बुरी की तो कुछ अच्छी भी की, ऐसा नहीं है, सब चीजें अच्छी कर गया था लॉर्ड बिल्ला ये, है ना. Although Lecter was famous for his reactionary policies, but then he made some important proposals as well. आगे चल करके आप NWFP का नाम सुनोगे, तो ये जो NWFP है, North West Frontier Province, ये इसी ने बनाया था, जो आज का प्रेजेंट डे अफगानिस्तान जो आप रीजन देख रहे हो, काबुल, कांधार, हेरात वगैरह का, उसे उस टाइम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे. तो ये जो पूरा का पूरा डोमिनियन था, ये उसने बनाया था, बाउंड्री खींच करके इसने बनाई. ही फॉर्म्ड द चेंबर ऑफ प्रिंसेस, है ना, जहां पे जितने भी राजा रजवाड़े थे इंडिया के, सब बैठ करके मीटिंग करते थे. तो इट वॉज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, चेंबर ऑफ प्रिंसेस, जहां पे बैठ बुला करके अंग्रेज इनसे एक साथ बात करते थे. तो ये दो चीज इसने अच्छी की थी, लेकिन बिकॉज इसने हर तबके को नाराज किया था, इंस्टेड ऑफ, इसका जो टारगेट था वो था क्या, कि जो आग भड़की है रिवोल्ट की उसे शांत करना है, लोगों को पैसिफाई करना है. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट ही इरिटेटेड द पीपल. तो जितने अंग्रेज थे उन्होंने बोला इसको भागड़ा बिल्ला बैठा, इसको भेज, कुछ नहीं कर सकता है आदमी. ही वॉज कॉल्ड बैक, ही वॉज कॉल्ड बैक इमीडिएटली एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय लिबरल रिपन, लॉर्ड रिपन, 1880 से 1884. आई होप आपको ये पूरा का पूरा लिट्टन वाला जो सेगमेंट है वो पूरा समझ में आ गया है आपको. आई होप लॉर्ड लिट्टन इज क्लियर टू यू गाइस. अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज प्लीज टाइप प्रोसीड सो दैट आई मे प्रोसीड इन द सेशन. Jenny is like a silent spectator. Abhijit, as usual, active participant in the chat. ये emojis, ये smileys कहाँ कहाँ से लाते हो अभिजीत? मजा तो अभिजीत को, educator, यो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है उसपे भी बहुत आता है. YouTube में इतने मजे नहीं कर पाता है अभिजीत. आई होप ये सेगमेंट आपको लॉर्ड लिट्टन का समझ में आ गया. दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन अ नेगेटिव सेंस, मच लाइक औरंगजेब, बट इससे जो चीजें हुई वो आगे क्रांति में बहुत काम आने वाली है. ठीक है, तो अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ रही है, अगर मेरी क्लास पसंद आ रही है, और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो. आप चाहो तो अनअकैडमी पे किस यूजर नेम के थ्रू मुझे फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो मेरा ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो anacademy_k, जहां पे मैं आपको नोटिफिकेशन दे देता हूँ, साथ साथ इस पूरे सेशन की ये जितनी भी PDF है ये सारी की सारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. अगर आप चाहो तो मेरे को फॉलो कर लो अनअकैडमी में, इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हो या उस यूजर नेम से सर्च कर सकते हो. यू कैन रीड मोर अबाउट मी, यू कैन एक्सप्लोर ऑल द फ्री लेसन्स विच इज अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म, ऐप पे या वेबसाइट पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो. नॉट ओनली मी, 100+ टॉप एजुकेटर्स आर ऑलरेडी देयर हु आर जस्ट अ सब्सक्रिप्शन अवे, एंड दीज आर द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, और ये आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प कर सकते हैं फॉर UPSC CSE गाइस. 15,000+ कोर्सेज आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन अनअकैडमी. अगर आप चाहें तो इसको भी, इस कंटेंट, इस रिसोर्स को, इसको आप देख सकते हैं वंस यू गेट सब्सक्राइब. आपके सिलेबस के सारे टॉपिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे कवर करा दिए जाते हैं, और इसमें ऑप्शनल भी इंक्लूडेड होता है. तो कई सारे कोर्स ऑलरेडी हैं, कुछ और अपकमिंग कोर्सेज आ रहे हैं. अगर आप देखिए तो जो सब्सक्रिप्शन है वो दो तरीके का है. पहला जो सब्सक्रिप्शन है वो प्लस सब्सक्रिप्शन है, जहां पे दिस इज काइंड ऑफ अ बेसिक सब्सक्रिप्शन. अगर आपको थोड़ा सा और एडवांटेज चाहिए तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, इसमें आप देखेंगे
you would get the complete guidance from prelims till selection, pre mains interview optional CSAT वगैरह सब कुछ आपका तैयार करा दिया जाता है. टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिल जाती है जिसके लिए शायद आपको बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे पैसा देना पड़े. डेली लाइव क्लास इसका बहुत बड़ा फीचर है जहाँ पे इंटरेक्शन होता है, आप बैठ के एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, ऑल ऑफ दिस व्हाइल द क्लास इज गोइंग ऑन. लाइव टेस्ट के सेगमेंट होते रहते हैं, केबीसी वगैरह खेलता रहता हूँ मैं, क्विजेस होती रहती है जिसकी वजह से आप रेगुलरली अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हो और जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज कर पाओगे. कोर्सेज जितने भी हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्ड वे में इन लाइन विद यूपीएससी रिक्वायरमेंट और सिलेबस के हिसाब से कोर्सेज बनाए गए हैं ताकि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिल सके विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम. अगर कोई लाइव क्लास मिस हो जाती है तो अभी आप नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है. आप घर बैठे कभी भी चाहो, कहीं भी चाहो, अपने डिवाइस पे देख सकते हो इसको. ठीक है, ऐसा नहीं कि लाइव क्लास मिस हो गई तो मिस हो गया, क्योंकि यूट्यूब पे तो चलो खैर आप देख सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आ जाता है वो प्लेलिस्ट में, लेकिन आप पे जितनी भी क्लास होती है वो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी डाउनलोड नहीं कर पाओगे. तो उसके लिए प्लस को सब्सक्राइब करिए. दिस इज द बेसिक सब्सक्रिप्शन विच आई रिकमेंड टू एवरीवन. कम से कम ये तो ले ही लेना क्योंकि इसके चार्जेस भी ज्यादा नहीं है. अगर आप देखिए एक दो और ढाई साल के लिए कुछ इस तरह के चार्जेस हैं. अगर आप देखें ये थोड़ा बढ़ भी गया था क्योंकि कई सारे लोगों ने मेरी बात सुनी नहीं थी, प्राइसेस बढ़ने वाले जल्दी से ले लो ना. अगर आप इस कोड को यूज करते हैं KK001 तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है गाइस, और आप यहाँ पे 9000 तक बचा सकते हैं. और अगर आपको तब भी ये प्राइस ज्यादा लग रही है तो आप नो कॉस्ट EMI ले लीजिए, 6, 12 and 24 months के लिए अवेलेबल है. तो मोटा मोटा आपको 2200 में कोर्स मिल जाएगा. तो 2250 पर मंथ इज नॉट अ बैड डील. ठीक है, आप तैयारी खुद करना चाहते हो, दैट्स अ गुड आइडिया, लेकिन मेक श्योर दैट यू नो आप चीजों को क्रैक कर ले जाओ. कहीं फिर ऐसा ना हो कि आपको लगे कि अरे इतने से पैसों के लिए मैंने अनअकैडमी सब्सक्राइब नहीं किया और जो मैं सिलेक्शन ले सकता था इस साल, अब मुझे एक साल और बैठ के तैयारी करनी पड़ेगी. तो ये चीज मत करना, है ना. डोंट हैव एनी रिग्रेट्स गाइस, दिस इज अ बेसिक सब्सक्रिप्शन. 2250 रुपए हर महीने तो गांव-गांव का बच्चा भी अफोर्ड कर सकता है. तो ऐसा नहीं, दिस इज आउटरेजियस प्राइस. इट्स अप टू यू. डू यूज दिस कोड KK001 फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट. अगर आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो पर्सनल कोच के साथ आपको आइकॉनिक प्लान मिल सकता है, जहां पे ये कोच आपको 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप करेगा, आपकी तैयारी को अलाइन करता है, लर्निंग रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का एक अच्छा जरिया बन सकता है. आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करा दी जाती है गाइस, जहां पे आपको मेंस में आंसर लिखने में काफी हेल्प हो जाएगी. आपके आंसर्स चेक हो जाएंगे जो भी आप लिखते हैं, उसको इवेल्युएट किया जाता है, पर्सनल फीडबैक दिया जाता है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज किया जाता है और बताते हैं कि किस तरीके से आप अच्छा और अच्छा आंसर लिख सको ताकि मेंस में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल पाए. क्योंकि मेंस में ज्यादा मार्क्स मिले तो फिर रैंक भी अच्छी बन जाती है और एम्बिशन भी पूरा हो जाएगा. नॉट ओनली दैट, स्टडी प्लानर भी होता है ताकि आप तैयारी से भटक ना जाओ जब आपका मन ना करे. सर मन नहीं करता है ना पढ़ने का, क्या करें. तो यहाँ पे डिसिप्लिन इंड्यूस की जाती है, आपकी तैयारी को मॉनिटर किया जाता है बाई वीकली. आप स्टडी बूस्ट वर्कशॉप्स भी देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होती है ये सारी चीजें. जितने भी लोग ने ले रखा है वो समझ रहे हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो शायद लेकर के यहाँ मुझे देख रहे हैं. अब प्लीज अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा मुझे. फॉर दोज ऑफ द पीपल, ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए मुझे कि आपको सब्सक्रिप्शन लेके लग कैसा रहा है, कुछ फायदा है कि नहीं. जेनी आई थिंक यू हैव द सब्सक्रिप्शन, आई एम नॉट श्योर, है ना. कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है. मुझे मैसेज किया था उन्होंने कि सर आपका सब्सक्रिप्शन हम लेंगे. कई देयर वाज समवन जिसका यूजीसी नेट का सब्सक्रिप्शन था, एंड शी वॉज हैविंग सम ट्रबल इन सब्सक्राइबिंग फॉर UPSC. तो जब आपका खत्म हो जाएगा तो आप ये वाला लेना, कोई दिक्कत नहीं. इसके चार्जेस जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जहाँ पे भी आप इस कोड को यूज कर सकते हैं KK001 फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट.
और ये जो कोर्स है इस पे आप करीब करीब 15,000 तक बचा सकते हो, और ईएमआई नो कॉस्ट तो अवेलेबल है ये 6, 12 और 24 मंथ्स की। तो अगर आप देखिए तो मोटा मोटा ये कोर्स अगर आपको 3,500 रुपये पर मंथ पे मिल रहा है तो क्या ये बुरी डील है? इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ, पर्सनल कोच के साथ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ, स्टडी प्लानर के साथ, विद ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस, यू आर गेटिंग अ कोर्स एट 3,500 रुपीज पर मंथ। एक्ट नाउ गाइस, नाउ इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बी वाइज, फ्री कंटेंट के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि प्लस पे जो डिस्कशन होता है, प्लस पे कोर्सेज है वो वे फॉरवर्ड होते हैं, उस पर डिटेल में और अच्छे से चीजें डिस्कस की जाती है, अच्छा कंटेंट होता है, अच्छा डिस्कशन होता है, अच्छी एनालिसिस होती है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी मैं कराता रहता हूँ। तो आपको नो लाइव सेशन जो पढ़ा रहा हूँ उसी में ही क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ कि यदि ये लास्ट ईयर ये पूछा तो ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अलग लेवल का यहाँ पे नो तैयारी रहती है। तो आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू डू दिस एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि सर जीएस नहीं, सिर्फ ऑप्शनल में प्रॉब्लम होती है, 23+ ऑप्शनल्स आर अवेलेबल ओवर देयर। अगर आप चाहो तो सिर्फ ऑप्शनल ले सकते हो, कोड वही रहेगा, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ले लीजिए, करीब करीब 5,000 तक आप बचा सकते हो। और अगर 1,300 रुपये में, इफेक्टिवली 1,350 रुपये में, अगर आपकी पर मंथ 1,350 में डिस्काउंट की बात, तो आपको 1,250 पड़ेगा। 1,250 रुपये पर मंथ में अगर आपका ऑप्शनल तैयार हो रहा है, ये हेडिंग खत्म हो रही है, तो क्या कोई दिक्कत है? बी वाइज एंड इम्प्रोवाइज, क्वालिटी मैटर्स वाइज, क्वालिटी है ना। क्वालिटी एजुकेशन के लिए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी को, है ना। हमने देखा लॉर्ड लिट्टन के बारे में, अब बात कर लेते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। और रिपन ने आकर के क्या चीजें की थी उसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। अगर टी ब्रेक चाहिए तो अभी ले लो, लंच ब्रेक चाहिए तो अभी ले लो, बाद में ये बात बोलना कि सर थक गए, ब्रेक ब्रेक चाहिए होता तो मांग लिया करो, अगर लगता है तो बताओ, अदरवाइज वी कैन मूव अहेड एंड फिनिश दिस टॉपिक एज वेल। बताइए मुझे कमेंट करके, ब्रेक चाहिए क्या अभी आप, यस और नो? अदरवाइज आई एम गोइंग टू फिनिश दिस टॉपिक एंड देन गिव द ब्रेक व्हिच वुड टेक अराउंड सम टाइम। गुड आफ्टरनून शर्मा 3115, आई एम नॉट श्योर व्हाट्स योर नेम, अभिजीत कह रहे हैं बाद में, पूरे जोश के साथ बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया अभिजीत। और लोगों का क्या कहना है, डोंट बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर, बी अ पार्टिसिपेंट इन द क्लास। गुड आफ्टरनून शर्मा 3115, हेमंत सागर जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कई सारे और लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, बलराम भी जोश में है, थम्स अप दे रहे हैं मुझे, बिल्कुल बलराम, इतिहास की क्लास को पेश की जाएगी। जस्ट लेट मी पिंग इन द ग्रुप अगेन, लेट अ फ्यू मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन जो अभी तक शायद आए नहीं है, कुछ लोग हैं हुम आई वाज एक्सपेक्टिंग इन दिस सेशन बट दे आर नॉट ओवर हियर, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। हेमंत सेज कैरी ऑन, आज अक्षेश नहीं है, अक्षेश होता तो बोलता प्रोसीड एंड कॉन्कर, फेवरेट डायलॉग उसका। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन का आपको बैकग्राउंड समझ में आ रहा है, आई होप जो लिट्टन है उसकी कहानी क्लियर है। अब बस ये समझिए कि जब ये आया, ही इज रिप्लेसिंग लॉर्ड लिट्टन, और उस टाइम पर अगर आप देखिए तो सिचुएशन ऐसी थी कि इस आदमी ने, लॉर्ड लिट्टन ने, इसके पहले जो आया था, सारी चीजें बर्बाद कर रखी थी, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे जो फेथ था लोगों का वो एक तरह से धुंधला हो चुका था, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग मच। और इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लॉर्ड रिपन को अपॉइंट किया गया इंडिया में कि जाओ और ये जो सिचुएशन जो बिगड़ रही है इसे संभालो।
And it was very important for this guy to control the rising dissatisfaction in the people. Policy is equal to priority. P is equal to P. The same formula. इसकी प्रायोरिटी क्या है? जो भी काम वो खराब किए हैं लिटन ने, उसको सही करो. दूसरा, वही जो उसकी जो चीजें थी 1857 की, आग को शांत करो, लोगों को सेटिस्फाई करो, पैसिफाई करो. After arriving in India, he applied an ointment on the wounds given by Lytton. जितने भी घाव दिए थे, चोट लगती है, घाव, wounds, ये आदमी बैठ के मलहम लगा रहा था. लॉर्ड लिट्टन डंडा मारेंगे, ये चोट पे दवा लगाएंगे, बस कुछ इस तरीके से काम इसने किया था. And you would see that he would work in limits. ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा लिबरल आदमी था. He would work in the limits. लिमिट में रहते हुए he protected the interest of the British and Indians both. The British को भी नुकसान ना हो और Indian भी खुश हो जाए. And that is the wiseness of this man. और आप देखोगे इसकी जो policies थी, उसकी वजह से जिन जिन तबकों को उसने नाराज किया था, ये उन सबको खुश कर देगा. अब हमेशा जो स्मार्ट आदमी होता है वो क्या करता है? What those people do? उन सामने वाले को दिखाएंगे कि हम चीज आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन करते वो हमेशा अपने इंटरेस्ट में, है ना. एंड दैट इज अ स्टेप विच कैन बी ओनली टेकन बाय अ मैच्योर मैन. और इस आदमी ने किया सब कुछ ब्रिटिश के लिए, लेकिन लोगों को लगा रहे वाह क्या आदमी है, जस्ट लाइक विलियम बेंटिक. समझदार आदमी था ये लॉर्ड रिपन. इसने क्या क्या काम किए? ही अमेंडेड द वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट. अब इसने वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट को एंड नहीं किया, इसको अमेंड किया. ये डिफरेंस समझना. लिट्टन ने आकर के इस पे बैन लगाया था वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर पे, उसने कुछ अमेंडमेंट कर दी. He gave the gift of local self-government to the people. क्योंकि आम आदमी की एस्पिरेशन क्या थी कि भाई हमें गवर्नमेंट में बैठना है, हमें भी काम करने दो, हमें भी मौका दो, ले भाई. He reduced the salt duty which affected the common people the most. डिस्कस करेंगे इसके बारे में. हंटर कमीशन, दिस वॉज रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन. चार्ल्स वुड डिस्पैच याद है? Charles Wood Dispatch, 1854. That was during the time of Lord Dalhousie. और ये related किससे था? Higher education से. ये Hunter Commission जो है, ये किससे related है? Primary education से. अच्छा, एक चीज मैं यही बता दूँ, confused मत होना. Hunter Commission is related to primary education and Hunter Committee is related to the review of जलियांवाला बाग case. 1919. तो ये कमीशन है, ये कमिटी थी. ये डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर थे, यहां पे विलियम हंटर होंगे, दो अलग लोग हैं. तो हंटर कमीशन रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन. और फिर द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट. लोगों को लगेगा कि कितना अच्छा आदमी है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे काम कर रहा है, बच्चों से काम नहीं करवा रहा है. लेकिन इसका मतलब कुछ और ही था. हर स्टेप पे ये आदमी लोगों को दिखाएगा कि देखो हम तुम्हारे लिए कितना सोचते हैं. और जितने भी तबके थे उन सबको ये सेटिस्फाई कर देगा. वहां किसको किसको नाराज किया था? इंडस्ट्रियलिस्ट को नाराज किया था लिट्टन ने. यहां इंडस्ट्रियलिस्ट को ये खुश कर देगा. यहां एजुकेटेड मिडिल क्लास को ये खुश कर देगा. यहां आम आदमी को खुश कर देगा. यहां पर इंटेलेक्ट्स को खुश कर देगा. और यहां पर आप देखो तो जितने भी लोग थे एंटायर पॉपुलेशन सब खुश हो जाएंगे. तो बात करते हैं इसकी पॉलिसी के बारे में. एंड लेट्स टॉक अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट. एक लाइन में भूल गया शायद यहां पे. He worked in the limits and protected the interests of the British and Indians both. His era proved to be an ideal era for freedom struggle in India. ये क्यों हुआ? ये मैं बताऊंगा जब मैं discuss करूंगा Ilbert Bill controversy. आने वाला है. तो सबसे पहली चीज जो इस आदमी ने की, he amended the Vernacular Press Act. इसने amend किया.
As I told you, press is considered as a safety valve, है ना? It acts as a critique to the government, और government को ये बताती है कि लोगों का reaction क्या है और government लोगों को ये बताती है government ने नई policy क्या लाई है, ठीक? Vernacular मतलब local language, और अगर आप देखिए तो vernacular paper जितने थे सारे बंद थे, ना तमिल में, ना हिंदी में, ना उर्दू में, किसी भी लैंग्वेज में आप छाप नहीं सकते थे। इससे बचने के लिए कई सारे न्यूज़पेपर्स ने अपने आप को इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, इंक्लूडिंग द हिंदू। इसने उस लॉ में अमेंडमेंट ला दिया, है ना? एंड ही गेव द राइट्स ऑफ रीप्रिंटिंग कि छापो, जो छापना है छापो, है ना? इससे लोग खुश हुए। क्यों? पहली चीज, एक तो रीप्रिंटिंग शुरू हो गई, दे स्टार्टेड प्रिंटिंग अगेन, और दूसरा ही गेव देम द लिबर्टी कि जो छापना है आप छापिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक कंडीशन है, देयर इज वन कंडीशन, जो छापना है आप छापिए, लेकिन एक कंडीशन है कि जब कभी भी आप गवर्नमेंट के लिए कुछ लिखेंगे तो हमारा एक एडिटर उसको आकर के देखेगा, ठीक है? Just give me a second, guys. I'll get back. Okay. Sorry for the interruption. I was talking about the amendment to the Vernacular Press Act. मैंने बताया कि इसने चीज़ की क्या थी और कैसे चीज़ को बदला था। I told you कि इसने दो चीज़ें की। पहले तो जितने भी rights थे वो revoke कर दिए। अब जितने भी vernacular papers हैं उस सारे के सारे आप छाप सकते हैं। और दूसरी चीज, इसने पूरी खुली छूट दी थी, एक कंडीशन लगाई थी बस कि जब कभी भी आप कुछ भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी छापेंगे तो एक ब्रिटिश एडिटर रहेगा जो ये सारी चीज मॉनिटर करेगा, और अगर उसे लगेगा कि ये चीज ठीक नहीं है तो वो उसे हटा देगा। इससे हुआ क्या? इसकी वजह से फायदा ये हुआ कि जो ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने अपना इंटरेस्ट भी पूरा करके रखा, और साथ ही साथ अगर आप देखिए तो इसने जो काम किया उससे लोगों को भी दिक्कत नहीं हुई। ही वर्क इन द फेवर ऑफ द ब्रिटिश, है ना? और पूरी तरह से छूट भी नहीं दी, इसलिए ब्रिटिश भी इंटरेस्ट उनका भी फुलफिल हुआ और लोगों को लिखने का फिर से मौका दे दिया, तो वो भी चीज फुलफिल हो गई। तो ही इंडियंस को भी इसने खुश किया, ब्रिटिश इंटरेस्ट को भी मेंटेन किया। क्योंकि अगर आप देखो तो समझदार माँ बाप जो होते हैं ना, ये हमेशा बच्चे को पहले मारते हैं और फिर समझाते हैं, है ना? पहले बच्चों को मारेंगे और फिर चॉकलेट देंगे कि बेटा चुप हो जा, हम तो तुम्हारे लिए ही करते हैं, हमें कौन सा फर्क पड़ता है। तो समझदार माँ बाप पहले मारते हैं और फिर समझाते भी हैं, है ना? And that is kind of an ointment which he had placed, where vernacular papers were given the rights of reprinting with a new clause. A clause add कर दिया, एक शर्त रख दी बस। They gave the rights of reprinting, but a new clause that if anything is written for the government, it would be initially edited by the government officials. और जब हम परमिशन देंगे तभी आप उसे छाप सकते हैं। बात बन गई, लोगों का भी काम हो गया, इनका भी काम हो गया, ठीक? Then what he did, he gave permission for the Hunter Commission. अब Hunter Commission में William Hunter was the board member, EARB, है ना? And this was related to primary education. And education, as I emphasized, education is something जो बहुत important है, and it is the easiest way to achieve whatever you want in life. And also, it is also a way to get a better life. अगर आप educated होते हो, rational होते हो, तो चीजों के बारे में समझोगे, तो कई multi-dimensional development होता है आपका। और इसीलिए आप देखो, education पाना बड़ा आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई, खास करके civil services exam में पढ़ाई क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई बड़ी आसान होती है और बहुत मुश्किल भी होती है। क्यों? क्योंकि पढ़ने के लिए
बैठना होता है, ये सबसे बड़ी आसान बात है। तो पढ़ने के लिए क्या करना है? सिर्फ बैठना है। लेकिन पढ़ने के लिए बैठना है, यही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सिटिंग हैबिट बनी नहीं। 15 मिनट बैठ जाओ तो लगता है यार लेट के पढ़ते हैं। कुछ लोग लटक के पढ़ते हैं, कुछ लोग रजाई में घुस जाएंगे। अब तो सर्दियां भी आ रही है, अब तो रजाई से निकलने का मन भी नहीं करेगा। ब्लैंकेट उसी में घुस के कोई लेट के पढ़ रहा है, कोई उसी में बैठ के पढ़ रहा है, टॉर्च जला के रात में पढ़ रहा है है ना। तो पढ़ाई के लिए बैठना पड़ता है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है, कि सेटिंग हैबिट हमारी कभी लगी नहीं। अगर आप देखिए तो कभी ध्यान दिया है कि जितने भी IIT IIM के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है ये एग्जाम क्रैक करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही क्रैक कर सकते, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग कुछ ऐसी दी जाती है। IIT IIM इन ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, इनको घिसा जाता है, ग्रिलिंग की जाती है, जबरदस्त ग्रिलिंग की जाती है। IIM में रात में 10 बजे भी लेक्चर होते हैं। इट्स अप टू द प्रोफेसर, इफ ही वांट्स टू कॉल अप अ लेक्चर तो आपको बुला सकता है। IITs में आपको टाइम ही नहीं मिलेगा इन इंस्टीट्यूशन में कुछ करने के लिए। सुबह से शाम तक क्लासेस होंगी, फिर कुछ क्विजेस वगैरह होती रहेगी, कुछ एक्टिविटी होती रहेगी। आप हमेशा 365 दिन किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व रहोगे। कभी सबमिशन होगा, कभी टेस्ट होगा, कभी एग्जाम होगा, कभी पढ़ाई होगी, कभी कोई फेस्ट होगा, कुछ भी होगा। आप हमेशा 365 दिन किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व रहोगे। आपके पास सोने के लिए 5 घंटे भी अगर मिल गए तो यू आर लकी। एंड दैट इज द काइंड ऑफ ग्रिलिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जो आदमी 8-8 घंटे कुर्सी पे बैठा हुआ है, लेक्चर अटेंड कर रहा है, उसके लिए 4 घंटे बैठ करके IAS के लिए पढ़ने में क्या दिक्कत होगी? क्योंकि इनकी सिटिंग हैबिट बन जाती है कॉलेज में, इसलिए इन लोगों के लिए 4-5 घंटे 6 घंटे पढ़ना, बैठ के पढ़ना आसान होता है। कुछ अलग नहीं कर रहे ना, यही चीज की है, 4 साल इधर 2 साल, कुछ अलग नहीं होता, इसलिए इनके लिए आसान होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही लोग ही सेलेक्ट होते हैं। अगर UPSC को IIT और IIM के स्टूडेंट ही चाहिए तो सबके लिए ओपन ही नहीं करती। UPSC जाती, IIT और IIM से सारे टॉपर उठा लाती, उन्हीं को IAS बना देती, खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। UPSC को पता है कि व्हाट दे रिक्वायर इज समथिंग एल्स। वो किताबी नॉलेज से काम नहीं चलेगा, दे नीड मैच्योरिटी एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। और ये जो चीज है, ये 40% वाले बच्चे के दिमाग में भी आ सकती है और 99% वाले बच्चे के दिमाग में भी आ सकती है। इट डिपेंड्स, दे आर लुकिंग फॉर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी बढ़ती कैसे है? एजुकेशन है ना। तो डजंट मैटर कि आपके 40% आए हैं या 50% आए हैं, डजंट मैटर। UPSC ने क्या बोला? पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, बस बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ये कोई नहीं पूछेगा 40% क्यों लेके आए, पूछेगा क्या कि इंडिया चाइना का जो रिलेशन है उसको कैसे सुधार सकते हैं। इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जब कभी भी मैं क्लास लेता हूँ ऑफलाइन सेटिंग में, दिल्ली में या बाकी शहरों में, जैसे ही मैं क्लास में घुसता हूँ, द फर्स्ट डे आई एंटर, मुझे समझ में आ जाता है कि किसने BTech किया हुआ है, किसने MBA किया हुआ है, कौन BA किया हुआ है, किसने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है, ये समझ में आ जाता है। बिकॉज द मोमेंट आई एंटर इन द क्लास, है ना, जितने बच्चे होते हैं, जितने स्टूडेंट होते हैं, सब खड़े, सब एकदम चौड़े हो जाते हैं कि हाँ आ जा, आ जा, आ जा पढ़ा, कम। कईयों को तो यकीन नहीं होता कि मैं पढ़ाने आया हूँ, है ना। जब मैं क्लास में घुसता हूँ, स्टूडेंट्स ऐसे करके घूरते हैं, मुझे देखते हैं, पढ़ाने आए हो, तुम पढ़ाओगे हमको, अच्छा पढ़ा। एंड देन
जो शुरू शुरू का जोश होता है कि हाँ टीचर आ गया क्लास में, चल आप पढ़ते हैं, 15 मिनट के अंदर जो अटेंटिव स्टूडेंट है दे कैरी ऑन, लेकिन जिनकी ग्रिलिंग नहीं हुई है, जिनकी बैठने की आदत नहीं है, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई किसी लेट गया, कोई किसी कंधे पे सर हाथ रखा है, कोई किसी के कंधे पे सर रखा है, कोई टेबल पे ऐसे करके लेटा है, 15 मिनट के अंदर सारा जोश खत्म और समझ में आ जाता है कि कौन बीए किया है, कौन एमबीए किया है, कौन बीटेक किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीए जो करते हैं वो दिस डिग्री इज खराब, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूं कि जो स्टूडेंट बीए के होते हैं ना उनकी ग्रिलिंग नहीं होती है। और जो आदमी बीए में फेल हो जाए है ना, ऐसे महान आत्मा को मैडम टुसार्ड म्यूजियम में उसकी मूर्ति बनानी चाहिए जो बीए में फेल हो जाए। कॉलेज जाना होता है नहीं, दिन भर आवारा कर दी, नाम के लिए कॉलेज चले गए, वहां जाके मस्ती कर रहे हैं, ये ग्रिलिंग भी है ना, चीज समझ में आ जाती है ना। और इसीलिए सिविल सर्विसेज सबके बस की बात नहीं है, आप भले ही पढ़े लिखे हो, पढ़ाकू हो, सब ठीक है, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं होती। अब देखो 100% गारंटी है मेरी, 100% करंट अफेयर आपको बहुत परेशान करता होगा, 100% गारंटी है मेरी, है ना। और पढ़ना भी इतना कुछ है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं सबके बस की बात नहीं, क्यों 13 सब्जेक्ट्स, दुनिया भर की एनसीईआरटी, बड़ी बड़ी किताबें, और ये इतना सब कुछ नहीं, इसके बाद न्यूज़पेपर है ना। कुछ स्टूडेंट आते हैं मुझसे पूछते हैं कि सर न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ा जाए, मैंने बोला हिंदू पढ़ ले, तो एक ने बोला कि सिर्फ हिंदू, अरे बेटा हिंदू पढ़ के दे पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, योजना, कुरुक्षेत्र है ना, EWT सब पढ़ना है ना। और इसी इसी में आदमी गोल गोल घूमता रहता है, इसी में ARC रिपोर्ट भी होगी, इसी में इकोनॉमिक सर्वे भी होगा, आदमी क्या क्या पढ़े, क्या क्या याद रखे। राम जी बुरा मत मानिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मेरी बात का बुरा मत माना करो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं करंट अफेयर्स ये नहीं कह रहा हूं कि बीए के स्टूडेंट नहीं करते, मैं ये बोल रहा हूं कि जनरली करंट अफेयर्स में सबको प्रॉब्लम होती है, मैं ये कह रहा हूं, अपने ऊपर हर चीज मत दिया करो, नाराज नहीं होते। तो हर स्टूडेंट शुरू शुरू क्योंकि ही वुड बॉगल डाउन, अब इतनी किताबें हैं, फिर न्यूज़पेपर है, और भी रोज डेली, ये डेली वर्ड इज इम्पोर्टेंट, उसका नोट्स भी बनाना है, पढ़ना भी है, एक तो NCERT नहीं समझ ली, बड़ी किताबें नहीं समझ ली, फिर न्यूज़पेपर, और उसके बाद योजना, कुरुक्षेत्र, यू नो EWT, उसके बाद सेकेंड ARC, उसके बाद अलग अलग इकोनॉमिक सर्वे, ये वो, दुनिया भर की गाइडलाइन, दुनिया भर की प्रोटोकॉल, दुनिया भर की चीजें सब पढ़नी है, इसी में आदमी बेहोश। और शुरू शुरू में जोश बड़ा आता है, शुरू शुरू में जोश बड़ा आता है, आदमी योजना खरीद के लाएगा, द मैगजीन, योजना मैगजीन, यार योजना पढ़ेगी चाहे कुछ, योजना का कवर खोला, देखा द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, फर्स्ट आर्टिकल लिखा हुआ है द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, उसे बड़ा अच्छा लगता है, चलो अच्छी बात है, नई चीज पता चली कि सूरज ईस्ट से निकलता है, उसको लगा ऐसी कुछ होगा जो और ही होगा। और उसके बाद व्हेन द पर्सन स्टार्ट्स रीडिंग, पहले पेज में समझ में आता है कि द ईस्ट, द सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, उसका मतलब क्या है उस लाइन का, नो, व्हेन द आर्टिकल टॉक्स अबाउट द ट्राइबल रिकंसोलिडेशन
इन दी ईस्टर्न इंडिया, तो उसको लगता है अच्छा ये सनराइजिंग मतलब उनके लिए कुछ किया जा रहा है, ईस्ट ईस्ट मतलब ये है ना, आज भी उसी परेशान है। योजना लोग खरीद के लाते हैं और उसके बाद उसे पढ़ते हैं, एक पेज पढ़ के वो बंद कर देते हैं और साइड में चली जाती है। जिनकी ग्रिलिंग है, जिनको समझ में आता है, सब चीज की हुई है, जिनको मेहनत कर लेते हैं, वो उस किताब को 2 दिन में खत्म कर सकते हैं मैगजीन को, लेकिन 1-2 पेज पढ़ते हैं वो साइड में। तो शुरू शुरू में बड़ा जोश आता है, लोग खरीद के लाते हैं मैगजीन, योजना कुरुक्षेत्र सब आएगी, और फिर 2-3 महीने बाद दोस्त आके बोलता है भाई योजना आ गई ले ले। क्या ले लेंगे, फिर योजना आती है वैसे की वैसे ही रख दी जाती है बुक शेल्फ, और उसके बाद योजना का कलेक्शन होता है। अब योजना आप पढ़ नहीं रहे, उसमें कॉकरोच घूम रहा है, उसी में अंडे दे रहा है, वो धूल लग रही है, वो पढ़ ही नहीं जाएगी कभी, वो ऐसे के वैसे पाइल अप होती चली जाती, जैसे न्यूज़पेपर रोज का पाइल अप होता चला जाता है, होता है कि नहीं, रियलिटी यही है गाइस। और इसीलिए ये वर्ड याद रखना, पेशेंस, जिंदगी में सब मिलेगा अगर क्लैरिटी से सोचोगे ना तो समझोगे। डजंट मैटर हाउ मच यू आर एजुकेटेड, डजंट मैटर हाउ वेल यू आर एजुकेटेड, ऑल मैटर्स इज कि आप चीजों को हैंडल कैसे करते हो। लाइक दिस गाय, लर्न फ्रॉम हिम, स्टोरी सुना रहा हूं इसकी, स्टोरी के मैसेज को पकड़ो, सीखो इस आदमी से। अब हंटर कमीशन जो था, दैट वॉज वॉट रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन। अरे अभिजीत कहां बाबर पे अटक जाते हो, बाबर के जैसे बहुत लोग हैं, बहुत लोगों के बारे में बताया मैंने है ना, सीखो ठीक है, बाबर कैन बी अ गुड आइडल है ना। इट वॉज appointed to review the primary education in India, and after its recommendation, primary schools were established under the control of district board in various parts of the country. जितने भी educated middle class के लोग थे, उनको चाहिए क्या कि बच्चों को पढ़ा दो, हमें rights दे दो, यही चिल्लाते रहते थे, तो उसमें बड़ा रुक करते हैं। Charles Wood Dispatch में inverted triangle था, याद है आपको? और Charles Wood Dispatch में decide किया गया था कि higher education institutes में मॉडर्न एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम बताई जाएगी, और इनकी ड्यूटी होगी कि बाकी सेकेंडरी और प्राइमरी लेवल पे ये स्टूडेंट जाकर के पढ़ाएं। यहां पे पहली बार प्राइमरी एजुकेशन को टच अपॉन किया गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर यही फॉर्मेट होता है। तो अब अगर आप देखिए तो ये स्टेप अगर देखो तो आगे चल करके ब्रिटिशर्स को बहुत परेशान करेगा, क्योंकि यहां जिन लोगों ने एजुकेशन पाली बचपन में, उनका सॉफ्टवेयर रैशनल फ्रेमवर्क बनने लगा। अब बचपन से आज भी मैच्योर बन रहा है, रैशनल बन रहा है, चीजों के बारे में सोच रहा है, कैलकुलेशन चल रही है। आगे चल करके इसी स्टेप की वजह से नए नए नेशनलिस्ट उभरेंगे 20th century के, बिकॉज ऑफ दिस। प्राइमरी एजुकेशन भी मिल रही अच्छी, सेकेंडरी एजुकेशन भी मिल रही अच्छी, और नेशनल लेवल पर हायर एजुकेशन भी मिल रही अच्छी, ठीक है। तो इसने बोला गया कि ठीक है भाई, हम प्राइमरी एजुकेशन देंगे, प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, और ये स्कूल किसका पार्ट रहेंगे, कौन मॉनिटर करेगा प्राइमरी स्कूल को, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है ना। तो एक तरह का जो सेटअप था लोकल गवर्नमेंट्स का, अभी समझ में आएगा आपको जब आगे हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे, तो आपको समझ में आएगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता है क्या। तो इट इज काइंड ऑफ यू नो म्युनिसिपल बोर्ड के जैसा समझ लो है ना, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंडर में प्राइमरी स्कूल, जहां प्राइमरी एजुकेशन शुरू कर दी गई। तो ये हंटर कमीशन याद रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि दिस इज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप, बहुत बड़ी चीज हुई थी यहाँ पे, प्राइमरी एजुकेशन शुरू हो गई, ठीक। And then you see the reduction in salt duty. अब salt एक ऐसी चीज है, एक ऐसी commodity है जो कि हर आदमी use करता है। अब वो रिक्शा वाला हो चाहे मुकेश अंबानी हो, everybody uses salt.
हर आदमी नमक खाता है। और ये एक ऐसी कम्युनिटी है, कमोडिटी है, विच कैन अफेक्ट द एंटायर पॉपुलेशन। इंडिया के साथ खास चीज ये थी कि सॉल्ट से लॉयल्टी भी जुड़ी हुई थी। इफ यू हैव टू प्रूव योर लॉयल्टी, सॉल्ट वॉज द कमोडिटी। वो सुना होगा आपने, नमक हलाली, कि मैंने तो आपका नमक खाया है, मैं आपके साथ कैसे डिसलॉयल हो सकता हूं। तो इंडिया में सॉल्ट वॉज अ सिंबल ऑफ लॉयल्टी एज वेल। नमक हलाली होती, कभी चीनी हलाली सुनी है क्या? नहीं, नमक हलाली होती है। तो नॉट ओनली दैट, इंडिया के सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए थे। और ये चीज एक ऐसी है जो कि आप नो डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो। और डिस्पाइट हैविंग अ वास्ट कोस्ट लाइन, इंडिया के पास कोस्ट लाइन की कमी नहीं थी। अगर आप देखिए तो गुजरात से लेकर के ये पूरा का पूरा जो कोस्टल रीजन है, ये नमक बनाने में सक्षम था। दे वांटेड, दे कुड हैव प्रोड्यूस्ड सॉल्ट बाय देयर ओन। लेकिन इतना वास्ट रिसोर्स होने के बावजूद, डिस्पाइट हैविंग सच वास्ट कोस्ट लाइन एंड रिसोर्स, सॉल्ट वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। Salt was imported from Britain, and that was the pain of the people. क्योंकि अगर import कर रहे हो आप, अब नमक तो free की चीज़ है, and you are importing it from Britain instead of utilizing the resources of India. You are importing it from Britain, and then पैसा बढ़ेगा कि नहीं? जो चीज़ 1 रुपए की मिल सकती थी, वो 10 रुपए की बिक रही है, और use हर कोई कर रहा है। And it was also the monopoly of the company. कोई भी Indian factory या कोई भी Indian industrialist, they cannot manufacture salt, क्योंकि Britishers को पता था कि ये एक ऐसी नब्ज है, दुखती रग है, जिसपे हम कभी भी हाथ रखें तो हम Indians को परेशान कर सकते हैं। It was eaten by everybody. इसीलिए गांधी जी ने salt सत्याग्रह किया था, दांडी मार्च। This is a commodity affecting everyone in the society. The salt was a precious item and it was common commodity of day-to-day use. And despite having its vast resource, people were suffering because they were not having the right to manufacture salt, as it was the monopoly of the company. और सब कुछ होने के बाद भी government imported it from Britain, जिसकी वजह से पैसा बढ़ जाता था। अब जो चीज फ्री में आप खाते हो, उसके लिए ज्यादा पैसा कभी नहीं देने दोगे ना। वट एवर यू हैव इट फॉर फ्री, या एकदम सस्ते में, बहुत सस्ते में मिलती है जो चीज, उसके लिए आप आउटरेजियस पैसा तो नहीं देंगे। व्हेन आई वेंट टू दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम साकेत के एरिया में मैं गया था, ये वॉज देयर, और उसी टाइम पीवीआर अनुपम, और ये जो आज आप देखते हो साकेत में पीवीआर जो खुला हुआ है, वो उस टाइम बना था नया नया, है ना। And I went to watch a movie over there. तो होता ना कि बीच में, मूवी के बीच में इंटरमिशन हुआ, तो गए भाई कुछ चाय पानी लिया जाए। अब नॉर्मली जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे चीजें बड़ी सस्ती मिला करती थी। कॉफी हुई 20 रुपए, 30 रुपए, पॉपकॉर्न हुआ बहुत हुआ तो 40 रुपए, 40 रुपीज मैक्सिमम। When I went to the counter over there, जैसे ब्रेक हुआ, I went over there and I asked for a cup of coffee. And popcorn. And I asked, kitna hua? The lady over the counter said, 450 rupees. Maine bola, what? Maine kitne ki de diye bhai? Coffee 150 rupees, popcorn 300 rupees. Ab 3 rupees ka usme bhatta nahi hai, corn jo hai wo 3 rupees ka bhi nahi hai, lekin 300 ka bikta hai. And corn is something, theek hai chalo coffee ka le rahe hain, theek hai chalo. भुट्टा, कॉर्न, एक ऐसी चीज जो मैंने कभी भी खरीद के नहीं खाई, बिकॉज आई हैव लैंड इन माय विलेज, और बचपन में रहा, वो चीज ऐसी जो मैंने गांव में चुरा चुरा के खाई है। आई नेवर पेड फॉर अ कॉर्न, भुट्टे के लिए कभी पैसा ही नहीं दिया जिंदगी में, और उसके लिए, उसके कुछ दानों के लिए यू आर चार्जिंग मी 300। मैंने बोला, मैडम ये रखिए, ये वापस ले लीजिए।
Not because I cannot afford 300 rupees. I could have, but it was outrageous. 3 rupees ke bhutte ko 300 rupees mein bech rahe ho. To madam ko maine diya ki madam ye rakh lijiye aur agar aapko zarurat hai to mujhko bataiye. Main 300 rupees ka bhutta la ke de dunga aapko. Lekin this is outrageous. तो जो चीज आपको फ्री मिलती है, मैंने भुट्टा फ्री में खाया, उसके लिए आप 300 रुपए नहीं दोगे ना। सो दैट वाज द थिंग, दिस सॉल्ट शुड हैव बीन फ्री। अरे कौन सा पैसा लग रहा है इसको खरीदने में या मैन्युफैक्चर करने में, खाली प्रोसेसिंग ही तो है, उसमें भी लेबर ज्यादा नहीं है। 1 रुपए की चीज बिक सकती है, उसके लिए आप 10-10 रुपए ले रहे हो। कैप्टन कुक नमक मंगा रहे हो अंग्रेज ब्रिटिश इंग्लैंड से, जर्र से गिरने वाला नमक। और नमक एक ऐसी कमोडिटी है ना, जिसकी वजह से नमक के जितने भी लोग जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उसने भी इमोशंस का बड़ा फायदा उठाया इंडिया में। इमोशंस का, यू सी द एडवर्टाइजमेंट, देश का नमक, टाटा नमक, देश का, किसने बोला? देश का नमक। अब शुरू शुरू में टाटा के अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखो तो इन्होंने भी काफी गेम खेला है लोगों के साथ। अब नमक नॉर्मल है, आदमी खाता है जायके के लिए। टाटा के पुराने एडवर्टाइजमेंट देखो, टाटा नमक के बोलेंगे कि इस नमक में आयोडीन है जो गोइटर से आपको बचाएगा, घेंगा होता है ना गोइटर डिजीज, वो उससे बचाएगा। लोगों को अपील नहीं किया, वो बोला अरे गर्दन मोटी हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, चलेगा। इनके प्रोडक्ट बिके नहीं। फिर उन्होंने आयोडीन और बढ़ाया और बोला कि आयोडीन से बच्चे का दिमाग डेवलप होता है। इनका एडवर्टाइजमेंट देखो आप, आयोडीन डेवलप्स द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड। और फिर इंडिया की जितनी माँ थी, एवरी मदर इन इंडिया, ग्लास में नमक घोल घोल के पिला रही बच्चों को कि पी, दिमाग तेज होगा। अरे दिमाग आयोडीन से तेज नहीं होता है मैडम। मार्केटिंग, कैपिटलिज्म समझना जरूरी है। रिपन वॉज अवेयर अबाउट द नेसेसिटी ऑफ द कॉमन मैन। और ये चीज आप देखोगे, ये होगी, गवर्नमेंट को पता है कि कब क्या करना है। और इसीलिए आप देखो कि गवर्नमेंट कभी भी प्रॉब्लम में नहीं होती है। यू सी, चाहे सरकार बने चाहे सरकार गिरे, कोई भी गवर्नमेंट के किसी भी मिनिस्टर को देखो, कभी परेशान देखे हो क्या किसी को? हैव यू एवर सीन अ मिनिस्टर इन डिस्ट्रेस? यार क्या होगा, कभी नहीं। हमेशा एक मुस्कुराहट लिए घूमते हैं क्योंकि उनको पता है कि लोगों को कंट्रोल कैसे करना है। दे नो हाउ टू मेक थिंग्स एंड हाउ टू ब्रेक थिंग्स। ब्रिटिश सरकार को भी मालूम था कि लोगों को कंट्रोल कैसे करना है। दे न्यू दैट कि उनको रिझाना कैसे है और उनको मारना कैसे है, ये दोनों चीजों को पता है कि कैसे पटा ले और कैसे मारे। एंड दैट इज व्हाई दे अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ बी स्क्वायर, बाय द पीपल, या तो लोगों को खरीद लो और बीट द पीपल। ये प्रैक्टिकल रियलिटी है गाइस, आइदर बाय द पीपल और बीट द पीपल, या तो कैसे भी करके बाय देम विद व्हाट एवर दे नीड, बाय देम। 98% बिक जाएंगे, बाकी जो 2% बचे उनको मारो पटक के। ये गवर्नमेंट करती थी, फॉर्मूला ऑफ बी स्क्वायर। तो रिपन को पता है कि आम आदमी की नेसेसिटी है ये, सॉल्ट इज द नेसेसिटी ऑफ अ कॉमन मैन। और कॉमन मैन को चाहिए क्या? ऐसी चीज जिससे इसे फर्क पड़े। आज का आम आदमी क्या चाहेगा कि साहब बच्चों की फीस कम करा दो, साहब पेट्रोल सस्ता करा दो, साहब खाना जो है वो थोड़ा सस्ते दामों में राशन दिला दो। ये बेसिक नीड है जिससे उसको फर्क पड़ता है। उसको नहीं मतलब कि आप दुबई में क्या कर रहे हो, अफगानिस्तान में पार्लियामेंट बना रहे हो, है ना, ये सब मॉल बना रहे हो, एक्सप्रेस वे बना रहे हो, उससे उसको मतलब नहीं है।
उसको मतलब ये है कि उसकी जो नीड है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं. तो रिपन वॉज अवेयर अबाउट द नेसेसिटी ऑफ द कॉमन मैन एंड दस रिड्यूस द सॉल्ट ड्यूटी. उसने सॉल्ट ड्यूटी घटा दी एंड दिस ब्रॉट डाउन द सॉल्ट प्राइसेस. जहां 10 रुपए में नमक बिकता था अब 5 रुपए में बिक रहा है. वट ऑब्वियस दिस वुड be appreciated by the every community of India and this gave relief to common man. हालांकि ये बहुत बड़ा relief नहीं था, लेकिन तब भी it gave relief to a common man. है ना? I hope ये point आपको समझ में आ गया. And that is why you say government knows what to do and when. सब मिली भगत होती है. प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों को समझाने लगते हो. समझाना नहीं है, समझाने लगते हो ना. यही इसी वजह से 98% जनता परेशान है. 98% परेशान क्योंकि आप समझाने लगते हो और सामने वाला समझना नहीं चाहता है. And that is why you see two kind of people having the same thing. A room partner and life partner. दोनों ही खतरनाक. एक फेज होगा लाइफ का जब आप रूम पार्टनर होंगे और एक टाइम होगा जब लाइफ पार्टनर होंगे. और दोनों ही खतरनाक हैं. जहां आपने दोनों को समझाना शुरू किया आप गए. इट इज अ वेरी रेयर अचीवमेंट जब आपको रूम पार्टनर भी अपने हिसाब से मिल जाए और लाइफ पार्टनर भी आप अपने हिसाब से मिल जाए जो आपके हिसाब से या आपकी तरह सोचता हो. यू वुड नेवर गेट अ रूम पार्टनर जो आपकी तरह सोचता हो. यू कैन नो रेयरिटी ऑफ द रेयर केस यू कैन गेट अ लाइफ पार्टनर जो आपके जैसे सोचता हो. हमेशा कुछ ना कुछ इशू होते रहेंगे. And then, सेम मेंटालिटी का अगर मिल गया तो इससे बड़ा अचीवमेंट कोई दुनिया में है. क्यों? क्योंकि ये दोनों लोग आपको जिंदगी में बहुत परेशान करेंगे. अगर आप हॉस्टल में रहते हो या रहे हो तो आप ये चीज समझ सकते हो कि आप आईएएस की सपोज तैयारी कर रहे हो, है ना. आपने आप ला करके एक दिन बाबा अम्बेडकर की फोटो दीवार पे लगा दी. बाबा राव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर. आपका रूम पार्टनर घुसा रूम में और देखा फोटो और बोले यार गलत आदमी के साथ फंस गए. क्या करें अब. एंड देन ही स्टार्टेड अब्यूजिंग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. ये क्या फालतू आदमी फोटो लगाए, कुछ नहीं किया इसने देश के लिए. ही स्टार्टेड अब्यूजिंग डॉक्टर अम्बेडकर. और आप अगर बोल दो कि अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो, भगवान है हमारे, ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो उसको चाबी मिल गई. और जैसे ही आपने उसको चाबी दी वो आपके ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा. चाबी नहीं देनी है न रूम पार्टनर को न लाइफ पार्टनर को. क्योंकि जहां मौका मिला वो आदमी या योर ऑपोजिट स्पाउस वो चढ़ के बैठ जाएगा या बैठ जाएगी. तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या बोलो. अरे वो कुछ नहीं, वो सड़क पे नो पेंटिंग बड़ी जबरदस्त बिक रही थी, पेंटिंग बड़ी अच्छी लगी थी इसलिए उठा लाया था. वैसे तो बेकार आदमी थे डॉक्टर अम्बेडकर. कुछ नहीं, महावाहिया कुछ नहीं किया इन्होंने देश के लिए. सही कह रहे हो. तो उसको चाबी नहीं दी आपने. क्योंकि तो जहां उसको अपोज करोगे वहां वो आपको परेशान करेगा और झड़प होगी और रहना साथ में ही है दोनों को. तो चाबी मत दो. बोला बहुत फालतू आदमी थे, कुछ नहीं किया इन्होंने. और जिस दिन आईपीएस बन जाना है ना, उस दिन बोलना उस आदमी से, इधर आ भी, इधर आ, पिस्टल निकालो सर पे रखो उसके. बोलो क्या बोल रहे थे उस दिन तुम, डॉक्टर अम्बेडकर क्या है. उस दिन बोलेगा कि हुजूर पापा है हमारे, है ना. पावर. यू वुड बी एक्सप्लॉइटेड व्हेन यू आर नॉट इन पावर. But you will exploit when you are in power. दुनिया का नियम है हुजूर. So I hope आपको ये
तीनों के तीनों चीज समझ में आ गई, अमेंडमेंट ऑफ वर्नैक्युलर का सेट, हंटर कमीशन एंड रिडक्शन इन सॉल्ट ड्यूटी। अब चलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ओर। हर आम आदमी यही चीज एस्पायर कर रहा था कि किसी ना किसी तरह से कैसे गवर्नमेंट में हम एंटर करें, या अगर गवर्नमेंट देश को चला रही है तो हम किस तरह से उसमें भागीदार बने। एवरी इंडियन एस्पायर्ड फॉर अ शेयर इन पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अरे क्या हो गया, इतने सारे स्माइली क्यों भेज दिए? मजे करो, इतिहास की क्लास चल रही है। इधर ध्यान दो, इधर इधर गरिमा, हेमंत, अभिजीत, बलराम, इधर ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट LSG, पॉलिटी से लिंक है इसका। द बिगेस्ट एस्पिरेशन ऑफ इंडियंस हुएवर दे वर, दे ऑलवेज वांटेड अ शेयर इन पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। हमेशा से चाहते थे कि एक छोटे लेवल से ही सही, लेकिन हमें मौका तो दो, मत बनाओ IAS, लेकिन हमें मौका तो दो। एंड रिपन गिव द गिफ्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस टू इंडियंस, इन विच इंडियन वर गिवन द चार्ज ऑफ लोकल ऑटोनोमस बॉडी। एक बहुत ही छोटे स्तर पे इनको काम करने को मिल गया, लाइक म्युनिसिपल बोर्ड। अब देश नहीं चला रहे, म्युनिसिपल बोर्ड चला रहे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बहुत ही छोटे लेवल पे, जैसे पंचायत हुई है ना या म्युनिसिपैलिटी हुई, वो चला रहे हैं। तो बहुत ही छोटे लेवल पर एक शहर में ये शुरुआत होती है, लेकिन सबसे मजेदार बात क्या, ये पूरा का पूरा कंट्रोल खुद करते थे, ऑटोनोमस। और यहां से इंडियंस का पॉलिटिकल एक्सपोजर शुरू हो जाता है। तो अगर आप देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये जब बनी 1882 से, लोगों की एस्पिरेशन भी फुलफिल हो रही है और पॉलिटिकल एक्सपोजर भी बढ़ेगा, ये चीज मैनेज करना सीखेंगे। इंडियन वर गिवन द चार्ज ऑफ लोकल ऑटोनोमस बॉडी लाइक म्युनिसिपल बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। देन केम द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। अब एक तरफ लिट्टन था, जहां पे उसने आर्म्स एक्ट निकाला था, लोगों को भड़काया था। And over here you see First Factory Act 1881, जहां पे इसने कुछ लॉज निकाले। अब ये जितने भी लॉ होंगे ये ब्रिटिश अपने इंटरेस्ट के हिसाब से निकालेंगे, ताकि इनका इंटरेस्ट हमेशा मेंटेन रहे, है ना। कुछ लॉज निकाले, लेकिन ये दिखाएंगे कि देखिए हम आपके लिए कितना अच्छा कर रहे हैं। और आप एक बार इस पर नजर अगर डालेंगे तो खुद समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट के अंडर इसने तीन चीजें चेंज की, ही इंट्रोड्यूस थ्री लॉज, ठीक। एंड दीज लॉज अप्लाइड ओनली ऑन द यूनिट्स हैविंग मोर देन 100 वर्कर्स, मतलब मिडिल एंड लार्ज फैक्ट्रीज, जो बहुत ही छोटी है, माइक्रो इंडस्ट्रीज उसकी बात नहीं हो रही है, ऐसी फैक्ट्रीज पे ये लॉ लगाए गए जो कि 100 से ज्यादा वर्कर जिनमें हो। इफ यू आर हैविंग मोर देन 100 वर्कर तो ये लॉ अप्लाई करेगा। पहला क्लॉज, चिल्ड्रन बिलो 7 ईयर वर नॉट टू बी अपॉइंटेड एज लेबर। चाइल्ड लेबर बंद करने के लिए इसने चिल्ड्रन नॉट बिलो 7 ईयर्स वो कर सकते थे। अगर बच्चा 7 साल से छोटा है तो आप उसे फैक्ट्री में एज अ लेबर नहीं लगा सकते। दूसरा क्लॉज, फिक्स्ड वर्किंग आवर, तो मारपीट के ओवर टाइम नहीं करा सकते। 8 घंटा बोल के 18 घंटा काम करा रहे हो, जो होता था वो नहीं कर सकते। अगर 8 घंटा बोला मतलब 8 घंटा, 9 घंटा हुआ तो एक्स्ट्रा पैसा दो। तीसरा, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी वर्कर्स। लेबर यूनियन कुछ भी बने, ये जितने भी वर्कर हैं, इनकी प्रोटेक्शन का जिम्मेदार कौन है? इंडस्ट्रियलिस्ट। अगर कल को कुछ भी वर्कर को होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इंडस्ट्रियलिस्ट। तो अगर आप ये देखो तो वाकई में आपको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये रिफॉर्म समझ में आ रहे हैं कि नहीं।
कि 7 साल से छोटे बच्चे को फैक्ट्री में अपॉइंट नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, फिक्स्ड वर्किंग आवर मिल रहे तो लेबर एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो रहा है, और यहाँ पे वर्कर को प्रोटेक्शन मिल रहा है तो इनके फेवर में बात हो रही है। बट ऑब्वियस दीज वर वेरी गुड स्टेप्स, लेकिन हिडन एजेंडा कुछ और था। ऑल्दो रिपल डिक्लेयर्ड दैट दीज स्टेप्स वर टेकन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, बट ये तो उसने कहा लेकिन करना क्या चाहता था। अब आप एक चीज देखिए, his hidden agenda was to increase the pressure on Indian industrialists by increasing the labor cost, which in turn would increase the product value. कैसे? इस चीज को समझो। अगर देखो, अब जितने भी बच्चे थे ना फैक्ट्री में, जितने भी बच्चे काम करते थे, अब अगर मान लो आपको किसी एडल्ट को, अगर कोई मैन है या वुमेन है, अगर उसको मान लो दिहाड़ी का 100 रुपए देना होता था, तो बच्चे जो थे इनके साथ चीज क्या होती थी, इनको 10 रुपए दो और काम कर देते थे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट इंस्टेड ऑफ पेइंग 100 रुपीज टू अ पर्सन, दे यूज टू पे 10 रुपीज टू अ चाइल्ड, और इतने में ही ये काम करके चले जाते थे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा बचता था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब क्या हुआ कि 7 साल से छोटे बच्चे को आप नहीं लगा सकते, मतलब ये चीज आप नहीं कर पाओगे, मतलब आपको पैसा पूरा ही देना पड़ेगा। तो लेबर कॉस्ट बढ़ गई, यस और नो? फिर आप बोलते हो कि फिक्स्ड वर्किंग आवर है ना, तो मतलब अगर 100 रुपए आपको 8 घंटे के लिए देना है तो देना है। अब अगर 8 से ज्यादा कराया, क्योंकि 8 बोल करके 18 कराते थे, अब अगर 8 से ज्यादा कराया तो पर आवर आपको ओवर पे करना होगा, 120 रुपए, 140 रुपए, तो इसमें भी कॉस्ट बढ़ी। और ड्यूटी अगर है इंडस्ट्रियलिस्ट की टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वर्कर, तो प्रोटेक्शन के लिए अलग से फंड चाहिए होगा, तो यहां पे भी इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर पैसे का दबाव बढ़ा, कॉस्ट बढ़ी। अब एक चीज आप बताइए, अगर लेबर कॉस्ट बढ़ रही है ना, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, अगर लेबर को काम कराने की कॉस्ट बढ़ गई है, वर्किंग आवर्स को एक्स्ट्रा बोनस बढ़ रहा है, अगर आप देखो तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसको प्रोटेक्शन के लिए अगर कॉस्ट बढ़ रहा है, तो बट ऑब्वियस जो प्रोडक्ट होगा उसकी भी कॉस्ट बढ़ेगी। जो चीज 100 रुपए में बिकती थी अब 150 में बेचनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जितना पैसा होगा ये इंडस्ट्रियलिस्ट जेब से तो लगाएगा नहीं अपनी, बट ऑब्वियस उसको प्रोडक्ट में लगानी पड़ेगी। तो जो प्रोडक्ट 100 रुपए का बिक रहा है वो 150 का बिकेगा। तो अगर मान लो आप चीनी 100 रुपए की खरीद के लाते थे, अब 150 की बिक रही है, लेकिन वही अंग्रेज जो चीनी लेके आ रहे हैं, अब क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी मिनिमम है, वो 100 की 100 रुपए की ही बिक रही है। आर यू गेटिंग द आइडिया ऑफ द रियल गेम व्हाट ही प्लेड? कोई शर्ट है सपोज जो 1000 रुपए की है, अब वो 1500 की हो गई, लेकिन ब्रिटिश शर्ट जो लंदन में बनी है बढ़िया क्वालिटी की, वो 1000 में ही बिक रही है, तो आदमी ये खरीदेगा कि ये खरीदेगा? बट ऑब्वियस पर्सन वुड परचेज अ बेटर क्वालिटी एंड अ सस्ता शर्ट। तो ब्रिटिश गुड्स बिकेंगे। इनडायरेक्टली इस आदमी ने किया क्या, इंडियन प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ा दी ताकि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स बिके। अब आप देखो कितना बड़ा गेम खेला था इस आदमी ने। लिट्टन एक तरफ आकर के इंपोर्ट ड्यूटी घटा रहा है ताकि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स प्रमोट हो, और इसका दिमाग देखो एक वो बागड़ मिल रहा था, इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी तो इट फ्लडेड विद इंडियन मार्केट्स और लोग नाराज हो गए। लेकिन यहां पे ये कर क्या रहा है, इनडायरेक्टली बैकग्राउंड में ब्रिटिश प्रोडक्ट सेम वैल्यू पे है और इंडियन प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ा दी, लेकिन सामने से क्या दिख रहा है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में। ये चीज की वजह से ये चीज हो गई, और इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इस पर ध्यान दिया। क्या आदमी है, वाह बहुत बढ़िया, सही है, बहुत तारीफ की थी लोगों ने इस आदमी की।
लेकिन ये आदमी हमेशा अपना इंटरेस्ट कायम रखेगा, ब्रिटिश इंटरेस्ट कायम रखेगा, है ना। तो रिपन ऑल्दो डिक्लेयर्ड इट इज ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, बट द पर्पस वाज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑन इंडस्ट्रियलिस्ट एज बाय इंक्रीजिंग द लेबर कॉस्ट, इसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट की ही कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ब्रिटिश प्रोडक्ट की डिमांड होगी और इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड घट जाएगी, तो फायदा इनको होगा। बलराम जी लिख रहे हैं कि यस सर यू आर राइट, चाइना बायकॉट करने से कुछ नहीं होगा, इंडिया को अपनी क्वालिटी इंक्रीज और प्राइस कम करने की जरूरत है। अरे बलराम जी, चाइना बायकॉट की तो बात ही छोड़ी है, अगर हमने चाइना बायकॉट किया तो चाइना को फर्क नहीं पड़ेगा, हमें पड़ेगा, क्योंकि वी इंपोर्ट, अगर इंडस्ट्री में देखो तो 71% प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्ट्स का वो चाइना से आता है। इंडिया 71% कमोडिटीज चाइना से इंपोर्ट करती है, है ना, एंड चाइना इंपोर्ट्स 3% कमोडिटीज फ्रॉम इंडिया, है ना। तो हमने अगर बायकॉट चाइना किया ना तो हमारा ही नुकसान है, क्यों, क्योंकि हमें तो 3% का नुकसान होगा, तो चाइना को, सॉरी चाइना को तो 3% का नुकसान होगा, हमें 71% का होगा। सर ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं, रिवेटिंग द पॉइंट, चाइना इंपोर्ट 3% फ्रॉम इंडिया एंड वी इंपोर्ट 71% फ्रॉम चाइना, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। खैर मुद्दे हैं, लोग कुछ भी बोलते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, बायकॉट चाइना, अरे पूरा कर दो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवेज आई होप ये आपको डिक्लेयर्ड और हिडन एजेंडा समझ में आ गया, आई होप आपको ये पूरे के पूरे पांचों पॉइंट समझ में आ गए, है ना। तो जिन जिन तबकों को उस आदमी ने नाराज किया था, ये आकर के सबको खुश कर देगा, और इनडायरेक्टली क्या गेम खेलता है ये दिस इंटेलिजेंट मैन, और जो टारगेट था वो अचीव कर लिया, लोग खुश हैं, क्रांति दब गई, एवरीबडी इज बिजी। Ripple also went for financial decentralization and divided the revenue in three states or three parts, imperial head, provincial head and divided head, jaise hota na central list, state list and concurrent list, to waise hi imperial head matlab aisi revenue jo collect state jo center collect kar raha hai, provincial matlab jo revenue state collect kar raha hai, और divided matlab aisi jo revenue jo generate ho rahi hai jo divide hogi imperial aur provincial mein, इंपीरियल मतलब ब्रिटिश स्टेट्स एंड प्रोविंशियल मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो, ठीक है। तो बाय दिस ही लोअर्ड द बर्डन ऑन द सेंटर ऑफ मैनेजिंग द प्रोविंसेस। ये डिवीजन के बाद फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जब हुई तो सेंटर का हेडेक थोड़ा कम हुआ, स्टेट्स वगैरह भी इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। ही ऑल्सो कंडक्टेड द फर्स्ट रेगुलर सेंसस। अब आप बोलोगे नहीं सर, लॉर्ड मेयो ने किया था 1861, लॉर्ड मेयो ने पहली बार कंडक्ट कराया था, इस आदमी ने पहली बार रेगुलर सेंसस कराया है। लॉर्ड मेयो स्टार्टेड सेंसस, ही स्टार्टेड रेगुलर सेंसस, कि हर 10 साल 20 साल में ये चीज शुरू होगी। तो लॉर्ड मेयो के टाइम पे इतने बड़े पैमाने में नहीं हुआ और इतने बड़े रीजन में नहीं हुआ, जो सर्वे का एरिया था वो बहुत बड़ा नहीं था, इसके टाइम पे पूरे एरिया का सर्वे हुआ और एक नियमित रूप से रेगुलर तरीके से ये चीज शुरू हो गई थी। ही ऑल्सो रिटर्न बैक द स्टेट ऑफ मैसूर टू द ओरिजिनल डायनेस्टी। ये बहुत बड़ा इवेंट था, अभी हम लोग ने मैसूर के बारे में पढ़ा, टीपू सुल्तान हैदर अली उसको वापस देना पड़ा क्योंकि मैसूर ये संभाल नहीं पा रहे थे, और ये जो रीजन है, आई टोल्ड यू, डेक्कन का एरिया है साउथ इंडिया का, जिसे आप जहाँ पे उठापटक ज्यादा रहती है, यू कैन कंट्रोल अ टेरिटरी इन द नॉर्थ बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल अ टेरिटरी ऑफ साउथ, तो मैसूर इसको वापस दे देंगे। ये गवर्नमेंट वॉज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ द सदर्न स्टेट, तो यहाँ जब रिवोल्ट हुआ वो हटाओ खत्म करो नहीं चाहिए। His era
प्रूव टू बी एन आइडियल एरा फॉर फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया बिकॉज ऑफ द एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी. सीपी एल्बर्ट एक आर्मी का नाम है, बिहारी लाल गुप्ता एक जज का नाम है. सीपी एल्बर्ट इज अ लॉ मेंबर ऑफ द वॉइसराइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो ये लॉ मिनिस्टर के जैसा है समझ लो. और बिहारी लाल गुप्ता एक ऐसे जज हैं जो कि रूरल एरिया से प्रमोट होकर के अर्बन एरिया में आ गए थे. इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये एल्बर्ट बिल क्यों, क्योंकि सीपी एल्बर्ट ने इस बिल को प्रोमोलगेट किया था पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इसे एल्बर्ट बिल बोलते थे. ये कॉन्ट्रोवर्सी क्या थी और क्यों हुई थी, इसको डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन वी वुड डिस्कस अबाउट द एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी. अब ये बताइए कि ब्रेक कितने मिनट का हो, लंच ब्रेक चाहिए ना, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, कितना देर, कितने मिनट का ब्रेक चाहिए, फटाफट कमेंट करिए और बताइए. और उसके बाद ब्रेक के बाद आकर के एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी डिस्कस करेंगे. अभिजीत से 30 मिनट और, फटाफट बताओ गाइस कितना बच रहा है अभी, इट्स ऑलमोस्ट टू आई बिलीव. जेरी से 45 मिनट्स, ओके ले लो टाइम ले लो, मतलब ये है कि बस फिर तीन क्लास जो है वो तीन की जगह 3:15 खत्म होगी, तो डिलेड ब्रेक तो दैट इज नॉट एन इशू, क्लास थोड़ा सा नो आगे बढ़ जाती है, बट ठीक है. बोला अरे 2:30 बजे, अच्छा 30 मिनट और बताइए, और कोई है बाकी, हेमंत कहाँ गए, हेमंत बेहोश हो गई क्या. बाकी जो लोग ऑनलाइन है वो कितना टाइम चाहिए ब्रेक का, चलो ना आपकी ना मेरी 2:45 पे मिलते हैं, ठीक. आज यही बात मान ली मैंने, ठीक है 2:45 ऑलमोस्ट इट्स 2, लेट्स ग्रैब लंच एंड देन वील गेट बैक एट 2:45, ओके. ठीक है 2:45 इट इज, सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक. ठीक है 2:45, मैं रिपीट कर रहा हूं 2:45 PM, 45 मिनट. हाय गाइस वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आई होप देर इज नो इश्यूज विद द वीडियो एज वेल एज द ऑडियो. आई जस्ट found out that my video stream was paused. Welcome back after the break. Balram is here, Jenny is here. Acha, ab theek hai na? Abhijit, all clear now. Good afternoon. I think there is no lag in the video. I think my voice is clear to you. आपने बताया नहीं कि no, the voice in between the session was not clear. थोड़ी सी आवाज echo कर रही थी क्योंकि जो मेरा mic है उसका जो jack है that was improperly inserted. So you might have issues hearing me. अक्षेश पूछ रहे हैं कि कितने session निकल गए आज के सर, आज का कितना session निकला है दोस्त, अभी break लिया था हमने. हम लोगों ने लॉर्ड लिट्टन और लॉर्ड रिपन के बारे में डिस्कस किया है और अब हम एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं. अक्षेश ठीक है, हेमंत इज हियर, बलराम इज हियर, अक्षेश हैव जॉइंड अस, जेनी इज हियर, कई सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है नेट की, क्योंकि अभी हो गई थी 5-10 मिनट पहले द सर्वर वॉज इंट रेस्पॉन्डिंग, तो इस तरह के ग्लिचेज होते रहते हैं. अगर वीडियो रुकता है तो बता दीजिएगा ना? हम स्टडी पर फोकस कर रहे थे, अच्छा. कोई बात नहीं, लेकिन होता है कभी कभी नो वॉइस क्वालिटी उतनी अच्छी होती नहीं है, आवाज जो है वो एको कर रही होती है, गूंजने लगती है,
That is the thing when the mic hasn't been inserted properly into the audio port, है ना? कोई बात नहीं, तो मुझे लगता है कि जो चीज मैंने समझाई थी आपको, you have grabbed that. और नेटवर्क का इशू नहीं है. चलो ठीक है, तो हम लोग रिपन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना? और उसमें एक फेज आता है जहां पे मैंने रिपन के इंट्रोडक्शन में एक लाइन लिखी थी, इस एरा प्रूव टू बी द आइडियल एरा फॉर फ्रीडम स्ट्रगल. वो लाइन को जस्टिफाई करने के लिए आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी, विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिपन. और अगर आप ये देखिए, दिस वॉज अ कॉन्ट्रोवर्सी विच यू नो स्टार्टेड इन 1883 का टाइम था. और अगर आपको इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी अगर नहीं समझ में आती, तो आप ये कभी नहीं जान पाएंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी क्यों थी. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ इल्बर्ट सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो आईएनसी की बैकग्राउंड समझने के लिए आपको ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है. दिस इज द लिंक जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एजिटेशन होगा. दो चीजें यहाँ पे इंडियन नो सीखने को मिलेगी इंडियंस को, और उसी का फायदा उठा करके ये फिर आगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे. अब एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा कि यहाँ पे हुआ क्या था उस टाइम पे. 1860s के अगर आप बात देखें, है ना, बिफोर आईपीसी वॉज इंट्रोड्यूस इन 1861, तो उस टाइम का जो दौर था अगर आप देखिए, तो दो तरह के कोर्ट होते थे, रूरल और अर्बन. देयर वॉज अ रूरल कोर्ट एंड देयर वॉज अर्बन कोर्ट. अब इशू क्या था कि रूरल कोर्ट में इंडियंस थे और अर्बन कोर्ट में यूरोपियंस बैठे थे. ठीक, इशू ये था कि रूरल कोर्ट में किसी भी फॉरेनर को ट्रायल पे नहीं रखा जा सकता था. अ फॉरेनर कैनॉट बी ट्राइड इन अ रूरल कोर्ट. फॉरेनर को हमेशा अर्बन कोर्ट में ट्रायल किया जाता था. क्यों? क्योंकि ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि किसी भी फॉरेनर को इंडियन जज सजा दे. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो नो फॉरेनर वॉज ट्राइड इन रूरल कोर्ट and Indian judges was not given the power to convict a foreigner. ठीक, लेकिन आगे चल करके 1861 में आईपीसी आ जाती है, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, सीआरपीसी. तो आईपीसी आ जाती है, आईपीसी जब आती है तो देर इज अ लीगल यूनिफॉर्मिटी. तो ये जो चीज थी ये यूनिफॉर्म हो जाती है. और फिर देखा जाता है कि कई सारे इंडियन, ध्यान से सुनना गाइस, कई सारे इंडियन जजेस अर्बन कोर्ट में प्रमोट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस यूनिफॉर्मिटी. मेनी इंडियन जजेस वर प्रमोटेड टू अर्बन कोर्ट्स. ठीक है, आई होप ये आपको चीज समझ में आ रही है. पहले इंडियन सिर्फ रूरल में थे, यूरोपियन सिर्फ अर्बन में थे, लेकिन यूनिफॉर्मिटी आने के बाद इंडियंस भी अर्बन कोर्ट में आने लगे. अब प्रॉब्लम क्या थी कि चलो यहां इंडियंस आ तो गए, लेकिन अभी भी इंडियन जज कैनॉट ट्राई अ फॉरेन यूरोपियन ऑफेंडर. तो एक जज था बिहारी लाल गुप्ता, है ना? बिहारी लाल गुप्ता वॉज अ इंडियन जज हु वॉज प्रमोटेड फ्रॉम अ रूरल कोर्ट टू द सेशन कोर्ट. अर्बन कोर्ट में आ गए, लेकिन बिहारी लाल गुप्ता को पावर नहीं दी कि भाई वो यूरोपियन ऑफेंडर को ट्रायल पे ला सके. तो इसको लगा यार दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रमोशन जिसमें आपको प्रमोट तो कर दिया गया लेकिन आपकी पावर नहीं बढ़ाई, है ना? इट इज सेम लाइक एक हवलदार को एसएसपी का चार्ज दे दिया, है ना, या हवलदार को एसपी सिटी बना दिया, है ना, लेकिन बोला क्या कि भैया तुम डंडा लेकर के वही बैठोगे दरवाजे के पास. हवलदार को लगेगा प्रमोशन किस नाम का, पहले भी यही काम करते थे, तो नई चीज क्या है? तो प्रमोशन विदाउट पावर इज यूजलेस. तो बिहारी लाल गुप्ता को भी यही लगता था कि मैं गांव से शहर में आ गया लेकिन मुझे अभी भी पावर नहीं दी कि यूरोपियन ऑफेंडर को मैं ट्रायल कर सकूं. और इसलिए बिहारी लाल गुप्ता ने एक चिट्ठी लिखी,
और जो कैलकटा में जो गवर्नर था उस टाइम, उसको ये लेटर एड्रेस किया, तो उसको लगा कि यार बात तो सही है ना, ये भाई इंडियन है, प्रमोट हुआ है, तो अर्बन कोर्ट में आ गया, तो अब इसे भी पावर होनी चाहिए। ये लेटर उठा करके रिपन को सबमिट किया गया, तो रिपन को भी लगा कि यार बात तो सही कह रहा है कि पावर नो, प्रमोशन विदाउट पावर इज यूजलेस। रिपन ने उठा करके इसको सीपी इल्बर्ट को दे दिया। सीपी इल्बर्ट वॉज दी लॉ मेंबर ऑफ वॉयसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और सीपी इल्बर्ट ने उठा करके इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया। और जैसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बिल आया, बिल, वैसे ही यहां हड़कंप मचने लगा। और यहां हुआ क्या, ये कहानी आपको समझ में आई ना? देखिए, यही कहानी यहां लिखी हुई है कि बिफोर 1861 देर वर टू टाइप्स ऑफ लॉ, दो तरह के लॉ होते थे, मुगल लॉ रूरल कोर्ट में, ब्रिटिश लॉ अर्बन कोर्ट में। ठीक, अब इसीलिए रूरल रीजन्स में इंडियंस को रखते थे क्योंकि मुगल लॉ जानते थे वो, तो उनको कोई दिक्कत नहीं। अर्बन रीजन में हमेशा यूरोपियंस होते थे क्योंकि ब्रिटिश लॉ यूरोपियंस जानते थे। बिकॉज ऑफ दिस एनोमली इन द लीगल सिस्टम, यूरोपियन ऑफेंडर वॉज नॉट पुट टू ट्रायल ऑन अ रूरल कोर्ट, कोई भी यूरोपियन ऑफेंडर रूरल कोर्ट में नहीं जाएगा। एंड इंडियन जज वॉज नॉट अपॉइंटेड इन अर्बन कोर्ट। अब क्योंकि यहां ब्रिटिश लॉज हैं तो यहां का आदमी यहां जा नहीं सकता। दस एन इंडियन जज के नॉट पीनलाइज अ यूरोपियन ऑफेंडर, बट इन 1861 आईपीसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच लेड टू लीगल यूनिफॉर्मिटी इंडिया। सब बराबर हो गया, फिर यूनिफॉर्मिटी आ गई। और इस सरकमस्टांस में एक इंडियन जज था जिसका नाम बिहारी लाल गुप्ता था, ये रूरल कोर्ट से प्रमोट होकर के सेशन कोर्ट में आ गए, मतलब रूरल कोर्ट से अब अर्बन कोर्ट में आ गए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिपन। बट ही स्टिल लैक्ड द राइट टू पनिश एन यूरोपियन ऑफेंडर। बिहारी लाल गुप्ता मेड एन अपील टू द गवर्नर ऑफ बंगाल दैट प्रमोशन विदाउट इंक्रीज इन राइट्स इज यूजलेस। तो इसको लगा यार बात तो सही कह रहा है ना, क्योंकि प्रमोशन तो हो गया लेकिन राइट्स नहीं मिले। अभी भी यूरोपियन ऑफेंडर को इंडियन जज पनिश नहीं कर सकता था। एंड दिस वॉज अंडरस्टूड बाय रिपन ऑल्सो। हाँ भाई बात तो सही कह रहा है। रिपन ने ये लेटर उठा करके फॉरवर्ड कर दिया सीपी इल्बर्ट को, हु वाज द लॉ मेंबर ऑफ द वॉयसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, हु प्रेजेंटेड इट एज अ बिल इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसीलिए इसको इल्बर्ट बिल बोला, क्योंकि सीपी इल्बर्ट ने इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठाकर पेश किया। ठीक, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बिल वॉज टू ब्रिंग इंडियन जजेस एट पार विद यूरोपियन जजेस। तो ये जो बिल पेश किया जा रहा है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडियन जजेस को यूरोपियन जजेस के बराबर का दर्जा दिया जाए, कि इंडियन जजेस भी अब यूरोपियन ऑफेंडर को ट्रायल पे ले सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से एक कंट्रोवर्सी हो गई। यू सी, कभी भी कोई भी पावरफुल तबका जो होता है ना, दे वुड नॉट वॉन्ट टू बी जज बाय अ वीकर सेक्शन, बिकॉज जस्टिस इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ पावर, है ना। कभी भी एक मजबूत आदमी किसी कमजोर आदमी के, ये नहीं चाहेगा कि कमजोर आदमी इसको जज करे, है ना। आप मान लीजिए आईएएस है, आपकी वाइफ आईपीएस है, और आप दोनों मियां बीवी में झगड़ा हुआ, है ना, यू आर एन आईएएस, योर वाइफ इज एन आईपीएस, और आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, और आपका ड्राइवर चिल्ला के बोलता है कि मियां बीवी का झगड़ा हम सॉल्व करेंगे, ये ड्राइवर बहुत पटक के मारा जाने वाला है ना। क्योंकि पावरफुल तबका कभी भी नहीं चाहेगा कि उसको एक वीक सेक्शन का आदमी जज करे। तो अगर इस सिनेरियो में होता भी है, अगर ये ड्राइवर कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश करता भी है, तो ये फंसेगा। क्यों? क्योंकि अगर इस ड्राइवर ने आपकी साइड ली तो सीधे एनकाउंटर, क्योंकि वाइफ आईपीएस है, एनकाउंटर हो जाएगा इनका।
और अगर इस ड्राइवर ने आपकी वाइफ की साइड ली तो डिसमिसल, पूरे शहर से निकाल दिए जाएंगे क्योंकि आप आईएएस हैं। मोटा मोटा बात यही है कि जस्टिस इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ पावर, है ना, और कोई भी नो मजबूत तबका वो कभी भी नहीं चाहेगा कि कमजोर तबका उसे जज करे। यूरोपियंस के साथ भी यही था, ब्रिटिशर्स यूरोपियंस ये कभी भी नहीं चाहते थे कि इंडियंस इन्हें जज करें। और इस बिल का आप ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिए, इंडियन जजेस टू बी पार एट यूरोपियन जजेस। अगर ये हो जाए तो किसी भी यूरोपियन ऑफेंडर को इंडियन जज सजा दे सकता है, मतलब पावरफुल तबके को अब कमजोर तबका सजा देगा। ये पॉसिबल था क्या उस समय? नहीं। द मोमेंट इट वॉज डिस्कस्ड एंटायर वाइट्स द यूरोपियंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस यूनाइटेड एंड अब्यूज द इंडियंस। जैसे ही ये बिल सामने रखा गया विद द ऑब्जेक्टिव टू गिव पावर टू द इंडियन जजेस, ये सब यूनाइट हो गए irrespective of their difference, कि कौन से पार्टी का कौन है, कौन लिबरल है, कौन डेमोक्रेट है, कोई नहीं, सब एक साथ खड़े हुए and they started abusing the Indian, कि इतनी हिम्मत इनकी, हमने इनको रोटी दी, हमने इनको कपड़ा दिया और अब ये हमको जज करेंगे, they are asking for power, ये हमारे बराबर आना चाहेंगे। क्योंकि अब देखिए हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ ऐसा, जब आर्यंस यहां इन्वेड किए थे तो इंडियंस जो यहां पे पहले थे उनको दस्यु कहा गया। Aryans never gave any respect to these Dasyus. हमेशा दबा के रखा था। तो जब कभी भी आप पे कोई कब्जा करता है वो कभी भी आपको बराबरी का दर्जा तो देगा ही नहीं। तो जितने यूरोपियंस थे they started abusing the Indians की ये these black people these nigger ये सुअर ये हमको जज करेंगे एंड देन इस बिल को फाड़ दिया गया कि कोई बराबरी नहीं, ये इनका ये है ही नहीं कि हमारे बराबर आ सके। दीज बारबेरियंस दे आर ट्राइंग टू लेवल पार विद अस। और इस वजह से रिपन को भी रिजाइन करने पे मजबूर किया गया कि तुमने इस बिल को हमारे यहां तक आने दिया कैसे, तुम्हें यही रोक देना चाहिए था। एंड दैट इज व्हाई फाइनली रिपन वाज कंपेल्ड टू अमेंड द बिल एंड देन रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वाइसरॉय। और ये सब कुछ गिल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि गिल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या था, पहले क्या चीज यूनिफॉर्म नहीं थी, बाद में कैसे यूनिफॉर्म हुई, बिहारी लाल गुप्ता कौन थे और ये क्या चाहते थे, है ना? और ये चीज में रिपन और सीपी एल्बर्ट का क्या रोल था, इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या था और क्यों जितने यूरोपियंस थे वो यूनाइट हो गए और फिर रिपन को रिजाइन करना पड़ा, है ना? इससे इंडियंस को दो चीज सीखने को मिली एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीज यहां इंडियंस को सीखने की मिली। पहली, रेशियल एटीट्यूड ऑफ द व्हाइट कम्युनिटी कि ये काला गोरा में मतभेद करते हैं, है ना, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, तो रेशियल एटीट्यूड है, ये समझ में आया कि इंडियंस को ये कभी भी बराबर नहीं मानते। उनको ये समझ में आया कि अभी तक इन्होंने हमें कुछ दिया क्यों नहीं, क्योंकि इनको कभी बराबरी का दर्जा ही नहीं मिला। ठीक, दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनको समझ में आया द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी विच बिकेम द इंस्पिरेशन टू द इंडियंस। यूनाइट अगर हो गए हम, एज ये जितने वाइट्स थे यूरोपियंस ये सब यूनाइट होके आवाज उठाए थे, इस बिल को पास नहीं होने दिया, तो अगर हम ऐसे यूनाइट हो जाए तो हम भी ब्रिटिश सरकार को काम करने नहीं देंगे। आर यू गेटिंग द आइडिया? दिस importance of unity was a lesson from this Ilbert Bill controversy.
अगर ये बिल पास नहीं होने दे सकते तो हम भी यूनाइट होके कोई भी बिल पास नहीं होने देंगे और ब्रिटिश को काम करने ही नहीं देंगे। और इसी वजह से आप देखोगे कि नेशनल कन्वेंशन बनता है जहाँ पे एस एन बनर्जी कई सारे लोगों को बुलाते हैं, बोले आजा भाई बात करते हैं, है ना। 1883 में नेशनल कन्वेंशन बनेगा जहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स भले ही कोई भी पार्टी के हों सबको बुला करके बैठाएंगे एस एन बनर्जी और बात करेंगे, ये चीज़ समझाएंगे कि हमें यूनाइट होना पड़ेगा, हमें नो एकता में ही शक्ति है। और ये जो लेसन है यूनिटी का, यहां से आप देखोगे चीजें बदलनी शुरू होंगी। दिस लेड टू द बिगनिंग ऑफ नेशनल कन्वेंशन इन इंडिया विच वॉज एन अटेम्प्ट ऑफ द इंडियंस टू डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस। गाइस अभी तक जितनी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी वो सब लोकल लेवल पे थी, कोई मद्रास में, कोई कैलकटा में, है ना, कोई लंदन में। लेकिन पहली बार एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात हुई, a very important turning point in history. Yeah. It was an attempt to discuss. ये यहां से unity का lesson लेकर के discussion शुरू करते हैं, all India organization की बात करते हैं, as they were highly inspired by the unity of the Europeans. Evidence मिल गया ना as its outcome. और इसी वजह से आप देखो national convention की वजह से national fund मिला। क्यों नेशनल फंड बनेगा कैसे? क्योंकि भैया सॉरी, क्योंकि अगर आप की कोई पार्टी है, कुछ काम करना है तो पैसा तो चाहिए, तो फंड की तो जरूरत है ही है। यहां पे फंडिंग कौन करेगा? हु वुड फंड दीज पीपल? दीज पीपल वुड बी फंडेड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट। क्योंकि अगर आपको याद हो तो इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज थे लिट्टन से, वो याद है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रेलवे रेवोल्यूशन गेव राइज टू पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। तो मैंने बताया था दे स्टार्टेड बैकिंग पॉलिटिकल पार्टीज कि अंग्रेजों को भगाओ यहाँ से। तो ये जो पैसा है ना ये इंडस्ट्रियलिस्ट दे देंगे। और यहाँ पैसा बन गया, लोग मौजूद हैं तो एक पार्टी बन जाएगी। एंड दैट इज व्हाई यू सी अंडर द लीडरशिप ऑफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये नेशनल फंड बनता है। इंडियन एसोसिएशन जैसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती है और एक यूनाइटेड अप्रोच रखती है। पहली बार यूनाइटेड अप्रोच आई है फ्रीडम स्ट्रगल में, यूनाइटेड अप्रोच एंड ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। अब फंड बन गया तो नेशनल फंड के बाद आप देखोगे कि नेशनल कांग्रेस भी आ जाएगी 1885। एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि अगर आपको बिहारी लाल गुप्ता केस नहीं समझ में आया तो आप ये यूनिटी नहीं समझ पाओगे कि इंस्पिरेशन मिली कैसे, और अगर ये नहीं समझे तो ये नहीं समझ पाओगे कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी, और अगर ये नहीं समझे तो ये नहीं समझोगे कि ये फंड कैसे बना और INC कैसे बनी 1885 में। तो बैकग्राउंड इसका यहां से रिलेटेड है। आई होप यू गॉट इट, समझ में आ गई चीज। अक्षेश ने शायद कुछ क्वेश्चन पूछा है। अरे बाप रे बाप, अरे ऐसे मत डरो भाई, माय फैमिली आल्सो टॉक्स अबाउट सर्स वॉइस, वॉइस इज वेरी गुड। अच्छा आप सिंगर बन जाइए, योर वॉइस इज सो स्वीट। ओ थैंक यू, बोल बोल के गला खराब हो जाता है। अगर ये चीज शुरू में बोले होते तो शायद मान भी लेता, बट आई एम नॉट श्योर। मुझे तो लगता है मेरी आवाज और हार्श हो गई है। माई टेकिंग क्लासेस ओवर द इयर्स, 7-8 साल से बोल बोल करके आवाज की बैंड बजी हुई है। एनीवेज अक्षेश, ब्रिटिश ने पर्सनल लॉज बनाते टाइम मनुस्मृति के हिंदू लॉज के लिए फतवा आलमगिरी मुस्लिम्स के लिए इन बुक्स के कोई सजेशन लिए थे? इसका IPC 1861 है अक्षेश, 1860 पे कोई इफेक्ट हुआ था क्या? बिल्कुल। अब IPC जो है इसका जेनेसिस आप देखोगे अगर, तो बैकग्राउंड, अब इम्प्लीमेंटेशन करना कहाँ है इंडिया में, अब हिंदुओं को सजा कैसे देनी है, मुस्लिम्स को सजा कैसे देनी है, जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक कॉमन चीज नहीं समझ पाओगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। क्योंकि IPC में
कॉमन लॉ था, आईपीसी डजंट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, अक्षेश, है ना, कि आप हिंदू हैं तो आपके लिए अलग लॉ है, मुस्लिम है तो अलग लॉ है, नहीं, वो कॉमन प्लेटफॉर्म होता है। तो दोनों चीजों को जब समझोगे तभी तो आप उस चीज पे कॉमन प्लेटफॉर्म बना पाओगे, है ना। तो बट ऑब्वियस इसका फायदा हुआ ही था, और मनुस्मृति में जितने जेंटू लॉस थे उसको इन्होंने देखा, फतवा आलमगीरी में जो मुगल इस्लामिक लॉस थे, जो शरीयत कानून था, उसे भी इन्होंने पढ़ा, और फिर एक कॉमन प्लेटफॉर्म लेकर के ये आए थे आईपीसी में, इंडिया में। ठीक है, जो आईपीसी इंडिया में लगा वो एग्जैक्टली ब्रिटिश लॉ के जैसा नहीं था। ब्रिटिश लॉ में वहां की सोसाइटी के हिसाब से अलग लॉस थे, और इंडिया में अलग लेवल पे उसका इंप्लीमेंटेशन होता था, लेकिन दे बोथ वर मॉडर्न, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, तो आई होप यहां तक चीज समझ में आ रही है आपको। क्या बात है, सेम सिचुएशन इन एंशिएंट इंडिया व्हेन न्यू रिलीजन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाज फंडेड बाय बिजनेसमैन। क्या गजब की चीज लिखी है बलराम, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अच्छा, हो सकता है एक्चुअली, बिकॉज पॉलिटी थोड़ा मिस हो रहा है। 1860, आई रिमेम्बर 1861। चलो ठीक है, बहुत साल हो गए पॉलिटी पढ़े हुए, कोई बात नहीं, 1860 ही होगा फिर, है ना। एंशियंट इंडिया में बुद्धिज्म जैनिज्म को फंड किया था, यस बलराम। अनाथ पिंडित नाम का एक आदमी था जिसने पूरा का पूरा श्रावस्ती शहर उठा करके दे दिया था गौतम बुद्धा को, है ना। यू वुड सी नो, अनाथ पंडित श्रावस्ती का रीजन जो है वो कंट्रोल करते थे, और गौतम बुद्धा से काफी इंस्पायर्ड थे। वो बोलते थे, बड़ा अच्छा बोलते हो यार, तुम यहीं बैठो, ये पूरा शहर तुम्हारा, पूरा शहर खरीद के दे दिया था। इंडस्ट्रियलिस्ट थे अनाथ पंडित, बहुत अच्छा बोलते हो यार, यहाँ बैठो और खूब प्रवचन दो। इसीलिए देखोगे आप ये गौतम बुद्ध के मेजोरिटी जो उपदेश है वो श्रावस्ती में थे, है ना। और ऐसे ही एक इंडस्ट्रियलिस्ट था बनारस का, यश, उसने भी काफी प्रमोट किया था बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों को। तो इंडस्ट्रियल होता है, अब ये रिलीजन की बात अलग है, पॉलिटिक्स की बात अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत होना बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन आपको चीज समझ में आ रही होगी कि पॉलिटिकल नेक्सस हेल्पिंग इन इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक इंडस्ट्रियलिस्ट हेल्पिंग द पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये नेक्सस होता है, हमेशा से चला आ रहा है, आज की बात नहीं है। तो 1885 में क्या हुआ, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है। ठीक है, अब ये बनी क्यों, ये तो आपको समझ में आया क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे बात हो रही थी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडियंस लर्न्ड द लेसन ऑफ यूनिटी फ्रॉम इलबर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी। ठीक, द ओरिजिनल नेम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इंडियन नेशनल यूनियन, जो बाद में कई सारे और मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मर्ज होकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है, जिसके आज CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी के हेड श्री श्री 108 बार परम पूजनीय राहुल गांधी जी हैं। तो जो राहुल गांधी की कांग्रेस है वो वही है ये। ठीक, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज लेटर मर्ज विद अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड वॉज लेटर नोन एज INC, ये मैं बताया। अच्छा, अब इसकी कुछ फैक्ट्स हैं, देखो अब ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड जान लो। इट्स इन इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ व्योमकेश चंद्र बनर्जी। तो ये व्योमेश चंद्र, WC बनर्जी जिसे लिखा जाता है, तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। गोकुल दास तेजपाल कॉलेज में हुआ था बॉम्बे में, इसका पहला सेशन जिसे बैठक कही जाएगी हिंदी में, तो पहली बैठक सेशन कांग्रेस का यहां हुआ था। एक साल में एक बार मीटिंग होती थी और डिसाइड करते थे कांग्रेसमैन की आगे का क्या होगा, साल में 2-3 दिन के लिए बैठते थे और डिस्कस करते थे कि फ्यूचर ऑफ इंडिया कैसे क्या किया जाए। ठीक है, लीडरशिप ऑफ व्योमेश चंद्र बैनर्जी, गोकुल दास तेजपाल कॉलेज एट बॉम्बे। अब प्लान बॉम्बे का नहीं था, प्लान पुणे का था, है ना। पहली बार जब डिसाइड किया कि मीटिंग होगी 1885 में, तो पुणे में थी, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया था उस टाइम, है ना, और इस वजह से इस वेन्यू को शिफ्ट करना पड़ा था। द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस, अब उस टाइम 72 डेलीगेट्स थे, 72 पीपल अटेंडेड द मीटिंग, जिनकी फोटोग्राफ नीचे आप देख सकते हो,
And this was the beginning of the freedom struggle in India. और एक बहुत ही छोटे और हेजिटेंट ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या चीज नई हो रही है, पहली बार ऑल इंडिया आ रही है एक चीज, रीजनल लेवल पे नहीं, ऑल इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन आई। दूसरी चीज, यहां ये सब चीजें ऑर्गेनाइज्ड होंगी, नेशनल लीडर आ रहे हैं, और इस तरह से ये जो ग्रुप बनता है ये आगे चल करके आजादी दिलाएगा 1947 में। ठीक, अब कांग्रेस को अगर देखो आप, तो कांग्रेस के तीन मोटे मोटे फेज देखेंगे आपको। ठीक है, पहला फेज होगा मॉडरेट्स का। अब कांग्रेस में हुआ क्या, ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आए कहां से, नरमपंथी चरमपंथी दल आए कहां से। अब जितने भी लोग हैं इनको देखो कितने सारे हैं, है ना। प्रॉब्लम ये हुई कि विद द कोर्स ऑफ टाइम, तुरंत नहीं आगे चल के, अभी नहीं हो रहा है, आगे चल करके इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल क्लैशेस आने लगे, है ना। कुछ लोग ऐसे थे जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे फेथ रखते थे, और कुछ ऐसे थे जो बोलते थे नहीं नहीं अंग्रेज तो हमारे लिए कुछ नहीं करते, हमको आजादी कह के लेनी पड़ेगी, छीनेंगे हम आजादी। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आया, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, है ना। पार्टी सेम है, ऐसा नहीं पार्टी टूट गई, पार्टी वही है, लेकिन पार्टी में दो अलग अलग सोच रखने वाले ग्रुप्स निकल के सामने आए थे, विचारधारा दोनों की अलग थी, द वे ऑफ थिंकिंग वॉज डिफरेंट। वन वॉज मॉडरेट हु वर द लिबरल ग्रुप, एंड वन वॉज द एक्सट्रीमिस्ट हु वर द ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ अ ग्रुप, है ना। तो यहां विचारधारा का डिफरेंस है खाली, आइडियोलॉजी अलग है, बाकी है इसी पार्टी के ही लोग और इसी में रह के काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले फेज में आप देखेंगे मॉडरेट्स, जितने भी सीनियर लीडर्स थे, जितने भी सीनियर लीडर्स थे आपके, तेज बहादुर सापरू, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये सारे मॉडरेट्स थे। कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट कहलाएंगे, जिनकी आइडियोलॉजी इनसे थोड़ी अलग थी, दे हैड फेथ इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, दे डिड नॉट। इसमें लाल बाल पाल, ये तीन नाम याद रखना, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, है ना। और एक आदमी को और याद रखना, अरविंदो घोष। ये चार लोग एक्सट्रीमिस्ट लीडर, मेजर एक्सट्रीमिस्ट लीडर होंगे, ठीक है। बाकी जितने होंगे सब मॉडरेट सीधे। जो सोचने वाली बात है और जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये जो कांग्रेस का फर्स्ट फेज था, ये एक बच्चे के जैसा है, दिस वॉज लाइक कांग्रेस एज अ चाइल्ड, और ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये धीरे धीरे समझदार हो रही है। तो पहले फेज में आप एक बच्चे के जैसे इसको देखोगे, दूसरे फेज में आप इसको एक यूथ के जैसे देखोगे, है ना, और तीसरे फेज में आप एक समझदार आदमी एडल्ट के जैसे इसको देखोगे। जैसे बच्चा कुछ भी हरकत करता है, यू नो एक्सपेक्टेशन होती है, चीजें मांगता है, जिद करता है, जिद्दी, वो चीज आप देखोगे। अब यूथ को देखोगे, उधम मचाएगा, कूदेगा फांदेगा, है ना, इधर उधर की चीज करेगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, तिलक एरा स्पेशली 1913 से लेकर आगे का तक का, बाकी नो गांधी जी के आने के पहले रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज देखोगे आप, इसमें स्वदेशी मूवमेंट देखोगे इसमें। तो ये यूथ का एरा था, जिस तरह से एक यूथ होती है वैसे ही एक यूथ के फेज में थी कांग्रेस, और फिर समझदारी आती है उम्र के साथ, कैसे ब्रिटिश के साथ खेलना है। आगे चल के कांग्रेस गेम खेलती है ब्रिटिश के साथ, देखेंगे, बड़ा मस्त गेम था वो। अब बस ये समझिए कि ये जो फेज है, दैट इज द फेज बिटवीन 1885 से लेकर के 1905 तक, बेसिकली जब तक करजन था तब तक। एक्सट्रीमिस्ट एक्टिव हो जाएंगे 1905 से लेकर के 1916 तक, लखनऊ पैक्ट तक, ठीक, और गांधी जी 1916 से लेकर के 1947 तक, ठीक। तो ये बच्चे का फेज है, चाइल्ड का, जब कांग्रेस सीख रही है, ये यूथ का है जब उधम मचा रही है, और ये एडल्ट का है जब
समझदारी से काम ले रही है. दीज वर दी 72 इनिशियल डेलीगेट्स जिनकी फोटोग्राफ यहां पे है. अब बात करते हैं इस पहले ग्रुप की. इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्यों ये इंपॉर्टेंट थे, कौन से लोग थे, क्या आइडियोलॉजी थी, ये सारी चीज फिर इस पे और फिर इस पे चलेंगे हम. ठीक. तो सबसे पहला द फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस विच वॉज द मॉडरेट्स. एज आई टोल्ड यू दे वर एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड. ये चाहिए वो चाहिए, जिद्दी थे. अक्षेश ने बहुत सारे लाइंस लिख दिए, रुकिए एक मिनट. किंग्स एंड पॉलिटिशियन पावर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू बिजनेसमैन, सो फंडिंग वाज ऑब्वियस. यस ऑब्वियसली ये तो चीज समझ में आ रही है. जस्ट लाइक मुगल्स इन लेटर आईएनसी मेंबर्स आर आल्सो इनकॉम्पिटेंट. नहीं 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 अक्षेश, आईएनसी मेंबर इनकॉम्पिटेंट नहीं होंगे, वो मजबूर होंगे हालातों की वजह से. कौन सा आईएनसी का मेंबर आपको इनकॉम्पिटेंट लगता है? लेटर आईएनसी मेंबर, रशियन रेवोल्यूशन, यूनिटी, लेनिन, कार्ल मार्क्स. सही है, सीख रहे हो आप लोग. बताइएगा अक्षेश कमेंट में कौन सा आपको आईएनसी का मेंबर इनकॉम्पिटेंट. अच्छा, राहुल गांधी की बात तो नहीं कर रहे हैं. पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले, अरे क्या बात कर रहे हैं, बड़े जबरदस्त लीडर्स थे. ऐसा नहीं है आज की डेट में कांग्रेस इज लाइक एन इनर्ट ऑर्गेनाइजेशन. आज के जमाने में मैं मान सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि आजादी के बाद जो लोग थे वो इनकॉम्पिटेंट थे. एक से एक लीडर्स थे कांग्रेस के पास, और ये बड़ी अच्छी चीज थी. जैसे होता ना प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी, है ना, कांग्रेस वॉज लाइक सरकारी नौकरी, सुनो सरकारी पॉलिटिक्स. एक से एक महारत ही उनके पास, आज भी है, लेकिन श्री श्री आरजी की वजह से कुछ गड़बड़ होती है ना. नेपोटिज्म बहुत चल रहा है कांग्रेस में आजकल. खैर, देश का मामला है, क्या करें, बोलना जरूरी है ना. द मॉडरेट्स, अब इनके बारे में अगर आप देखिए तो ये मॉडरेट्स थे कौन. मॉडरेट मतलब समझ रहे हो, मॉडरेट लीडरशिप, मॉडरेट थिंकिंग एंड ऑल दैट, है ना. इनमें कई सारे लोग थे हु यूज्ड टू बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ PQ, है ना, पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट, है ना. सीनियर लीडर्स लाइक जी सुब्रमण्यम अय्यर, दादा भाई नौरोजी, है ना, और आप देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये सारे के सारे आपके सीनियर लीडर्स हैं. दे आर द लीडर्स ऑफ द फर्स्ट फेज, द मॉडरेट्स. फिलोसफी क्या है? P3, पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट. कि पहले अंग्रेजों के पास पिटीशन करेंगे, भीख मांगेंगे कि ये दे दो वो दे दो, है ना, फिर प्रेयर करेंगे भैया दे ही दो, और अगर नहीं दी तो प्रोटेस्ट करेंगे कि हमको चाहिए, प्रोटेस्ट, है ना. द फिलोसफी ऑफ P3, पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट. द रीजन ऑफ दिस फिलोसफी वॉज दैट दे हैड, सॉरी यार स्पेलिंग मिस्टेक है, दे हैड फेथ इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. इनको फेथ था कि ब्रिटिश, अब देखो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे फेथ था, ब्रिटिशर्स पे नहीं था, है ना. जैसे मैं एग्जाम्पल दू, यू माइट हैव फेथ इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बट यू नॉट, यू मे नॉट हैव एनी फेथ इन अमेरिकन पीपल. तो लोगों पे फेथ होना और कॉन्स्टिट्यूशन पे फेथ होना डिफरेंट होता है. तो दीज पीपल डिड नॉट हैव फेथ इन ब्रिटिश पीपल बट हैड फेथ इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहती है वो करती है सरकार ब्रिटेन की. तो दे हैड फेथ इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट नेसेसरली ब्रिटिश पीपल. ठीक. दे वर इन्फेंट इन फ्रंट ऑफ द माइटी एम्पायर, और ये इनको समझ में आता था कि हम तो एक छोटे बच्चे के जैसे हैं. We are infant in front of this mighty empire, और हम इनके सामने ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, है ना. And that is why you see these moderate leaders. पढ़े लिखे जबरदस्त लोग थे, है ना. And they were the leaders of the first phase, petition, prayer, protest. ठीक. कौन कौन से leaders? जैसे दादा भाई नौरोजी, A.O. Hume, Alan Octave Hume,
बहरुद्दीन तैयब जी, एम जी रानाडे, फिरोज शाह मेहता, ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत स्प्लिट में देखेंगे आगे, सूरत स्प्लिट जब होगा 1907 में, कि ये आदमी को एक जूता पड़ता है है ना, तिलक मारते हैं इनको जूता। सी एस नैयर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, एस एन बैनर्जी, डब्ल्यू सी बैनर्जी, मदन मोहन मालवीय, एन एस श्रीनिवासन शास्त्री, डिनशॉ वाचा, एक से एक भयानक नाम है देखो, तेज बहादुर सापुरु, ईडी वाचा, राश बिहारी घोष। अब ये यहाँ पे नाम कंफ्यूज मत होना, क्योंकि राश बिहारी बोस वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट, घोष वॉज एन मॉडरेट, है ना। आनंद मोहन बोस, पी ए चार्लू, मोहनलाल घोष, वैसी चिंतामणि, आर सी दत्ता, जिन्होंने दादाजी भाई नौरू जी के साथ इकोनॉमिक क्रिटिक बने थे, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ को सपोर्ट किया था, मधुसूदन दास, रहमतुल्ला सयानी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के आइडल थे, क्योंकि इन्होंने ही गांधी जी को इनवाइट किया था साउथ अफ्रीका से कि इंडिया आ जा भाई, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, ही बिकेम दी आइडल ऑफ गांधी जी। इतने सारे नाम हैं, कैसे याद रखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं याद रखने की। ये चार नाम याद रखो, एस एन बैनर्जी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, दादा भाई नौरू जी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये प्राइम नाम है, प्राइम इंपॉर्टेंट लीडर्स। ठीक, एक्सट्रीमिस्ट में है ना, जो दूसरा ग्रुप था ये वाला एक्सट्रीमिस्ट वाला, इसमें लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल प्लस अरविंदो घोष। तो मॉडरेट के चार नाम याद रखो, इसके चार नाम याद रखो, और जनरली जो भी लीडर के आप नाम सुनोगे, उस जितने भी होंगे वो मॉडरेट ही होंगे। कभी यूपीएससी नहीं, ये नहीं पूछेगी कि बता कौन सा ये कौन सा वो है, नहीं, लेकिन ध्यान ऐसे ही रखना है ना। लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट थे और ये चार मॉडरेट थे। ठीक, तो इनकी फिलॉसफी हमने डिस्कस कर ली, उस फिलॉसफी का रीजन हमने डिस्कस कर लिया, दे हैड फेथ इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, दे वर इन फ्रंट ऑफ द माइटी एम्पायर। अब बात करते हैं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे बिकेम द लीडर्स ऑफ द फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में ये लीडरशिप इनकी होती है, और ये पॉलिटिकल स्ट्रगल जो इंडिया में आप बहुत अच्छे लेवल पे देखते हो कांग्रेस के अंडर में, उसकी शुरुआत ये लोग करते हैं। दे वर वेरी इंपॉर्टेंट इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। इतने बड़े बड़े नाम लिखो के चैट में तो क्या होगा, अक्षेश, बलराम, आई एम रिफ्रेनिंग ऑन कमेंटिंग ऑन पॉलिटिक्स। आइए हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। प्यूपिल मेंटर, आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड, गुड गवर्नेंस एंड प्रपोजल फॉर वेलफेयर प्रोग्राम्स। अगर आप देखिए तो ये चार कॉन्ट्रीब्यूशन थे, एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। आइडिया क्या है कि इन मॉडरेट्स ने इनिशियल रोल जो प्ले किया था वो कैसे किया था। अब देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडरेट्स है ना। पहला पॉइंट, प्यूपिल मेंटर। मॉडरेट्स इन द फर्स्ट फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। देखो समझाने वाला कुछ है नहीं, मैं डायरेक्टली पढ़ दे रहा हूं है ना, आप समझते चलो इसको जो मैं पढ़ रहा हूं। मॉडरेट्स इन द फर्स्ट फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल एज ड्यूरिंग दिस पीरियड इन दिस सबकॉन्टिनेंट पीपल वर अनअवेयर अबाउट मॉडल फिलोसफीज एंड आइडियोलॉजीज। अब ऐसा देश जहां 98% लोग इलिटरेट हैं, दे वर नॉट अवेयर अबाउट नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, ये सारी जो फिलोसफीज थी मॉडर्न वर्ल्ड फिलोसफी, ये समझाएगा कौन, ये मॉडरेट्स। तो ये जो लीडर थे इन्होंने लोगों को ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में बताया, लोगों को सिखाते थे, और इसीलिए ये प्यूपिल मेंटर थे है ना फर्स्ट फेज में। क्योंकि इंडिया की जो हिस्ट्री है, जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो सिलेबस में है आपके इंडिया नेशनल मूवमेंट, उसके चार फेज हैं, तो ये पहले फेज की बात है ना। तो मॉडर्न फिलोसफी सिखाएंगे, लोगों को समझाएंगे, एंड दिस वाज द ड्यूटी ऑफ दीज लीडर्स टू अंडरस्टैंड इट एंड देन
प्रीच इट टू द पीपल, यहां लोगों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो पीपल मेंटर. दिस वॉज एविडेंट बाय द स्टेटमेंट ऑफ जीके गोखले. गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बार कहा, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, वी विल नॉट बी रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री फॉर आवर अचीवमेंट्स बट वी विल बी रिमेंबर्ड फॉर द रोल ऑफ गाइड इन द इनिशियल फेज. कितनी बड़ी बात कही थी ये, हमें इतिहास में शायद अचीवमेंट के लिए नहीं याद किया जाएगा, क्योंकि शायद हम कुछ इतना बड़ा चीज अचीव नहीं कर सकते बिकॉज वी आर इन्फेंट, है ना. तो हमें हिस्ट्री में कभी भी अचीवमेंट के लिए याद नहीं रखा जाएगा, लेकिन हमें इस चीज के लिए जरूर लोग याद रखेंगे जो हमने रोल प्ले किया था एक गाइड का शुरुआत में, लोगों को हमने समझाया था, ये याद रखेंगे, है ना. तो पहला पॉइंट पीपल मेंटर, सेकंड पॉइंट आइडियोलॉजिकल मेंटर. अब आइडियोलॉजी चेंज करनी है लोगों की. द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडरेट्स वर दैट दे गेव द आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड फॉर पॉलिटिकल स्ट्रगल बाय चेंजिंग द आइडियोलॉजी ऑफ द इंडियंस. लोगों को दिखाया कि तुमको कहां बेवकूफ बना रहे, कैसे तुम्हारे साथ जाति की जा रही है. एंड द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज गिवन बाय दिस मैन, दादा भाई नौरोजी, व्हेन ही गेव द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ. इन्होंने दिखाया कि ये देखो, ये ऐसे तुम्हारा पैसा यहां से इंग्लैंड जा रहा है, द वेल्थ एंड ड्रेन, मेहनत तुम कर रहे हो एंड द एंटायर वेल्थ इज बीइंग ड्रेन्ड अवे टू इंग्लैंड इन द फॉर्म्स ऑफ ब्राइब, इन द फॉर्म्स ऑफ गिफ्ट, है ना. तुम्हें मार पीट के यहां का सारा पैसा लेके जा रहे हैं इंग्लैंड, हम भिखारी बनते जा रहे हैं, गरीब हैं और वो प्रॉस्पेरस होते जा रहे हैं. इनकी किताब थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना. तो दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट वन हु बिकेम द इकोनॉमिक क्रिटिक, है ना. ब्रिटिश पॉलिसी को आवाज उठाने वाले सबसे पहले ये आदमी थे और इन्होंने ये किताब लिखी थी. इकोनॉमिकली बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक क्रिटिक जो थे वो पहले आदमी ये थे. थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ इन्होंने लिखी, किताब का नाम ये था. और इस फिलोसफी को, ये जो बात कह रहे थे, इसको सपोर्ट करने वाले और भी अदर हिस्टोरियंस थे, है ना. तो सेवरल अदर हिस्टोरियंस ऑल्सो कमेंटेड ऑन ड्रेन ऑफ वेल्थ, की बात सही कह रहे हैं आप दादाजी, सही बात कह रहे हैं. जैसे जीवी जोशी, आरसी दत्ता. आरसी दत्ता ने एक किताब लिखी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया. एम जी रानाडे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, एस एन बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बी एन चंद्रा, ये नाम जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जैक्टली इसी पैराग्राफ पे एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि हु अमंग द फॉलोइंग आर द क्रिटिक्स ऑफ नो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी. ये क्वेश्चन था यूपीएससी का क्वेश्चन, आई थिंक एक दो साल पहले ही पूछा था, दो साल पहले. इनमें से कौन कौन टिप्पणी कमेंट किए थे, इकोनॉमिक क्रिटिक कौन कौन था. पहला ऑप्शन दादा भाई नौरोजी. अब ये तो सबको पता था कि ये होंगे ही, हर आदमी जानता था. सेकंड ऑप्शन आर सी दत्ता, रोमेश चंद्र दत्त, ठीक. तीसरा ऑप्शन जी सुब्रमण्यम अय्यर. और चौथा ऑप्शन एम जी रानाडे. ये चार पॉइंट लिखे थे और फिर बताया था, पूछा था एक चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन वन, वन ओनली. आधे ज्यादा इसी में टिक मार के आए थे क्योंकि सबको पता था कि ये तो वही है, है ना. सेकंड ऑप्शन वन एंड टू, थर्ड ऑप्शन वन टू एंड थ्री, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. तो क्या आंसर होगा इसका, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सबने कमेंट किया था. क्वेश्चन उठा के देखो, मेरी बात पे बिलीव मत करो, पिक अप द पेपर लास्ट ईयर paper and you would see this question with the same options. M.G. Ranade, G. Subramanyam Iyer, R.C. Dutt and Dada Bhai Nauroji. Economic critique of the theory of drain of wealth. ठीक. तो दो contribution I hope आपको समझ में आ गया है. Pupil mentor कैसे थे, क्योंकि लोगों को ideology सिखाई, राह दिखाई. दूसरा आइडियोलॉजिकल मेंटर कैसे थे, क्योंकि लोगों को सोचने का नजरिया बदला. रिवेटिंग द पॉइंट. तीसरी चीज इनका कंट्रीब्यूशन मॉडरेट्स का, गुड गवर्नेंस, क्योंकि इन्होंने मांगी चीजें, एटलीस्ट मांगा तो, डिमांड की इन्होंने.
Moderates made the demand of good governments for the purpose. They made a 3-point proposal regarding the legislature to the government. अब लेजिस्लेचर तो 1861 के एक्ट की वजह से आ चुकी थी, क्योंकि यहां पे पार्लियामेंट आ गई, ऑर्डिनेंस आ गया और एक और चीज आई थी ना, प्रोविजन ऑफ पोर्टफोलियो। तो ये तीनों चीज मिल चुकी थी, तो उन्होंने बोला कि भैया ठीक है, पार्लियामेंट में नो लोग हैं। पहली चीज इन्होंने 3 पॉइंट प्रपोजल किए, ये जो पार्लियामेंट आप लेकर के आए हो इसमें क्या क्या रिफॉर्म लाने हैं। सबसे पहली चीज कि इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ 12 सीट थी। ये डिमांड याद रखना, आगे काम आएगी, है ना गाइस, ध्यान रखना। पहला, इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स, 12 सीट थी इसको बढ़ाओ, इतने से कुछ नहीं होता। दूसरा, इलेक्शन कराओ, क्योंकि पार्लियामेंट में जितने भी लोग उस टाइम 1861 में इलेक्ट होते थे वो नॉमिनेट होते थे, याद है हमने डिस्कस किया था, डू यू रिमेंबर इट, वो नॉमिनेट होते थे। तो बोला कि नहीं नहीं, नॉमिनेशन नहीं चलेगा, इलेक्शन कराओ, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लेके आएंगे। और तीसरा, लेजिस्लेचर को पावर दो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी चीजें आए, बजट बजट पे डिस्कस कर पाए, ये सारी चीजें, है ना। तो ये 3 डिमांड इनकी, ध्यान रखना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सीट्स, सीट बढ़ा दो, इलेक्शन करा दो, नॉमिनेशन नहीं, इलेक्शन करा दो, और तीसरा, लेजिस्लेचर को पावर दो। ये 3 आगे काम आएंगे, ठीक। तो इस तरह से गुड गवर्नेंस प्रपोज किया कि अच्छे दिन ऐसे आएंगे, बोलने से नहीं आते, ऐसे आएंगे, है ना। और फिर चौथा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, दे प्रपोज्ड फॉर वेलफेयर प्लान्स, लोगों के लिए वाकई में ये कुछ गवर्नमेंट प्रपोजल्स रखते हैं कि अगर वाकई में गवर्नमेंट को कुछ करना है, अगर वो चाहते हैं कुछ करना, तो ये चीजें करें। ये सब वो लिख करके दे रहे हैं, गवर्नमेंट को बता रहे कि चल बगड़ बिल्ले ये कर, है ना। द मॉडरेट्स प्रपोज्ड, यहां पे डिमांड कर रहे हैं, यहां प्रपोज कर रहे हैं। अरे वो वाला प्रपोज नहीं है, ये वाला प्रपोज है, ये चीज कर सकते हैं आप। द मॉडरेट्स प्रपोज्ड दैट द गवर्नमेंट, इफ द गवर्नमेंट वॉन्ट्स गुड रिलेशन विद द पीपल, अगर सच में चाहते हैं कि लोग आपके साथ रहें, आपके अंडर रहें, तो इट शुड प्रमोट वेलफेयर प्रोग्राम विच इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनी स्टेट। व्हाई? बिकॉज एवरी स्टेट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर स्टेट, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। तो अगर गवर्नमेंट को लोगों को खुश रखना है तो उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम लेके आओ, जो कि हर स्टेट को करना चाहिए। तो इसमें प्रपोजल क्या रखा कि भैया जुडिशियल राइट लाओ, जुडिशियली तुम्हारी बहुत बदतमीज है, जुडिशियल राइट्स दो, रिव्यू कर सके हम, है ना। दूसरा, इंडियनाइजेशन ऑफ हायर सर्विसेज, ये जितने भी आईएएस तुम अंग्रेजों को बैठाए हो, इसकी जगह अब इंडियंस को बैठाओ। हम ये डिमांड तो कतई नहीं मानेंगे, लेकिन ये कह रहे थे, है ना। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन is the most important tool how a society can rise. HR अच्छा हो जाएगा ना, human resource समझदार हो जाएगा, तो nation भी rise करेगा। Education is a very important tool, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई भी आदमी अपने आप को transform कर सकता है। इसलिए आप देखिए, इन्होंने ये demand रखी कि judicial rights दो, indianization of higher services करो, और promotion of education, ठीक। तो ये 4 कॉन्ट्रीब्यूशन हम मॉडरेट्स के देखेंगे। प्यूपिल मेंटर समझ गए, समझाया, आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड, आइडियोलॉजी चेंज की, गुड गवर्नेंस में 3 पॉइंट प्रपोजल रखा, और वेलफेयर प्रोग्राम में इन्होंने 3 चीजें प्रपोज की। तो दैट वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज मॉडरेट्स, दीज लीडर्स ऑफ द फर्स्ट फेज, ठीक। अब देखते हैं इनके अचीवमेंट क्या थे, इन्होंने जो चीजें कही उसमें मानी क्या गई, है ना। ये तो प्रपोजल थे, कॉन्ट्रीब्यूशन, भैया हम ये कर रहे हैं और ये प्रपोज कर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं, क्या क्या माना गया और इनको मिला क्या, व्हाट डिड दे डू एंड व्हाट डिड दे कॉन्कर, है ना। एज नो अक्षेश सेज, प्रोसीड एंड
कॉन्कर। आज अक्षेश नहीं था, मैंने मेंशन किया था ये चीज क्लास में, बट अक्षेश इज हियर नाउ, आई होप, आई बिलीव। दिस वन इज फॉर यू अक्षेश, प्रोसीड इन द स्टडीज एंड कॉन्कर यूपीएससी। जज्बा कायम रखना है ना। तो अचीवमेंट ऑफ द मॉडरेट्स, अब अगर अचीवमेंट इनकी देखो आप, तो तीन अचीवमेंट थी। पहली वेलबी कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एचिसन कमीशन, ये अपॉइंट किया जा रहा है, ये कमीशन जो है ना, वेलबी कमीशन और एचिसन कमीशन, ये कमीशन अपॉइंट किए जा रहे हैं क्योंकि मॉडरेट्स ने प्रेशराइज किया था गवर्नमेंट को कि हमें ये चीज करके दो, ठीक। और तीसरा अचीवमेंट एक्ट ऑफ 1892, इसमें कुछ चीजें थी जो पहली बार गवर्नमेंट ने प्रपोज की। मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि हर एक्ट में ये आप जान ही रहे हो, जब हम देखते हैं, हमारी आदत है कि जब कभी भी हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम दो चीज देखते हैं, पहली चीज व्हाट इज द न्यू एलिमेंट और दूसरी चीज व्हाट इज द फ्रस्ट्रेटिंग एलिमेंट, क्या चीज नहीं हुई और क्या चीज फ्रस्ट्रेट करने वाली है। अक्षेश कह रहे हैं बस आपका आशीर्वाद रहे, बुजुर्ग बना दिया मुझे अक्षेश ने, सीनियर सिटीजन बना दिया। नो इश्यूज ब्रो, आई नो यू वुड क्रैक इट, लगे रहो बस, है ना। तो पहला अचीवमेंट वेलबी कमीशन, इसके बारे में बात करते हैं कि वेलबी कमीशन किससे रिलेटेड था, है ना। स्ट्राची कमीशन किससे रिलेटेड था ये मुझे बताइए। स्ट्राची कमीशन मैंने डिस्कस किया है आज ही, स्ट्राची कमीशन वॉज रिलेटेड टू वॉट, कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए, बताइए मुझे स्ट्राची कमीशन किससे रिलेटेड था। अरे सूखा क्या होता है, जेनी सेज फेमाइन, यस इट वॉज रिलेटेड टू फेमाइन, सूखा। सूखा तो बहुत कुछ होता है, फेमाइन। हाँ, स्ट्राची कमीशन वॉज देयर टू रिव्यू द कंडीशन ऑफ फेमाइन इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड लिट्टन, ये याद रखना, इसी सब पे क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही फंसाएगी यूपीएससी आपको। कमीशन का नाम दे देगी या तो मैच द फॉलोइंग में जो गवर्नर जनरल या वाइसराय रहा होगा उसके बारे में पूछेंगे, या पूछेंगे ये किस चीज से रिलेटेड था। तो हमने एक कमीशन अभी देखा है, अभी बहुत सारे कमीशन आने वाले हैं। स्ट्राची कमीशन जैसे हमने देखा, ऐसे बहुत सारे कमीशन आने वाले हैं, तो याद रखना, है ना, कंफ्यूज मत होना। जैसे हम लोगों ने मेडिवल इंडिया में दीवान देखे ना, दीवान ए अर्ज, दीवान ए मुस्तकराज, दीवान ए अमीर कोही, इस तरह से जैसे कई सारे दीवान आए थे, वैसे यहां कई सारे कमीशन आने वाले हैं। तो हमने दो देख रखे हैं, एक तो स्ट्राची देखा है और दूसरा हमने हंटर देखा है। हंटर कमीशन किससे रिलेटेड था, फटाफट बताइए मुझे कमेंट में। स्ट्राची वॉज रिलेटेड टू फेमाइन, हंटर कमीशन किससे रिलेटेड था, हंटर कमीशन वॉज रिलेटेड टू वॉट। अभिजीत सेज एजुकेशन, इनकम्प्लीट आंसर, पूरा आंसर दो, विच एजुकेशन, हायर, प्राइमरी, सीनियर, सेकेंडरी, सेकेंडरी क्या, एजुकेशन इज एम्बिगुअस टर्म, ठीक है एजुकेशन से रिलेटेड था, कौन सी एजुकेशन, अभिजीत सेज प्राइमरी, यस यू आर करेक्ट। तो हमने दो चीज देखी अभी तक, स्ट्राची कमीशन रिलेटेड टू फेमाइन, कंडीशन ऑफ फेमाइन इन इंडिया फॉर द फार्मर, ठीक। हंटर कमीशन प्राइमरी एजुकेशन, ये कब आया, लिट्टन के टाइम पे, ये कब आया, रिपन के टाइम पे। अब दो कमीशन और देखो, एक है वेलबी, दूसरा है एचिसन, ठीक, एंड दिस वॉज द अचीवमेंट ऑफ द मॉडरेट्स, ठीक। वेलबी कमीशन क्या था, पहला पॉइंट,
1895 में ये कमीशन अपॉइंट किया गया, वेल्बी इसके हेड थे, वेल्बी कमीशन के नाम से जाना गया। इट वॉज अपॉइंटेड ड्यू टू द प्रेशर क्रिएटेड ऑन द गवर्नमेंट बाई द मॉडरेट्स। इन्होंने बोला नहीं ड्रेन ऑफ वेल्थ है, ड्रेन ऑफ वेल्थ है, है ना। ये जो पॉइंट था, ये इकोनॉमिक क्रिटिक्स ये किताब लिख दिए पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल। तो अंग्रेज भी पढ़े, रानी ने भी पढ़ा, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड के लोगों ने भी पढ़ा और बोला ऐसा है क्या, पता करो, चेक करो, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो इन्होंने वेल्बी कमीशन अपॉइंट किया, है ना, क्योंकि इनके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेम लग रहा था गाइस, ब्रिटिशर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेम लग रहा था कि आपकी वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। तो वेल्बी कमीशन को अपॉइंट किया गया नो रिव्यू द इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया। ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये लाइन याद रखना, इनकम एक्सपेंडिचर याद रखना। वेल्बी कमीशन वॉज रिलेटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर, है ना। वेल्बी कमीशन इज रिलेटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर, कि कितनी इनकम हुई, कितना एक्सपेंस हुआ, क्या हमने चोरी चकारी की, क्या हमने गबन किया पैसे का, जो हम पे इल्जाम लग रहा है क्या वो हुआ, आपको क्या लगता है इसकी क्या रिपोर्ट आएगी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि यस यू आर अ डेकॉइट, यू आर अ चोर, पैसा जा रहा है, लेकिन इस कमीशन की रिपोर्ट को दबा दिया गया था ताकि लोगों तक ये आवाज पहुंच ना पाए, है ना। तो पहला अचीवमेंट मॉडरेट का वेल्बी कमीशन की, कम से कम इन्होंने प्रेशर बनाया और इन्होंने चीजें चेक तो की, इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया। दूसरा इनका अचीवमेंट एचिसन कमीशन, ये बोलते रहते थे ना इंडियनाइजेशन ऑफ हायर सर्विसेज, इंडियनाइज करो, है ना। तो अंग्रेजों ने बोला अच्छा अच्छा रुको रुको, पहले देखते हैं कि सिविल सर्विसेज की हालत क्या है, है ना। तो एचिसन कमीशन वॉज अपॉइंटेड, पब्लिक सर्विस कमीशन आप यही पे देखोगे, पीएससी यहीं से आ जाएगी। दिस कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू रिव्यू द सिविल सर्विसेज इन इंडिया, है ना। एंड आफ्टर इट्स रिकमेंडेशन सिविल सर्विसेज वॉज स्ट्रेटिफाइड इनटू इंपीरियल एंड प्रोविंशियल। तो सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी और स्टेट लेवल पे पीसीएस यहीं से आ जाता है, है ना। ये स्ट्रेटिफिकेशन होगा बेसिक, ये ब्लू प्रिंट है, आगे चल करके पहला पीसीएस बनेगा 1919 में, 1919 एक्ट के बाद, है ना। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन फर्स्ट स्टेट पीसीएस, प्रोविंशियल सर्विसेज का जो कमीशन बनेगा, यूपीपीएससी अलाहाबाद में, दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेट पीसीएस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये याद रखना, वेल्बी किससे रिलेटेड है, इनकम एक्सपेंडिचर से। एचिसन किससे रिलेटेड है, रिव्यू ऑफ सिविल सर्विसेज से। याद रहेगा, दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक। तो ये हमने देख लिया, ये देख लिया, अब इनका तीसरा अचीवमेंट देखते हैं, क्योंकि ये अचीवमेंट क्या, ये प्रेशर इन्होंने बनाया था जिसकी वजह से बड़ी हेल्प हुई थी इंडियंस को आगे, और कुछ नई चीजें आती हैं। एक्ट ऑफ 1892, मुझे पता है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, जैसे ही मैं बोलूंगा कि ये एक्ट है पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो मैं स्किप कर देता हूं, आप बोलोगे नहीं नहीं सर आपसे पढ़ना है, पढ़ाना है क्या एक्ट ऑफ 1892 भी, अरे स्किप कर सकते हैं, छोड़ो हटाओ, लेट्स मूव टू लॉर्ड कर्जन, व्हाट डू यू से, पढ़ा तो हो गई है 1892 का एक्ट, स्किप कर दें, छोड़ दें, यस और नो। अभिजीत कह रहे हैं यस सर, छोड़ दिया जाए, नो सर पढ़ना है अभिजीत। अरे बलराम सेज नो डोंट स्किप, ये रोने क्यों लगे, डोंट क्राई। बाकी क्या जनता क्या बोलती है, शॉर्ट में बता दो, स्किप मत करो। अच्छा मुझे पता था आप लोग यही बोलोगे, इसलिए मैं स्लाइड इसकी इंक्लूड करके रखा हुआ हूँ। कल मुझे 1858 और 1861 की स्लाइड इंक्लूड करनी पड़ी थी, लेकिन मैंने इसमें कर रखी है। तो चलिए देखिए,
आपको मोटा मोटा समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। हमने मॉडरेट्स के बैकग्राउंड के बारे में देखा, ये थे कौन, पहले तो कांग्रेस के बैकग्राउंड के बारे में देखा और इसके फर्स्ट फेज को हम समझ रहे हैं। मॉडरेट्स में हमने इनकी बेसिक्स देखी, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखा और अब हम इनका अचीवमेंट देख रहे हैं। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। अब चलते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट की तरफ, विच इज द एक्ट ऑफ 1892। मैंने बताया कि हर एक्ट में, इन एवरी एक्ट, दो चीज देखा करो, न्यू एलिमेंट एंड फ्रस्ट्रेटिंग एलिमेंट। ठीक, अब देखो इस इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना, है ना। इस एक्ट में डिमांड क्या थी इंडियंस की, ये मैंने लिखा है, और दूसरा कितनी डिमांड फुलफिल हुई, ये मैंने लिखा है। और बहुत ध्यान से समझो अब क्या हो रहा है, क्या नई चीज हो रही है और क्यों ये फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है गाइस, तो इंडियंस ने क्या क्या डिमांड रखी थी, ये डिमांड याद है आपको, कहां गया ये वाली जो मैंने बोला था याद रखना, इलेक्शन करा दो, लेजिस्लेचर को पावर दे दो, नंबर ऑफ सीट बढ़ा दो, एग्जैक्टली यही चीज इन्होंने की, गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, और इसी वजह से आप देखोगे कि इंडियन की डिमांड्स की वजह से कुछ नई चीजें होंगी। सबसे पहली डिमांड मॉडरेट्स कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, द मॉडरेट्स आर डूइंग इट। सबसे पहली डिमांड, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर। ठीक, ये डिमांड है। तो इसके बदले में क्या किया अंग्रेजों ने, प्रोविजन क्या बनाया, ये चीज है जो डिमांड हो रही है, ये चीज है जो एक्ट में आ रही है। तो इन्होंने कहा इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर, अंग्रेजों ने कहा इंक्रीज्ड, बढ़ा दिया, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी वॉज मेंटेन। जितने भी लोग हो मेजोरिटी में ब्रिटिश ही रहे, तो चीज मिली भी और नहीं भी। रिपीटिंग पॉइंट, ऑल्दो द नंबर ऑफ सीट वॉज इंक्रीज्ड, लेकिन ब्रिटिश मेजोरिटी अभी भी मेंटेन्ड है, तो कोई फायदा हुआ क्या, नहीं। देन यू से उन्होंने बोला इलेक्शन कंडक्ट करा दो सर, तो बोला ठीक, बिगनिंग ऑफ इलेक्शन, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। जो प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आप देखते हो, नो कि आदमी एमएलए चूज कर रहा है और वो सरकार चूज कर रहा है, लोकसभा में लोग कौन बैठ रहे हैं वो चूज कर रहा है, वो चीज नहीं थी, इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। ठीक, इन्होंने बोला कि पावर दे दो सर, है ना, पावर दी लेकिन पूरी नहीं। मतलब अगर आप पार्लियामेंट में बैठे हैं तो यू कैनॉट आस्क स्टार क्वेश्चंस, है ना। पावर वॉज गिवन बट नॉट गिवन टू आस्क द स्टार क्वेश्चन। अब स्टार क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिनका ओरल आंसर देना पड़ता है तुरंत का तुरंत, तो आप लिख करके कुछ पूछिए, यू कैन नॉट आस्क ओरल क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट। तो पावर मिली भी और नहीं भी, है ना। फिर बोला कि सर बजट में हमको इन्वॉल्व करो, हम भी इंडिया के बजट बनाएंगे, इन्होंने बोला कतई नहीं, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू मनी और पैसा इज इक्वल टू ई, है ना। तो बजट वॉज स्टिल आउट ऑफ रीच ऑफ द इंडियंस। तो ये चार प्रोविजन थे जो पहली बार आए, और ये प्रोविजन कुछ कुछ फुलफिल किए, लेकिन हमेशा अपना इंटरेस्ट मेंटेन रखा ब्रिटिशर्स ने, एवरी टाइम दे वुड मेंटेन देयर इंटरेस्ट। तो चीजें मिली भी और नहीं भी, ये हर एग्जांपल में आप देख रहे हो। तो इसी एक्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो जो चार पॉइंट है इसके ये वाले। अब देखिए पहले पॉइंट में क्या हुआ, द नेशनलिस्ट डिमांडेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द लेजिस्लेचर व्हिच वाज फुलफिल्ड बाय द गवर्नमेंट बट ऑफिशियल मेजोरिटी वॉज मेंटेन। तो मान लो पहले 12 लोग थे, इसको उठा के 18 कर दिया, सपोज 12 लोग थे इसको उठा करके 18 कर दिया, तो पहले 2 इंडियन थे और 10 ब्रिटिशर थे, तो अब अगर 18 हो गए तो बट ऑब्वियस मेजोरिटी डाइल्यूट होने नहीं देंगे,
18 में 2 इंडियन है और 16 ब्रिटिशर है। फायदा हुआ कुछ, मेजोरिटी में भी कौन है? द ब्रिटिश। तो ऑल्दो द नंबर ऑफ सीट्स वाज इंक्रीज्ड बट ऑफिशियल मेजोरिटी वाज मेंटेन्ड गाइस। फायदा हुआ कुछ नहीं। अब दूसरा पॉइंट देखिए इलेक्शन का। द एक्ट ऑफ 1892 इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बट इनडायरेक्ट। मैंने बताया 1861 में पार्लियामेंट आ जाएगी, लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस होगा और 1892 में इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, लेकिन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं। अंडर विच वोटिंग राइट्स वर गिवन टू मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडी। मतलब जितना भी टैक्स पेइंग सेक्शन है, जो लोकल बॉडीज है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ऐसे लोग ही वोट कर सकते हैं। हर आदमी के पास पावर नहीं है कि अपना आधार लेके आ गए और वोटर आईडी कार्ड लेके आ गए और बटन दबा रहे, वो नहीं। सिर्फ इसके लोग वोट करेंगे और इसके लोग वोट करेंगे, दैट्स इट, लोकल बॉडीज। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे, है ना। इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड बट वर इनडायरेक्ट, जहां पे वोटिंग राइट किसको दी? ओनली मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडी, सबको नहीं। ये याद रखना ये पॉइंट, ओनली मेंबर ऑफ लोकल बॉडी, क्योंकि ये कर्जन में काम आएगा। याद रखना, लोकल बॉडी इज द थिंग एंड नॉट डायरेक्टली टू द पीपल। तो चीज मिली भी और नहीं भी। फिर देखो एक्ट ऑफ 1892 में थर्ड क्लॉज, पावर दे दीजिए सर। बाय दिस एक्ट लेजिस्लेचर वर गिवन द पावर टू आस्क क्वेश्चन बट नॉट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जिसे स्टार क्वेश्चन कहा जाता है, स्टार क्वेश्चन। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्योंकि इसका ओरल आंसर चाहिए होता है। अब आप लिख करके पूछ रहे हो कुछ जिसका 14 दिन तक का आपको टाइम दिया है। अब अंग्रेजों ने पूछा, इंडियंस ने पूछा कि ये पैसा तुमने खर्चा किया कहां गया, ये बजट का पैसा कहां गया। 14 दिन का टाइम है, आराम से बैठ के बहाने लिखो, कोई दिक्कत नहीं। पार्लियामेंट में खड़े होकर पूछ लेता तो हालत खराब हो जाती है ना। चौथा देखिए बजट। Budget is the soul of any economy which was still out of reach of the Indians. Although suggestions were invited, कि आप बताइए आपको कहना क्या है, बजट में क्या कर सकते हैं आप बता सकते हैं, लेकिन हम आपको बजट में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो इंडिया काउंसिल एक्ट, जो गाजर फिर से इन्होंने लटकाई कि हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, है ना, हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, वो उम्मीद दिखा करके फिर से उम्मीदों पे पानी फेर दिया गया। तो बट ऑब्वियस लोग नाराज होंगे, है ना। मैंने आपसे बताया ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस के बारे में, तो मैंने एक डायग्राम छोटा सा और बना रखा था कि आज की डेट में अगर आप देखिए, आज की डेट में, है ना, तो टुडे यू सी 2020 और ये 1892 का टाइम है, है ना। आज की डेट में 543 इलेक्ट किए जाते हैं और 2 नॉमिनेट किए जाते थे, है ना। इन्होंने 12 जितनी सीट थी, 12 सीट्स को उठा करके 1861 में 12 सीट थी, इसको उठा के 30 कर दिया। लेकिन अगर आप देखिए तो इलेक्टेड ये जितने भी लोग हैं जो म्युनिसिपल बॉडी इलेक्ट कर रही है, ये सिर्फ 6 लोग थे और नॉमिनेटेड 24 लोग थे। तो नॉमिनेट कौन करेगा? ब्रिटिश। किसको करेगा? ब्रिटिश सपोर्टर को। तो अगर इलेक्ट होकर के इंडियंस आ भी गए तो मेजोरिटी में कौन है, बात किसकी सुनी जाएगी? एंड दैट वाज द पेन ऑफ द नेशनलिस्ट। इट वाज नथिंग लाइक टुडे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, 2 लोग बस, बाकी सब इलेक्ट होते हैं। यहां आप देखो तो 1/5 वॉज इलेक्टेड एंड 4/5 वॉज नॉमिनेटेड, और ये गलत था। तो समझ में आया आपको इंडिया काउंसिल एक्ट, न्यू एलिमेंट एंड फ्रस्ट्रेटिंग एलिमेंट। ऐसे ही हर एक्ट को बना लिया करो, चीजें समझने में आसानी हो जाएगी। पॉलिटी भी है बड़ा मस्त सब्जेक्ट, अगर समझने की कोशिश करो, रटोगे तब तो गए। ये होती है अप्रोच पढ़ने की, ऐसे किया करो, ठीक। Therefore, the Act of 1892 was called the mockery by the nationalists. ये मजाक उड़ा रहे हैं हमारा ये,
एंड देयर डिमांड्स वर फुलफिल्ड इन अ वे बट इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट वॉज मेंटेन. तो डिमांड फुलफिल भी कर रहे हैं और इंटरेस्ट मेंटेन भी कर रही है गवर्नमेंट, तो चीज हो भी रही है और नहीं भी. सो दिस एक्ट फेल्ड टू सेटिस्फाई द नेशनलिस्ट एंड द डोर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वर स्टिल ओपन. है ना, नेशनलिस्ट सेटिस्फाई हुए ही नहीं और फ्रीडम स्ट्रगल के दरवाजे अभी भी खुले थे. और 1890 तक आते आते देखोगे कि ब्रिटिशर्स फिर से दो चैलेंज में फंस जाएंगे. अगेन दे वुड गेट इन्वॉल्व इन टू चैलेंजेस, क्योंकि यहां अगर देखो तो वर्ल्ड वॉर वन का बैकग्राउंड बन रहा है. जिन्होंने मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री क्लासेस की है उनको पता होगा कि 1888 में जर्मनी में एक आदमी बैठा था, काइजर विलहेम सेकेंड, जो गेम खेलना शुरू करेगा. तो ये एक ऐसा दौर था 1892-1895 जब बहुत ज्यादा उठापटक चल रही थी. है ना, इंडिया में ध्यान दीजिएगा इस, इंडिया में अग्रेसिव नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा है. इनको लगा कि 1892 के एक्ट से सेटिस्फाई कर देंगे, लेकिन ये हुए नहीं और अभी भी नेशनलिज्म जारी है, वो आग क्रांति की फैल रही है. दूसरी तरफ से एक्सपेंशनिस्ट पावर लाइक जर्मनी, इटली, जापान, दे आर प्रेशराइजिंग द ब्रिटिश. तो ब्रिटिश वर फेसिंग डुअल ट्रबल, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. और इन दोनों ट्रबल को संभालने के लिए एम्पायर ने किसको भेजा, लॉर्ड कर्जन. इन दिस सिचुएशन एम्पायर अपॉइंटेड अ वेरी एबल पर्सनैलिटी टू टेक चार्ज ऑफ इंडिया एंड दैट वॉज लॉर्ड कर्जन. और क्या गजब खिलाड़ी था यह आदमी, लॉर्ड नथानियल कर्जन. इसने आकर के ऐसा गेम खेला कि सब कुछ ब्रिटिश फेवर में कर दिया था. एंड दिस मैन गजब गजब का आदमी था ये, इसके बारे में डिस्कस करेंगे लेकिन कल, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है. बलराम ने कुछ लिखा है बीच में, अरे मैं बोल रहा था ऐसे कर लेना. देखो एट द एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव इज टू क्रैक द एग्जामिनेशन. अगर आपकी हेल्प होती है तो आई एम हैप्पी टू हेल्प. इस तरह से कर लिया करो. आई एम नॉट सेइंग कि कौन अच्छा है कौन बुरा है. हर टीचर देखो मेहनत करता है, ये चीज समझो बलराम. एवरी टीचर वर्क्स हार्ड. अब किसकी बात आपको समझ में आ रही है किसकी नहीं आ रही है ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है. तो ऐसा नहीं है कि कोई टीचर खराब होता है ना, या कोई कोचिंग खराब होती है. हर आदमी अपने लेवल पे मेहनत करता है ना. तो ये मत बोलो कि नो टीचर खराब होता है या ऐसा होता है या कोई मेरे जैसा कोई ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है ना. क्योंकि मेरे जैसे हुए तो फिर तो हो चुका, बिकॉज आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ टीचर गाइस. मैं टीचर नहीं हूँ, आई एम अ कोच. आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ कोच. और इसीलिए मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को कहा था कि डोंट कॉल मी टीचर, आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर कोच. क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्शन दे रहा हूं आपको, डायरेक्शन, बस दैट इज माई ओनली पर्पस. कि आपने पूछा कि सर हमें दिल्ली से आगरा जाना है, कैसे जाना है? मैंने बता दिया ऐसे जाना है, बस मेरा काम यही है. चल के जाना आपका काम है, मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूं बस. अब जितने मेरे जो पुराने स्टूडेंट जिन्होंने क्वालिफाई किया है उन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि सर दिल्ली से आगरा जाना है कैसे जाए? मैंने बताया ऐसे चला जा. वो चले गए, सेलेक्ट हो गए, IAS बन गए, तो उनकी खूबी है. मैं बस डायरेक्शन देता हूं, मैं पढ़ाता नहीं हूं कभी, पढ़ाना नहीं. आई एम नॉट हियर फॉर टीचिंग यू. अरे मेरी ये मजाल मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? 18 साल से आप लोग पढ़ रहे हो गाइस. सिंस द पास्ट 18 ईयर्स यू आर स्टडिंग, स्कूल, कॉलेज, ग्रेजुएशन. मेरी मजाल नहीं है कि मैं आपको पढ़ा पाऊं, है ना, मैं आपको गाइड करता हूं बस, है ना. कृष्णा जो है ना, कृष्णा
एंड अर्जुन, है ना, कृष्णा इज गाइडिंग अर्जुन, नॉट टीचिंग अर्जुन. एक से एक लोगों ने अर्जुन को पढ़ाया था, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सबने पढ़ाया, प्रोफेसर. कृष्णा ने सिर्फ गाइड किया था कि देख भाई ऐसे कर, बस वही मेरा काम है. आप पूछते हो सर यूपीएससी कैसे निकालना है, मैंने बोला ऐसे निकालना है, आप कर लो, वो आपकी काबिलियत, दैट्स इट. ठीक, लॉर्ड कर्जन के बारे में कल बात करते हैं. अरे कोई नहीं बलराम जी, आपके लिए मैं संपूर्ण आधुनिक इतिहास हिंदी मीडियम में लेने वाला हूँ, हिंदी माध्यम में इसका समग्र अध्ययन करेंगे. और जितनी चीज ये जब स्लाइड वाइड है ना, ये सब इंग्लिश में बनी हुई है, है ना, तो ये सब कुछ हिंदी में होगा, तो मेरे जितने भी दोस्त हैं हिंदी माध्यम के, उनके लिए भी, उनका नुकसान ना हो, तो इसलिए पूरा का पूरा जो सिलेबस है इसको मैं हिंदी में भी डिस्कस करूंगा. तो इंग्लिश मीडियम के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ तो ठीक है, लेकिन हिंदी मीडियम के दोस्तों का नुकसान ना हो, उन्हें भी प्रोत्साहन मिले, तो ये सब कुछ मैं हिंदी में भी डिस्कस करूंगा. उसमें भी बैठना बलराम, मजा आएगा, है ना. टीचर्स रिस्पॉन्ड नहीं करते सर जितने क्वेश्चन पे आप करते, अरे ऐसा क्या, लर्निंग प्लेटफॉर्म के टीचर्स को पूछो तो बोलते हैं कि डीप में मत पढ़ो, जरूरी नहीं. अरे ये काम नहीं करना चाहिए, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वही है ना, आप क्यूरियोसिटी को मार रहे हो. अगर कोई ऐसा करता है तो दिस इज रॉन्ग अक्षेश, ऐसा नहीं करना चाहिए उस टीचर को, क्योंकि क्यूरियोसिटी है ना, जब तक क्यूरियोसिटी नहीं होगी तब तक थिंकिंग ब्रेन नहीं डेवलप होगा. आर यू गेटिंग द आइडिया? बच्चे को देखो, बच्चा सीखता कब है, जब वो क्यूरियस होता है कि ये क्या है, ये क्या है, है ना. मेले में जाएंगे आप, है ना, मंदिर में गया बच्चा, तो राम जी को देखा, सीता जी को देखा, है ना, बच्चा क्यूरियस है कि ये दोनों कौन है, सीता जी कौन थी, राम जी कौन है, ये तलवार क्यों पकड़े हैं, ये चक्र क्यों घुमा रहे हैं, है ना. तो बच्चे क्यूरियस होते हैं तभी सीखते हैं, है ना. तो अगर कोई टीचर अक्षेश आंसर नहीं करता है तो ये क्यूरियोसिटी खत्म मत करना, आप क्वेश्चन पूछते रहना, क्योंकि जब तक क्यूरियस होगे, जब तक चीजों के बारे में सीखते रहोगे, तब तक जानते रहोगे, तब तक नॉलेज बढ़ती रहेगी. जहां आपकी ये क्यूरियोसिटी खत्म, आपका सीखना खत्म, एंड लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, है ना. वो जिंदगी भर आपको सीखना ही है, तो ये क्यूरियोसिटी मत खत्म करना, नहीं तो दिमाग मर जाएगा आपका. तो मरे दिमाग के साथ मत जीना, योर ब्रेन शुड बी अलाइव, जिंदा दिमाग के साथ जियो, सीखते रहो. डोंट वरी, जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ आपको हेल्प कर दूँ. बाकी टीचर क्या करता है, दैट इज नॉट इन माई हैंड, बट आई होप यू आर नो गोइंग विद द प्रिपरेशन वेरी वेल. When I joined your class for the first time, I asked 10 questions at least. You responded to all of them. Only then I became a regular student. I'll take it as a compliment, Akshesh. कोशिश रहती है, curiosity देखो खत्म नहीं करनी, मैं समझा रहा हूँ इसी वजह से कि क्यों, and that is my intention. ठीक है, anyways, तो हम लोग जो discussion कर रहे थे इसको मैं end करता हूँ guys. Lord Curzon थोड़ा लंबा topic है, ठीक है. तो आज हमने Lytton discuss कर लिया, आज हमने रिपन डिस्कस कर लिया, आज हमने आईएनसी का बैकग्राउंड समझ लिया है, और मॉडरेट्स के बारे में हम लोग ने चीजें देख ली है. तो कल मैं आपसे फिर मिलता हूं 11 बजे सुबह, 11 AM गाइस, है ना. लॉर्ड कर्जन पे डिस्कशन करेंगे और देखेंगे किस तरह से इसने चीजों को संभाला था. एरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट देखेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने आज मॉडरेट लीडर को देखा, क्या इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्या इनका अचीवमेंट था, वैसे ही हम एक्सट्रीमिस्ट्स को देखेंगे कि ये कौन थे, इनका क्या अचीवमेंट था. और साथ ही साथ कल डिस्कस करेंगे स्वदेशी मूवमेंट 1905, वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, द फर्स्ट मूवमेंट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857. क्या चीज अलग थी 1857 और स्वदेशी मूवमेंट में, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे. और कल की क्लास भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है. तो कल 12वां लेसन होगा मेरी मॉडर्न हिस्ट्री सेगमेंट का, जो मैराथन हम लोग कर रहे हैं,
है ना। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो बताइएगा जरूर। जिन्होंने मुझे पहली बार जो मुझे देख रहे हैं, ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम और मेरी क्लास पसंद आई है, तो मुझे फॉलो जरूर करिएगा अन अकेडमी में। आप अन अकेडमी पे जा करके इस यूजर नेम से मुझे सर्च कर सकते हैं। कार्तिके 3107 इज माई यूजर नेम ऑन अकेडमी, यू कैन ज्वाइन मी ओवर देयर। कुछ इस तरह की प्रोफाइल खुल के आ जाएगी अगर आप इसको सर्च करते हैं, इस यूजर नेम को फॉलो अगर आप चाहें तो मुझे कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए वेन एवर आई एम लाइव। आप चाहें तो मेरे नाम से भी मुझे सर्च कर सकते हैं, मेरे बारे में पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यू नो स्पेशल क्लास जो सेगमेंट है मेरा फ्री लर्नर्स के लिए, फ्री लर्नर अगर आप हैं, फ्री में चीज देखते हैं, तो वो भी आप कई सारे मेरे लेसन्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो सी ऑल टैब पे क्लिक करके आप इस मेन्यू को स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, एंड देन यू कैन सी ऑल द फ्री क्लासेस विच आर अवेलेबल फॉर यू, है ना। मेडिवल इंडिया मैंने डिस्कस कर रखा है, मैं बताना चाहूंगा 18 दिन में मैंने ये चीज ऐप पे खत्म कर रखी है। आप चाहें तो मेडिवल इंडिया के सेगमेंट्स को देख सकते हैं। आज भी मेरी एक क्लास है शाम को 6:30 बजे, इफ यू वॉन्ट यू कैन ज्वाइन मी ओवर देयर। 6:30 बजे आज मेरा एजुकेटर ऐप पे सेशन है, और यहां आज हम डिस्कस करने वाले वेलिजली के बारे में। वेलिजली याद है जो हम लोग कर चुके हैं, तो वहां कोर्स पीछे चल रहा है, तो अगर चाहो रिवाइज करना तो आप आके मेरे साथ जुड़ सकते हो 6:30 बजे गाइस, है ना। 6:30 PM टुडे विलेजली डिस्कस करेंगे, मराठा डिस्कस करेंगे, है ना। तो अगर चाहो तो आना, जुड़ जाना मेरे साथ। और जिन्होंने मुझे इस ग्रुप पे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है गाइस, वो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। अभी 5 मिनट के अंदर मैं PDF देने वाला हूँ। इस ग्रुप पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है जब कभी मैं लाइव आता हूँ, और दूसरा PDF भी मिल जाती है आपको जब आप, जिससे आपका रिवीजन भी आसान हो जाता है और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर आपको मेरे लेसन्स पसंद आते हैं, अगर आपको अन अकेडमी का कंटेंट पसंद आता है, तो गाइज डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड एंड सब्सक्राइब ऑन टू अन अकेडमी। KK001 इज माई कोड, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है आपको अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो, एंड दैट्स इट फॉर टूडे। देन डू यूज दिस रेफरल कोड KK001 फॉर, इसको वायरल कर दीजिए जितना हो सके, फैमिली में फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए, सो दैट द पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम 10% डिस्काउंट। और कोड जो है इससे आपको थोड़ी हेल्प जरूर हो जाती है। मेरे ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू हैव अ लवली इवनिंग। जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथ अन अकेडमी एजुकेटर ऐप पे आने वाले हैं, शाम को 6:30 बजे आपसे मिलता हूं। अदरवाइज बाय बाय, लेट्स क्रैक UPSC सीरीज में। कल मैं आपसे सुबह मिलूंगा फिर 11 बजे, ठीक है। तो मुलाकात होती है कल सुबह 11 बजे।